Let's start. Okay, yes. Okay, good evening, students. I hope all of you are doing well. And the exam was pretty good. So, sabka chehra dekhe. I think the physics part, hum log physics se shuru karne wale hai. Aur iske jo cut-off wagera hoga, wo bhi hum log discuss karenge last mein ja karke. Dekho, hum log physics ka paper to bahut hi easy tha. And we have analyzed the full paper. So, jo dekha humra full paper analyze karke, paper ka quality as compared to the previous year question paper was pretty easy. ठीक है, इसमें कोई भी difficult questions तो है ही नहीं, पूरा straightforward formula based questions दिया गया है. तो I hope that you people are very happy on giving the exam. Physics part तो बिल्कुल भी आसान है पिछले साल के comparison में. ठीक है, चलो हम लोग start करेंगे. Question paper दिख रहा है screen में. I have already projected the screen. I hope you can see the question paper. So we are going to start with the question number one. अच्छा, सेट अलग अलग हो सकते हैं पर क्वेश्चन तो सबका सेम ही होगा. तो देखो हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आंसर भी मैच करके देख लेना तुम्हारा सेट में जो आंसर तुमको मिला गया. तो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर वन. नंबर वन में क्या बोला गया, देखो द टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200, दो रेजिस्टेंसेस हैं और कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ये भी हमको देखना है. और इसमें हमको करना क्या है, हमको थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करना है डेवलप्ड अक्रॉस द 100 ओम एंड 200 ओम के अक्रॉस हमारा थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करना है. तो थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पावर, पावर कंज्यूम चाहिए, क्योंकि हम लोग पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको थर्मल एनर्जी मिल जाता है. यहाँ पे टाइम तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ पावर का रेशियो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखो एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन है तो हम लोग क्या कर देंगे, P इक्वल्स टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट क्या रहता है पैरेलल में, बी रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, स्क्वायर बाय आर रहता है. तो एक चीज जो दिख रहा है क्वेश्चन से, दिस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमको दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के साथ हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो देखो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, ये तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो 1:2 हो गया, 100 एंड 200 है, मेरा पावर डेवलप्ड का रेशियो हो जाएगा 2:1. तो मेरा पावर डेवलप का रेशियो 2:1 मतलब हमारा थर्मल एनर्जी जो डेवलप होगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये भी 2:1 रेशियो में ही आ जाएगा. तो हियर इन द क्वेश्चन नंबर वन जो दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो आई होप एवरीबॉडी हैज डन दिस क्वेश्चंस राइट. तो नंबर टू में आ जाते हैं. नंबर टू में क्या दिया गया है, देखो एन आइडियल गैस अंडरगोस 4 डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो, दोस प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड द आइसोकूलिंग प्रोसेस. ओके, और हर कर्व हमको दिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है. तो इसमें से क्वेश्चन में बोला गया है इसमें से तुमको चूज करना है एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 4 और 1 का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 4 जो है ना, ये 4 हमारा दिख रही है वहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है, मतलब हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा. और यहाँ पे 1 है, 1 कर्व दिखा रहा है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा. तो हमको देखना पड़ेगा 3 और 2 के बीच में आंसर कौन सा है. 3 और 2 के बीच में देखोगे तो हमको देखना है स्लोप अभी किसका ज्यादा है, ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक हमारा पड़ा रहा जो 2 और 3 के बीच में हमको चूज करना चाहिए. तो यहाँ पे देखो 2 का जो स्लोप है, ये इसका जो स्लोप है ये ज्यादा है 3, राइट. तो यू नो दैट द डीपी बाई डीवी रेशियो, जो डीपी बाई डीवी रेशियो होता है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी होता है. तो इसका जो स्लोप होता है ना, इसका स्लोप होता है गामा टाइम्स, मतलब ज्यादा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया कर्व 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया. ऑप्शंस अलग अलग हो सकता है अलग अलग सेट्स में, पर ऑप्शंस तो हमारा ना ऑप्शंस नंबर अलग हो सकता है पर ऑप्शन सेम ही होगा. ठीक है, देख लो ये हो गया आंसर 2 मतलब ऑप्शन नंबर 4. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं. द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में हमको देखना है. ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एकदम आसान सा एकदम बढ़िया सा फॉर्मूला हमको लगाना है और हमका तुरंत आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एस एन एथ बराबर फॉर्मूला यूज करता है करना पड़ता है. तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ये होता है हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन. यहाँ पे हर एक चीज के लिए मेरा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है, हर एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा. तो हर एक चीज के लिए हम लोग एन के जगह में 1 बैठा देंगे, एन के जगह में 2 बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे और उसके अंदर रेशियो हमको कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला गया है तो हमारा
जी होगा, इससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है कि जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक इक्वेशन से। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो ये आ जाएगा, देखो कि 1:3:5:7 आ जाएगा इसका आंसर। क्या करना है, एन के जगह में तुम लोग शायद यही किया गया हुए, एन के जगह में 1 बैठाया, एन के जगह में 2 बैठाया, 3 बैठाया, 4 बैठाया, तो हमारा 1:3:5:7 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है assertion reasoning based question। इसमें assertion reasoning based question है, हमको दोनों स्टेटमेंट को करना है और इसके बेसिस में हमको आंसर करना है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोनों स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हो गया बायट-सावर्ट्स लॉ। तो बायट-सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटिसिमल करंट एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन। ये बात सही है, बायट-सावर्ट्स लॉ में हम लोग सिर्फ मतलब करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, पूरा वायर के लिए हम लोग फाइंड आउट नहीं करते डायरेक्टली, क्योंकि पूरा वायर के लिए हमको अगर फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर हमको इंटीग्रेट करना है विद इन द प्रॉपर रेंज, मतलब हमको सही लिमिट लगा के इंटीग्रेट करना है। ये तो बात सही हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, तो ये जो स्टेटमेंट वन हम लोग वी ऑलवेज हैव टॉक दिस थिंग इन द क्लास दैट व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन assertion reasoning based question, तो तुमको देखना है ट्रू फॉल्स के बेसिस से, स्टेटमेंट बेसिस में देखना नहीं है, हमको ट्रू फॉल्स बेसिस में देखना है। अगर दोनों दोनों ही ट्रू हो गया, दोनों ही फॉल्स हो गया, एक ट्रू एक फॉल्स हो गया, तो बात सही है। अगर दोनों ट्रू हो गया तब एक झमेला होता है, तो हमको देखना है कि दोनों में रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही स्टेटमेंट गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि बोला गया, देखो बायट-सावर्ट्स लॉ इज एन एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। ओके आइडियल वाई द लैटर बीइंग प्रोड्यूस्ड वेक्टर सोर्स Q in light of the अच्छा बायट-सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स। देखो बायट-सावर्ट्स लॉ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और कूलम्स लॉ में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कूलम्स लॉ में हम लोग फोर्स बिटवीन द टू चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं कैलकुलेट करते कूलम्स लॉ यूज करके, हम लोग फोर्स बिटवीन द टू चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो एक गड़बड़ी आ जाएगा, मतलब कूलम्स लॉ और बायट-सावर्ट्स लॉ में तो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ तो है, पर ये एनालॉगस हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात हो गया, देखो बाय स्केलर सोर्स आइडियल, स्केलर सोर्स बोला गया है आइडियल, आइडियल कैसे स्केलर सोर्स होगा, क्योंकि हमारा तो डीएल तो वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल के साथ अगर कोई भी अगर तुम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर जो आएगा ये वेक्टर ही आएगा, तो डीएल तो मेरा वेक्टर है ना, ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। और इसके साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, वन सेकंड प्लीज। ओके, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आई और डीएल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रिजल्ट होना है वेक्टर, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो सीधा सीधा आंसर हम लोग मार देंगे, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, हम लोग ऑप्शन वन में मार देंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सही बात है। चलो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नंबर 5 में आ जाएंगे। ठीक है, देखो 5 में क्या बोला गया है, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपेंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट। ये तो एकदम मामूली जैसा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना है, कुछ मतलब मास बोला गया है और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बोला गया है, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। चाहे कोई भी फोर्स फील्ड हो, चाहे भी कोई भी फील्ड हो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कोई भी हो, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मे बी द ग्रेविटी, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास, वहां पे हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो बस यही करना है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर दो, फोर्स बोला गया 3 न्यूटन और उसके साथ डिवाइड करना है मास, तो ये हो जाएगा ग्राम में दिया गया, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 1000, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा 50 आ जाएगा इसका आंसर, देखो कैलकुलेट करके 50 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फिर आ जाएगा हमारा
50 न्यूट्रॉन पर केजी, ठीक है, सही है, बात समझ में आ गया, आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस, नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो हमारा सिक्स क्वेश्चन में आ जाएंगे अभी, सिक्स में बोला गया है हमारा द पीक वोल्टेज, ये तो बस फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो आंसर कर देगा, पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज, एकदम आसानी से कोई आसान वाला क्वेश्चन हो गया, तो हमको आरएमएस और पीक वैल्यू के अंदर रिलेशनशिप चाहिए। आरएमएस क्या होता है, हमारा जो वी आरएमएस होता है ना, जो वी आरएमएस होता है दैट इज इक्वल टू वी जीरो डिवाइडेड बाई रूट टू होता है, मतलब वी जीरो जो का जो वैल्यू होगा ये रूट टू टाइम्स ऑफ वी आरएमएस होने वाला है, मतलब आरएमएस वैल्यू के साथ अगर रूट टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीक वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन है तो कोई भी गलत, मतलब किसी ने भी अगर गलती किए हो तो मतलब यू हैव मेड सम ब्लंडर, बिकॉज ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन दिया गया है, ये सही करना चाहिए, सबको सही करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा था, पर इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ईजी दिया गया है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिक्स इट इज प्रीटी ईजी, ठीक है, और एनालिसिस करके केमिस्ट्री बायोलॉजी में थोड़ा सा ट्रिकी है दिस टाइम, सो आई थिंक योर कॉन्सर्न टीचर इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो नंबर सेवन में आ जाएंगे, देखो नंबर सेवन में क्या बोला गया था, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई ए 100 किलो वाट ट्रांसमीटर इन वन आवर, एकदम मतलब मामूली सा क्वेश्चन, हमारा पावर दिया गया है, वो क्या रहा है यहाँ पे पावर दिया गया है और यहाँ पे टाइम दिया गया है, हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दो इसको, और क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बस कैलकुलेशंस करने जरूरत ही नहीं है, देख क्वेश्चंस देख करके ही तुम लोग आंसर दे दोगे यहाँ पे, तो ये 100 हो गया, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, एक्चुअली 10^3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 आवर को कन्वर्ट कर देंगे 3600 में, बस इसमें आ जाएगा 36 × 10^7 और क्या है, 3 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे और 2 है, सो 2 × 2 = 4 and 3 = 7, तो ये हो जाएगा 36 × 10^7 जूल, तो नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 36 × 10^7 जूल, ठीक है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 में हम लोग आ जाएंगे, देखो नंबर 8 में क्या बोला गया है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10^-2 डिवाइडेड बाय √5 मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द करंट डेंसिटी फॉर द वायर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर कितना हो जाएगा, अगर किसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पता है तो ये कर देगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वेक्टर, हम लोग क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके थे, बहुत बार इसको बोले थे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा क्वेश्चन अगर करंट डेंसिटी से रिलेटेड आएगा, हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे जब हमारा एक ऑफलाइन क्लास हुआ था, तो तब भी हम लोग डिस्कस किया था अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ रिलेशन जो होता है, करंट डेंसिटी मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये दोनों टॉपिक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड टू सम एक्सटेंट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम मीटर बीच पोटेंशियोमीटर आल्सो, इस बार पोटेंशियोमीटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मीटर बीच से क्वेश्चन बीच रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है लास्ट में, देखने सेक्शन बी में शायद वो है, तो इसमें देखो रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमारा जे इक्वल्स टू क्या होता है इसमें, सिग्मा इनटू ई होता है, और ये सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है हमारा कंडक्टिविटी होता है, राइट, रो होता है रेजिस्टिविटी, ये होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होता है ये हमारा ऑपोजिट ऑफ ये हो जाता है रेसिप्रोकल होता है, राइट, ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, 1/ρ हो जाएगा, तो देखो हमको एक चीज करना है, पहले हमको देखो यहाँ पे जे का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको कैलकुलेट करना है, ई को हमको कैलकुलेट करना है, जे बोला गया है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ द डेंसिटी इन द वायर पर, अच्छा हमको जे कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, इसको हमको देखना है इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया 10 वोल्ट पर मीटर, तो हम लोग सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हमको रो चाहिए, तो रो का वैल्यू होता है हमारा, यू नो दैट whenever we write down the expression of the resistance R is written as rho L divided by A, यहाँ से हम लोग rho calculate कर देंगे, rho अगर calculate हो गया तो sigma हो जाएगा 1/ρ, ये करो बस और कुछ नहीं है, मैं calculations पूरा नहीं दिखाऊंगा, calculations हम लोग already कर चुके हैं,
सिग्मा इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन बाई सिग्मा वन बाई रो हो जाएगा, बस इसी को बैठा दो और हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ई का वैल्यू कैलकुलेट करके जो मिला है ये हो जाएगा 10^5 स्क्वायर, आ जाएगा 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करो बस, इसी में कुछ नहीं है, हमको जे को कैलकुलेट करना है, सिग्मा का वैल्यू प्लेस कर देना, ई का वैल्यू दिया गया है, तो ये आ जाएगा 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी हैज डन दिस थिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट था, इसी से क्वेश्चन भी आ गया। देखो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बस बहुत ही एक मामूली सा चीज, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, हाफ वेव रेक्टिफायर में बोला गया, हाँ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 60 हर्ट्ज है, तो हमारा क्वेश्चन में बोला गया कि इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होने वाला है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर देखा जाए तो ये हमारा इनपुट होता है, ये हमारा एसी हो गया, और हाफ वेव में हमारा सिर्फ पॉजिटिव हाफ ही मिलता है, यहाँ पे एक मिल गया और यहाँ पे एक मिल गया, ऐसे ऐसे करके मिलेगा। तो वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, अगर 60 हर्ट्ज मेरा फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसे कि यहाँ मान लो, तो ये 60 अगर ये 60 टाइम्स हुआ तो ये भी हमको 60 बार ही मिलेगा। ठीक है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा डबल हो जाता, पर हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में हम लोग देते हैं वही फ्रीक्वेंसी हमारा आउटपुट में भी होता है, तो इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 60 हर्ट्ज, एक ही सेम रहेगा, सेम रह जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा 60 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा फिर हम लोग आ जाएंगे नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है देखो, हाँ, if the soap bubble expands, the pressure inside the bubble हमको क्या बनाया है? ये हमारा excess pressure related question सर, हमारा जो chapter था viscosity वाला chapter, जो mechanical properties of fluids होता है, hydrostatics का chapter जो था, उसी से ये question दिया गया है, excess pressure related question दिया गया है। तो excess pressure का जो value होता है P minus P naught होता है, यहाँ पे बोला गया है soap bubble का two free surfaces रहता है, तो इसके लिए हमारा formula हो जाता है 4 sigma divided by r, sigma हो जाएगा surface tension और r होता है हमारा radius। बोला गया देखो हमारा जो bubble है ये increase कर रहा है, मतलब radius जो है ना यहाँ पे increase कर रहा है, तो हमारा excess pressure कैसे हो जाएगा, excess pressure definitely decrease करेगा, अगर radius increase करेगा तो inversely proportional relation है, देख रहा है हम लोग, कुछ भी फॉर्मूला को कैलकुलेशन करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही, अगर फॉर्मूला किसी को याद रहेगा तो हमारा पूरा की पूरा आंसर फिजिक्स में एकदम पूरा की पूरा मार्क्स इसमें लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीजेस। देखो नंबर 11 में आते हैं, 11 में बोला गया था रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द जायरेशंस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड द नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ द जायरेशन ऑफ द डिस्क इज अबाउट। ठीक है, इसमें हमको रेडियस ऑफ जायरेशंस के विषय, देखो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द जायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ये डिस्क के लिए बोला गया है, डिस्क के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या होता है ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अबाउट द सेंटर और अबाउट द डायमीटर, अबाउट द सेंटर हमारा हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और अबाउट द डायमीटर क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसमें क्या अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये तो याद होना चाहिए सबको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द डायमीटर, हमको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो भी होता है, मतलब समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये अलग अलग पोजीशन में, जैसे कि हमारा सेंटर के थ्रू डायमीटर के थ्रू अलग अलग हो गया, यही हमारा हो जाएगा टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ डायरेक्शन स्क्वायर, सो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर बोथ ऑफ देम, तो इसमें हमको के कैलकुलेट करना है, एक में मेरा एम आर स्क्वायर हो गया और डायमीटर के थ्रू हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसमें हमारा एम के का वैल्यू दोनों केसेस में कैलकुलेट करना है, तो एक चीज तो एम आर स्क्वायर, दूसरा केस में हाफ हो गया, तो इसमें देखो स्क्वायर है That is related to k square. तो हम लोग k को k मानेंगे, तो इसमें definitely 1:√2 आ जाएगा। ठीक है? Sorry, इसमें हमारा आ जाएगा divided by कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा √2:1. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 11 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, जो हो गया हमारा √2:1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में बैठवाना है और आंसर निकालना है। नंबर 11 का आंसर हो गया, अभी हम लोग आ जाएंगे 12 का। देखो इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नंबर 12 में क्या दिया गया है, देखो 12 में बोला गया है हमारा इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेट स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, हम कैलकुलेट करना है स्पीड
इन द ट्रांसवर्स वे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कैसे होता है ये, रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू के साथ प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू के साथ हमारा प्रोपोर्शनल होता है. बस इसी को हमको ध्यान में रखे हुए हमको कैलकुलेट करना है स्पीड. ठीक है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल, हम लोग टेंशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया. बस इस पे तो सिर्फ हम टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, म्यू तो बोथ बोथ इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो हमने पहला पहला जो टेंशन था उसको हमने डबल कर दिया, टू टाइम्स कर दिया. तो ये रूट ओवर ऑफ टी वन बाई टी टू के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहाँ पे एक आंसर हमको दिख रहा है, 1:√2 आ जाएगा, सिंपल. अगर फॉर्मूला किसी को याद है तो वे तुरंत कर लेगा, 1:√2 विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस. तो नंबर 12 का जो सही आंसर आ गया ये नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 1:√2. नंबर 13 में आ जाएंगे. देखो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ 10 मीटर विद द नेग्लिजिबल मास. द डिस्टेंसेस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास. बस एकदम एकदम क्या बोलूं मैं क्वेश्चन को, पूरा मामूली सा क्वेश्चन दिया गया है. दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों मास का, दोनों अलग अलग मास है, एक 10 केजी का है, एक 20 केजी का है. बस इसमें सेंटर ऑफ मास निकालो, 10 केजी के रेस्पेक्ट में निकालो, m2r डिवाइडेड बाय m2. ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो r1 का वैल्यू मेरा जीरो हो जाएगा. ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो m2r 20 मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 निकालो. r का वैल्यू हमको निकालना, r का वैल्यू हमको निकालना है, rcm का वैल्यू हमको निकालना है. ठीक है, r का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेपरेशन क्या है, दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10 मीटर है. बस कैलकुलेट करो, m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही तो हो जाएगा rcm का पोजीशन. ये कैलकुलेट करके देख लो कितना आंसर आता है. इसमें जो आंसर आ गया हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, ये आंसर आ जाएगा 20/3. कैलकुलेट करके देख लेना, m2r/ मतलब 20 × 10 डिवाइडेड बाय 30. तो एक तो चीज हमको समझ में आ रहा है, नीचे 30 आ रहा है, नीचे 3 आएगा जरूर. हाँ, 3 इसमें भी है, 10/3 में भी है, पर ये 20/3 आ जाएगा. कैलकुलेट करके देख लो. नंबर 14 में आ जाएंगे. द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंट. नंबर 14 में आ जाएंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इसके साथ एसोसिएटेड मतलब कौन सा हो जाएगा, मोमेंटम के साथ हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या है. क्या होता है भाई, p cos 8/λ होता है. ये सबको पता है कि p cos 2 होता है हमारा 8/λ, यही तो होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का क्या. ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बनेगा. तो यहाँ पे एक ही चीज हमको दिख रहा है, लीनियर रिलेशन. ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा. प्रोपोर्शनल टू 1/λ करना है तो हमको ऑप्शन नंबर 2 में आंसर मानना है. ठीक है, तो 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया. 15 में आ जाते हैं. 15 में बोला गया, देखो, एक लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, 1 एम्पीयर करंट फ्लोस थ्रू द सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड. बस कुछ नहीं है इसमें, म्यू नॉट एनआई अप्लाई करो, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है. 15 में क्या अप्लाई करोगे, सिर्फ म्यू नॉट आई अप्लाई करोगे, म्यू नॉट एनआई अप्लाई करोगे. म्यू नॉट, बी का वैल्यू क्या होता है भाई, बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट एनआई. अच्छा, यहाँ पे एक ही चीज करना है जिसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाया गया है क्वेश्चन में. यहाँ पे एन को कैलकुलेट करना है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर वॉल्यूम कर देंगे. यहाँ पे रेडियस देखो बोला गया है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 100 टर्न्स बोला गया है. तो टोटल 100 डिवाइडेड बाई हम लोग इसमें कर देंगे वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे जो एन का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, म्यू नॉट तो पता ही है, ये 10^4π × 10⁻⁷ होता है वैल्यू, 4π × 10⁻⁷. करंट का वैल्यू भी हमको दिया गया है 1 एम्पियर. तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना और क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अप्लाई करेंगे. अच्छा, इसमें जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ये देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा आंसर. कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं है कि ये होगा कि ये भी हो सकता है, मतलब कभी कभी दोनों ऑप्शन भी बहुत क्लोज दिया गया है, कोई भी एक आंसर हो सकता है. ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन तो मेरे को मैं नहीं मिला, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है. नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखो. अच्छा, हाँ, बोला गया, देखो, लाइट रे फॉल्स ऑन द ग्लास सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3, एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट. देखो इसमें तो बस tan ip equals to mu equals to tan ip अप्लाई करो, ब्रेस्टर्स लॉ लगाना है, और क्या है, mu equals to tangent of ip करना है.
हमको पोलराइजेशन वाला एंगल मिल जाएगा, आईपी का वैल्यू मिल जाएगा। आईपी अगर निकाल लोगे तो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड वैल्यू निकालोगा, क्या है इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें, यही तो मेरा पोलराइज्ड हो गया। तो हाँ, इसमें फॉर द वैल्यू ऑफ आईपी फॉर व्हिच द रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड राइज, इसमें तो बस अगर कोई भी किसी को मतलब ये कैलकुलेट भी नहीं करेगा तो ये भी समझ, ये समझना आना चाहिए जिसको रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में अगर पोलराइजेशन हो रहा है तो इसमें एंगल हमारा हो जाना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो म्यू कॉस टू टैन आईपी अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये हम लोग सिंपली कॉन्सेप्ट अप्लाई करके डायग्राम से भी तुम लोग बना सकते हो, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री इसके बीच में एंगल। ठीक है, 60 डिग्री मेरा इंसिडेंट लाइट है, बस ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, नंबर 17 में आ जाएंगे। नंबर 17 में बोला गया देखो सेल ऑफ मास एम इज एट इनिशियली एट रेस्ट। 17 में आ जाएंगे, 17 में जो क्वेश्चन दिया गया है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। सेल ऑफ मास एम इज रेस्ट इनिशियली इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स 2:2:1। अच्छा, वो फ्रेगमेंट वाला एक्सप्लोजन वाला चीज दिया गया है, 2:2:1 में फ्रेगमेंट हो रहा है। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग द इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग द म्यूचुअली पर्टिकुलर डायरेक्शंस। अच्छा, इक्वल मास जो है मतलब मान लो ये हमारा टोटल एक द ऑब्जेक्ट इज हियर और इसमें हमारा इक्वल मासेस है, इसे इक्वल मास हो गया और ऐसे ही मान लेते हैं इसको। ये मास मान लो 2m है, ऐसे 2:2m कर देंगे इसको भी 2m कर देंगे, इसको हम लोग m मान लिया। ठीक है, तो इसमें देखो ये दोनों परपेंडिकुलरली निकल रहा है, आफ्टर द एक्सप्लोजन दिस टू आर गोइंग परपेंडिकुलरली द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट्स। इसमें और कुछ करना नहीं है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देंगे, हम लोग निकल जाए इसमें निकल जाएगा आंसर। तो थर्ड पार्टिकल मतलब इसका हमको हमको वेलोसिटी चाहिए। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, ये जो आफ्टर द एक्सप्लोजन दीज आर मूविंग परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो इसका हमारा स्पीड निकलना होगा। स्पीड निकल के देख लेना बस, इसमें अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 2:2:0। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर और कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नंबर 18 आ जाओ, सब लोग नंबर 18 में आ जाओ, नंबर 18 में आ जाएंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसमें स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। 8 फ्रिंजेस दिख रहा है। When a monochromatic light of 600 nanometer of wavelength is used, okay? If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes you'd observe in the same region. अच्छा, same region में करना है, same region में ही हर fringe मिल रहा है, तो हमारा next number of fringes कितना मिल जाएगा? देखो, हर एक fringes का जो fringe width होता है, ये हमारा होता है lambda d by small d. इसके साथ अगर 8 multiply कर देंगे, यही हो जाएगा मेरा total distance. मतलब दोनों ये दो separations में सेपरेशन के बीच में जो गैप है ये हमको मिल जाएगा, मतलब फ्रिंज टू फ्रिंज, लास्ट फ्रिंज टू फर्स्ट फ्रिंज का हमारा गैप मिल जाएगा। तो बोला गया है नेक्स्ट नेक्स्ट केस में हमारा वेवलेंथ चेंज कर दिया गया है 400 बोला गया है इसको और कुछ नहीं। इन वन देखो यहाँ पे कैपिटल डी तो मेरा सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट टू द स्क्रीन यही ये तो मेरा सेम है और स्मॉल डी भी सेम है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, एन वन लैम्डा वन इक्वल्स टू सिंपली एन टू लैम्डा टू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एन चेंज होगा लैम्डा चेंज होगा और कुछ नहीं है, बस बाकी डिस्टेंस तो मेरा सेम ही होगा। ये कैलकुलेट करो, एन वन का वैल्यू बोला गया है 8 है, लैम्डा वन है हमारा 600, एन टू हमको कैलकुलेट करना है, इसी को मेरे को कैलकुलेट करना है, लैम्डा टू बोला गया है 400, इसको कैलकुलेट करके देखो ये आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 2 12 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आ जाएंगे, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। बस इसमें लिफ्ट का क्वेश्चन है, पर लिफ्ट का क्वेश्चन दिख रहा है, लिफ्ट का क्वेश्चन है नहीं, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। 2000 केजी है इसका मास और बोला गया कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, पर कोई भी एक्सेलरेशन भी नहीं है, पर क्वेश्चन को और आसान कर दिया गया है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, 1.5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो मेरा कितना पावर डिलीवरी होना चाहिए? तो एक तो मेरा अपोजिशन वाला फोर्स हो गया, एक तो मेरा 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 लिफ्ट को उठाना है जिसका मास है ये, तो इसके साथ एसोसिएटेड वेट अगर फाइंड आउट करना है तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन कर देंगे, ये हमारा टोटल एसोसिएटेड वेट हो जाएगा, मतलब 20,000 न्यूटन। तो पूरा लोड किस
पावर जो डिलीवरी होगा ये दैट विल बी अगेंस्ट द टोटल लोड एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये 20,000 के साथ हम लोग ऐड कर देंगे 3,000, देन 23,000 हो जाएगा। और ये अगर हमको पावर डिलीवरी कैलकुलेट करना है तो पावर डिलीवरी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू ए बी, फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब हर वक्त डब्ल्यू बाई टी को याद मत रखो, डब्ल्यू बाई टी तो होता ही है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस डिवाइडेड बाई टी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टी होता है मेरा वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं। पावर कैलकुलेट करो, फोर्स दिया गया है, वेलोसिटी दिया है, फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 23,000 और वेलोसिटी है मेरा 1.5, इसको कैलकुलेट करके देख लो, यही हो जाएगा हमारा आंसर और कुछ नहीं है इसमें। इसको कैलकुलेट करके तुम लोग अगर देखोगे, कैलकुलेशंस थोड़ा सा चेक करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 का इसको देखोगे, 1.5 के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है 23,000, 23,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 के साथ ये हो जाएगा 34,500, तो इसका आंसर आ जाएगा ये नंबर 1। तो 19 का क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर 1, 34,500, ठीक है। व्हाट, अच्छा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है बस, इसमें तो भाई कुछ नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से एकदम मतलब आसान सा चीज कर दिया गया है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का कुछ भी हमारा डायमेंशन नहीं रहता है, बोथ आर डायमेंशनलेस, ठीक है, पर हमारा यूनिट्स तो होगा ही, तो यूनिट्स होता है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दोनों का ही यूनिट, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, पर दोनों ही डायमेंशनलेस है किसकी, क्योंकि इसमें हमारा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस एस बाय आर हो जाएगा और इसमें हमारा डी ए बाय आर स्क्वायर हो जाएगा सॉलिड एंगल, तो यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, ठीक है। सो नंबर 20 का आंसर भी हमने देख लिया, नंबर 20 भी आसान क्वेश्चन एकदम यूनिट्स एंड डायमेंशन से दिया गया है। अभी हम लोग आ जाएंगे नंबर 21 में, देखो नंबर 21 में क्या बोला गया है, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज व्हाट, 21 में हमको एलिमेंट एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इसमें क्या है, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन है, एक न्यूट्रिनो है, ये तो चार्जलेस पार्टिकल है, इसका कुछ भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं होगा, ये e प्लस वन है मतलब प्लस वन e जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस वन कर देते, तो यहाँ पे एक प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन मतलब वो एटॉमिक नंबर में देखो इधर एटॉमिक नंबर 11 है टोटल और इसमें प्लस वन तो है ही, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर में तो 10 हो जाना है इसके, और ऊपर 22 है इसमें तो 0 है मतलब ऊपर भी 22 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा नियॉन 10 22, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस एकदम मतलब इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता, ठीक है। नंबर 22 में आ जाएंगे, बोला गया व्हेन अ लाइट प्रोपेगेट्स, इसमें भी बस कुछ नहीं है, नंबर 22 अगर दिख फॉर्मूला दिख, ये तो ऑप्शन देख के ही आंसर कर देगा, ऑप्शन कौन सा होने वाला है, तो इसमें बोला गया व्हेन द लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू द मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट v इज गिवन बाय व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट v हमको कैलकुलेट करना है, तो ये करेक्ट कौन सा हो जाएगा, एक तो चीज हमको पता है c जो होता है ये 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, बस इसी को हमको v कैलकुलेट करना है और क्या है, v क्या हो जाएगा c बाय हमारा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर जो हो जाएगा ये म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट हो जाएगा, तो यहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करो और ये क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, मतलब नीचे एप्सिलॉन और म्यू आर है, हम लोग म्यू नॉट किसी को रिप्लेस कर देंगे तो c का वैल्यू जो हो जाएगा c डिवाइडेड बाय दिस म्यू आर एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आसान सी हो जाएगा, बस ये हो गया नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया नंबर 2 v इक्वल्स टू c बाय एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर, ठीक है। नंबर 23 में आ जाएंगे, देखो नंबर 23 में क्या बोला गया है, नंबर 23 बस इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में, बस ये तो आ जाएगा कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और हमारा सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नंबर 24 में आ जाते हैं, देखो नंबर 24 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें मैग्नेट द डायमेंशंस ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू का वैल्यू हमको मतलब डायमेंशंस निकालना कौन सा है, इसमें थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ेगा तुमको, हर एक मैग्नेटिक परमिबिलिटी मैग्नेटिक परमिबिलिटी हर एक चीज का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, नहीं तो ये
आएगा नहीं कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक देखो मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहाँ पे है वो देखो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है उसको देखो, म्यू नॉट हम लोग एक कर्स कम कर सकते हैं यहाँ पे, बी कॉस टू म्यू नॉट एन आई होता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बी का वैल्यू हम कुछ किए। फिर अगर बी को नहीं पता है तो फिर एक काम कर सकते हो, इसमें इसमें से भी ये आ जाएगा, इसमें से बहुत आसानी से आ जाएगा बेसिकली, एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी, ये करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा ठीक है, क्योंकि बी से स्टार्ट करोगे, बी के स्टार्ट करोगे तो बी का भी डायमेंशन हमको याद होना चाहिए, बी का डायमेंशन हमको किसी को याद नहीं रहता है, पर फोर्स का डायमेंशन हमारा याद ही है, एमएल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू होता है, तो एमएल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू है वहां पे, और नीचे आ जाएगा टू पाई डी, तो डी मतलब एल क्यूब हो गया, और हाँ और हमको म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए, तो म्यू नॉट का म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगा, और आई वन आई टू है ये नीचे आ जाएगा, ये एम्पियर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मतलब एम्पियर टू दी पावर माइनस टू आ गया, और ये यही हो जाएगा आंसर। सॉरी दिस इज एम एल टी माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू आ जाएगा ठीक है, ये इससे इसी से कर लो, इसी से ये आसान सी क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस टू ए माइनस टू, तो दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंगिंग टू मैग्नेटिक परमिबिलिटी, या हमारा मैग्नेटिक परमिबिलिटी आ जाएगा, इसी में ही हमारा आंसर निकल रहा है, तो हमको बाकी पैरामीटर नहीं देखने से भी ये चल जाएगा ठीक है। हाँ तो ये हो गया नंबर वन, देखो नंबर 25 में आ जाओगे, देखते हैं एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एंगल क्या है, एक चार्ज ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, ऐसे मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्ट मतलब एंगल कितना है 90 डिग्रीज है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। 26 में आ जाते हैं, बोला गया T1 एंड T2 विद द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 बाय T2 कितना है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट ठीक है, वन टर्म क्वांटम स्टेट तो नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू कितना है 3 है, बस एनर्जी फाइंड आउट करना है, एनर्जी क्या होता है भाई हाइड्रोजन लाइक एटम है तो en इज नो यू नो दैट इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल टू en जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर हो जाएगा, बस इसी को कैलकुलेट करो e1 बाय e2 करो रूट ओवर मतलब n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा -2.4, 3 ऊपर चला गया और हमारा 2 नीचे, 9:4 हो जाएगा इसका आंसर, सो 26 का जो आंसर आ गया हमारा 9:4, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक तो नहीं देता क्वेश्चन पेपर में। देखो नंबर 27 में बोला गया है दोनों दोनों पीएन पीएन जंक्शंस डायड है, दो अलग अलग पीएन जंक्शंस डायड है, और इसमें बोला गया है इन द गिवन सरफेस एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन व्हाट, दोनों में मतलब ड्रॉप तो किस में इक्वल होगा, इक्वल किस में होगा, देखो एक चीज हमको दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस में है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस में है, और दूसरा डायग्राम में दिखता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है और ये हमारा रिवर्स बायस में है, और तीसरा क्वेश्चन में दिख रहा है ये हमारा रिवर्स बायस, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है और ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो हमारा सिमिलरिटी बन रहा है 1 और 3 के बीच में, मतलब ए और सी में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोथ सर्किट्स ए एंड सी, ये बी नहीं होगा, तो 27 का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। लेट अस कम टू 28, बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच ठीक है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है 20 सेंटीमीटर बोला गया है, भाई दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 द पावर ऑफ लेंस, भाई इसमें और क्या करोगे p cos 2 1 / f, इसमें तो फार्मूला सिर्फ अप्लाई करोगे तो आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे म्यू माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करो और कुछ नहीं है, इसमें और क्या है बोलो, और कुछ भी नहीं है, इसमें 1/f कैलकुलेट करो, 1/f का जो वैल्यू आएगा वही मेरा पावर आ जाएगा, पर ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर हमको डायफ्राम में आंसर करना है, तो इसको हम लोग 100/f कर देंगे, तो हमारा आंसर डायरेक्टली सॉरी इसमें
एफ को हमको कॉन्वर्ट कर देना मीटर में, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा डायाफ्राम। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो जो आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा दिस 5 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर आना है। ऑब्वियसली प्लस तो होगा ही, और म्यू का वैल्यू बोला गया 1.5, और R1 R2 दोनों ही मेरा 20 20 करके बोला गया है, तो 1/R1 भी मेरा 20 आएगा, 1/R2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2/R हो जाएगा, मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1.5 माइनस 1, बस ये तो मतलब सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन कैलकुलेशन करो भी तब भी आंसर आ जाना चाहिए था। 1/4 ए पर का वैल्यू हमने निकाल लिया और इसमें से पावर भी हो गया, तो ये हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला के एप्लीकेशंस। 28 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखो 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है, 29 में क्या बोला गया है, दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है और इसके अच्छा लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट Incident on a photoelectric metal, their stopping potential is Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for the metal हमको calculate करना है। हमको threshold frequency का value चाहिए। बस इसमें तो Einstein photoelectric expression use करना है और क्या, इसमें इस पर कुछ नहीं है। सिर्फ Einstein photoelectric expression को use करो, answer आ जाएगा निकल के। अच्छा, इसमें करना है देखो, पहला दोनों बार हमको Einstein photoelectric expression निकालना है। एक में बोला गया है फ्रीक्वेंसी न्यू है और दूसरा में न्यू बाय 2 है, फोटोइलेक्ट्रिक मेटल है, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स वीएस बाय 2 और दूसरा केस में वीएस है। तो पहला इक्वेशन एच में हमारा वर्क फंक्शन दोनों केस के लिए सेम रहेगा क्योंकि मेटल तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया डब्ल्यू प्लस ई, पहला हो गया ई वीएस बाय 2 और दूसरा हो गया एच न्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस EBS। बस हमको क्या कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मतलब न्यू नॉट को कैलकुलेट करना है, बस और कुछ नहीं है। इसमें दोनों को सॉल्व करो, नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो, न्यू नॉट को कैलकुलेट करो। न्यू नॉट क्या होता है, ये W का वैल्यू ही तो H न्यू नॉट होता है भाई, तो ये न्यू नॉट का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है। बस दोनों को सॉल्व करो, W कैलकुलेट करो और यहां से न्यू नॉट कैलकुलेट कर लो, ये जो आ जाएगा कैलकुलेट करके देख लेना, ये 3/2 ऑफ न्यू आ जाएगा, 3/2 ऑफ न्यू, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, 3/2 ऑफ न्यू आ जाएगा इसका आंसर। आई होप दैट यू पीपल हैव डन दिस। फिजिक्स में तो पूरा एंड मार्क्स इनको सब लाना है, ठीक है। नंबर 30 में आ जाएंगे, 30 में बोला गया स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप, 30 में देखो बोला गया है स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप हाँ In a long column of a highly viscous fluid, the car will. भाई ये तो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का बात आ गया, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल को तुम लोग ड्रॉप कर रहे हो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्यूब से और एक विस्कस फ्लूइड यहाँ पे रख दिया गया है, तो पहले तो ये इसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन आ जाएगा, पर ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते 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 तुम्हारा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा टर्मिनल वेलोसिटी से रीच करेगा, मतलब वेलोसिटी कुछ देर के बाद कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पे टाइम के बाद ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब इसमें मेरा टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया है। तो एक तो यहाँ पे एक ही चीज हमको दिख रहा है ऑप्शन, मतलब जो बी कर्व है वही मेरा सही आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नंबर 31 में आ जाएंगे, एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील, 31 में बोला गया है एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील, एक फ्लाई व्हील है और विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन द 16 सेकंड्स, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट। बस इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टी कर देना है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर द रोटेशनल मोशन, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2πf हो जाएगा, ठीक है। ये पे आरपीएम बोला गया है तो इसको रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कर सकते हो और इसमें 2π मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के दौरान में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ओमेगा को थोड़ा सा 2πf कर लो, इसीलिए हमारा पाई में आंसर आ गया है। देखो यहाँ पे हमारे का आंसर हमारा पाई में है, तो ये 31 को कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, इसमें बस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा क्या हो जाएगा 3120 मल्टीप्लाइड बाई 2π और मल्टीप्लाइड बाई पर मिनट बोला गया है तो पर सेकंड में कैलकुलेट कर तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेना इसके साथ, और माइनस 1200 इंटू 2π इंटू 60 डिवाइडेड बाई टाइम बोला गया 16 सेकंड, तो इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। ये कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा मेरा आंसर नंबर 4, 4π इसका आंसर हो जाएगा, 4π रेडियन पर
स्क्वायर, ठीक है। चलो 32 में आ जाएंगे, बोला कि स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 1 मीटर एंड द रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होना है। 32 में बोला गया मैग्नेटिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है 32 में? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप जो है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड है, आउटवर्ड ही मान सकते कोई बात नहीं, और ये मेरा लूप जो हो गया स्क्वायर लूप है, तो इसको ऐसे एक स्क्वायर लूप हो गया, तो मेरा जो प्लेन है ये जो प्लेन दिख रहा है ये तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कितना होना चाहिए? फाई कॉस क्या होता है? वी डॉट ए। एक तो चीज समझ में आ रहा है, अगर एरिया वेक्टर तो इसके साथ साथ परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा का वैल्यू आइदर मेरा होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो कॉस 0 भी 1, कॉस 180 माइनस 1 आता है, माइनस में हम लोग आंसर नहीं करने वाला है यहाँ पे। तो फाई का जो वैल्यू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा होता है हमारा फाई का वैल्यू, तो बी ए कॉस 0 हो सकता है, बी ए कॉस 180 होता है, मतलब बी मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड 0.5 बोला गया है और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0.5 वही बार आ जाएगा, और क्या 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर 1 तो 0.5 वही बार। 33 का आंसर देखते हैं भाई, ये तो पूरा गजब हो गया। नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें और क्या करोगे, इसमें स्लोप कैलकुलेट करोगे, हमारा वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, क्या होगी इसमें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी नीट में आया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया एनटीए वालों ने, पेपर पिछले साल के साथ थोड़ा सा कॉम्पेंसेट हो गया इस बार जो क्वेश्चन आया। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दोनों का स्लोप बोला गया है 45 डिग्री 30 डिग्री, तो इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है मतलब इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे। तो हमारा स्लोप कैलकुलेट करके, स्लोप क्या होता है, टेन टेन थीटा होता है स्लोप, तो टेन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन 30 कर देंगे। अच्छा पहले, हाँ टेन 45 भी है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज़ शोन इन द फिगर। अच्छा पहले 30 को बोला गया है, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो टेन 30 डिवाइडेड बाई टेन 45 कर देंगे और क्या, 10:30 का वैल्यू होता है। अच्छा तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, हो जाना चाहिए 1:√3 हो जाना चाहिए, 1:√3 हो जाना चाहिए नंबर 33 का जो आंसर, क्योंकि 10:30 कर देंगे, देखो 30 डिग्री को पहले बोला गया है, 10:45 को मतलब सेकंड स्टेप में बोला, सेकंड केस में बोला गया, तो हम लोग जो स्लोप का रेशियो लेंगे 10:30 डिवाइडेड बाई 10:45 कर देंगे, 10:30 होता है 1/√3 और ये तो हो जाएगा मेरा 1, मतलब 1:√3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 1:√3। 33 हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1:√3। अच्छा उसके बाद एक मैच द फॉलोइंग बोला गया है, 34 में देखो एक मैच द फॉलोइंग बोला गया है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा देखो पहले, ए गोज टू 3, ए गोज टू 2, ए गोज टू 3, ए गोज टू 2, इसमें थोड़ा सा देखना है, चेक करना है, एक के बाद एक चेक करना है थोड़ा सा। ए में है एएम वेव्स, अच्छा ओके ठीक है, रेडियो वेव्स है, उसके बाद माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, अच्छा एक्सरे है। एक चीज समझ में आ रहा है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होता है एक्सरे का, इसमें ये चारों में से एक्सरे का एनर्जी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो एक चीज तुमको समझ में आ रहा है कि डी जो होगा ये 1 में घुसेगा, ठीक है, और डी के साथ 1, अच्छा डी के साथ 1 में तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन कभी नहीं पॉसिबल है। और उसके बाद जो आ जाएगा देखो, सी को थोड़ा चेक करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को चेक करते हैं, सी में जो हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशंस, बिकॉज द वेवलेंथ इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, हमको देखना है सबसे बड़ा वाला वेवलेंथ कौन सा है, सबसे छोटा वाला वेवलेंथ कौन सा है, इससे हमको चेक करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वेवलेंथ किसी को पॉसिबल नहीं है कि हर एक वेवलेंथ सब लोग याद करते जा रहे। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं फिर रेडियो वेव्स को देखते हैं, रेडियो वेव्स में क्या है, रेडियो वेव्स में सबसे अच्छा, हाँ हो गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसमें लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट को फाइंड आउट करना है और सबसे बिग वेवलेंथ, बिगेस्ट को फाइंड आउट करना है,
तो रेडियो वेव्स में सबसे बिगेस्ट होता है, मतलब रेडियो वेव्स कहाँ पे घुसेगा भाई, रेडियो वेव्स आ जाएगा मेयर टू पे। तो ए में टू एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्सेंट्रेट करके हमको पूरा ऑप्शन नहीं करते, बाकी चीज हमको देखना नहीं है। इंफ्रारेड माइक्रोवेव को किसको याद भी नहीं होगा तो यह चल जाएगा, क्योंकि ए कम्स टू टू डी कम्स टू वन विच कम्स अंडर द ऑप्शन नंबर टू। 34 हो गया आंसर। चलो नंबर 35 आ जाएंगे। Two hollow conducting spheres of radii R1 and R2. R1 very very greater than R2 have equal charges. The potential would be what? तो potential calculate करना है इसमें हमारा। यहाँ पे एक चीज तो हमको समझ में आता है कि V का जो value होता है भाई KQ divided by R होता है। V का value कितना होता है? KQ divided by R होता है। तो ये V हो गया inversely proportional to R, radius के साथ inversely proportional हो गया। मतलब हाँ, तो किसमें ज्यादा होगा? जिसमें R ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो 35 का जो आंसर निकल के आ गया ये हो गया हमारा नंबर 4। आई होप एवरीबॉडी हैज डन विद दिस। समझ में आ गया सबका? बात समझ में आ गया? तो लगभग हम लोग सेक्शन ए का जितना भी क्वेश्चन था ये तो सॉल्व ही कर लिया। अभी सेक्शन बी में थोड़ा सा आ जाते थे, सेक्शन बी में आ जाओ सब लोग, 36 में आ जाते हैं। 36 में क्या बोला गया है? 36 में बोला गया है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, 900 पिको फैराडे के कैपेसिटर है। 36 में आ जाओ सब, एक 900 पिको फैराडे इज चार्ज फुली बाई 100 वोल्ट हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, और देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस 900 पिको फैराडे। तो ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम बी, देखो भाई सिस्टम बी में इसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, इसमें भी तो वही एनर्जी है, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर टोटल सिस्टम में तो वही एनर्जी स्टोर होगा जिस जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा। बस इसमें क्या करोगे, यहाँ पे इसमें एनर्जी कैलकुलेट करो, और क्या करना है, इसमें हाफ सी बी स्क्वायर को कैलकुलेट कर देना है, और क्या है, सी को 900 पी को फैराडे बोला गया है, तो इसको 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कर देंगे, फैराडे में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा आंसर तो जूल में आएगा, तो इसको करो ऐसे। तो इसमें C का वैल्यू हो गया ये, और 900 और V है हमारा 100 वोल्ट, तो 100 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, पर हाफ है। देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया, और 100 10 टू द 100 स्क्वायर हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया। देखो यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाई हाफ है ना, तो यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाई हाफ कर देंगे तो मतलब 4.5 के साथ रिलेटेड कुछ चीज बताएगा आंसर। तो यहाँ पे एक ही आंसर हमको दिख रहा है, थोड़ा सा नीट में पूरा आंसर ना करने करने का कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ता है, अगर थोड़ा सा इसके बीच में थोड़ा सा समझ में आ गया चाहिए होना है, ठीक है, तो इसी को तुरंत करो। हाँ थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो केस सॉल्व करो, पर इसमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि हम लोग दिख रहा है 900 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ रहा है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, इसमें आंसर मार दो। अच्छा 37 में आ जाएंगे। वॉल्यूम occupied by the molecules contained in the 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanishes away is what? ठीक है, intermolecular forces vanishes away. Volume occupied by the, अच्छा बस इसमें क्या करोगे, इसमें हम लोगों को बस PV equals to nRT apply करना है, PV equals to nRT apply कर दो। अच्छा इसमें हमको करना क्या है, the volume occupied by the molecules contained in the 4.5 kg of water at STP, तो हमको वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो वी हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी कर देंगे, एसटीपी में बोला गया है, तो एसटीपी में हमारा प्रेशर कितना होता है भाई, ये होता है 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो इसको 10 टू द पावर 5 ही कर लो, 1.01 पे लेने का कोई जरूरत नहीं है। आर का वैल्यू हमको पता है, टी का वैल्यू बोला गया है एसटीपी में, 273 केल्विन ले लेंगे, और हाँ बाकी चीज तो सब दिया गया है, इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे पूरा की पूरा चीज, आर का वैल्यू, एन का वैल्यू, टी का वैल्यू, पी का वैल्यू बढ़ा दो, एसटीपी में बोला गया है, तो ये जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 5.6 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है 5.6 मीटर क्यूब इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी हमारा एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला गया है, दो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमको मिला पूरा सेटअप पे। अच्छा इसमें देखो, इसमें आसान है मैच द फॉलोइंग, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट
तो यहाँ पे ग्रेविटेशन सब ग्रेविटेशनल से रिलेटेड चीज है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। बस देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर किसी को फॉर्मूला याद है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ये होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग इसका डायमेंशन बहुत बार हम लोग इसको निकाल दिए, ये होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में होता है जी एम वन एम टू बाई आर क्यूब, होता है हमारा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। तो एक तो चीज हमारा आ गया ए इक्वल्स टू टू, ए इक्वल्स टू टू मतलब हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। हम लोग फिर बी को चेक करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को चेक करेंगे, इसमें दोनों मास है देखो, ठीक है, इसमें जी तो है ही, इसके साथ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, मतलब इसके साथ हमारा एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई एल कर देना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, बी में कौन सा आ जाएगा, बी में देखो ये आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर। देखो इसी से हम लोग देख रहे हैं ना, एम का वैल्यू -1 है, एम स्क्वायर हो गया, ये दोनों करके हो गया एम, और एल क्यू बाई एल मतलब एल स्क्वायर हो गया, मतलब एम एल स्क्वायर टू द पावर -2, ये बी में आ गया 4, ये भी दो ऑप्शन में है, बी में 4 मतलब ये हो गया फिर गया, मतलब ये दोनों हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी, ठीक है, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो अभी आ जाएगा सी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है जी एम बाई आर, ये जी एम बाई आर मतलब एक ही मास मल्टीप्लाई होगा, एक ही मास मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये मास का तो कुछ नहीं रहेगा फिर, तो सी कितना किसमें आ जाएगा, सी में आ जाएगा देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो सी एल स्क्वायर, ये बाकी पैरामीटर तो सेम ही रहेगा, इसी का ही रहेगा, पर इसी के एम स्क्वायर की जगह में हम लोग अभी फिलहाल कर देंगे एम, तो हमारा एम एम -1 कैंसिल आउट हो गया, तो सी का जो हो गया ये हमारा आ जाएगा 1 में, तो सी आ रहा है 1 में, एक ही ऑप्शन में ये दिया गया है देखो, ये हमारा हो गया दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर, यह इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 38 आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऐसे हमको कैलकुलेट करना है, मैथ्स द फॉलोइंग में थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है, कभी कभी लास्ट फास्ट वाला चेक करो, क्योंकि जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा वही आंसर होना है एक्चुअली। अच्छा ये तो एक बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज वाला प्रॉब्लम हो गया, वेट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिफाइन द, ये तो एक मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन हो गया, मीटर ब्रिज में हमारा पी बाई क्यू का रेशियो सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं ना, तो यहाँ पे P और Q का वैल्यू कैसे लेना चाहिए, देखो ये शुड बी अप्रोक्स, अनइक्वल तो कभी नहीं होगा, तब तो ये बैलेंस नहीं बनेगा और हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो P और Q को अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स लेना है, तो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x करना है दोनों को ही, ठीक है, तब ये आ जाएगा, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, स्मॉल नहीं लेंगे, ज्यादा ही हमको करना है, अभी हमारा आंसर एक्यूरेट रहेगा। मीटर बीच का अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया है तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, बस देखना है, आंसर मानना है, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ द लेंथ ऑफ 55.3 मीटर एंड द ब्रेथ इज 25.25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो एक 55.3 है, एक 25 है, मतलब राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गया, हमको राउंड ऑफ करते हैं, जो लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 14 × 10² क्योंकि 10 का पावर जो होता है ये इनसिग्निफिकेंट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 × 10² तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा, बाकी मैं देखो इसमें इसमें तो हमारा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया, तो एक ही में मेरा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जो हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नंबर 14 स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो ये भी ऑप्शन नंबर 141 का आंसर हो गया 1, ठीक है। चलो देखो फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड द रीजन, ये हमको देखना, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा फिर, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन
carrying the steady current of the variation of magnetic field inside and outside region. Inside और outside region में हम लोग for the long straight where circular cross section, एक circular cross section में हमारा क्या कैसा हो जाएगा. इसमें थोड़ा सा एक doubtful चीज लग रहा है कि हमारा अगर इसको solid माने तो एक चीज आ जाएगा, इसको hollow मानेंगे तो और एक चीज. hollow तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि hollow के साथ एक भी option match नहीं कर रहा है. तो ये जब हम लोग Ampere circuitry law apply करेंगे तो हम लोग current density, I hope that you know that हम लोग apply करते हैं integration over B dot dl equals to mu not I enclosed हम लोग apply करते हैं. अगर center से शुरू करके surface तक जाते हैं इसमें maximum होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते हैं. तो इसने इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर वन को चूज किया, लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वेयर एंड देन डिक्रीजिंग वन विद द वन बाय आर डिपेंडेंस ऑफ द आउटसाइड रीजन. इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा और भी इसको एनालाइज करके ऑप्शन देंगे. टू और थ्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये वन और फोर में हमको थोड़ा सा इसमें लग रहा है डाउट. क्योंकि लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री of the wire and then linearly decreasing of the outside region हो सकता है, नहीं तो one भी हो सकता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा analyze करके हम लोग इसको update कर देंगे और एक बार. linearly increasing function of the distance are up to the boundary is इसमें priority बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसका correct analysis बाद में मिल जाएगा. two or three तो बिल्कुल भी नहीं होगा. नंबर 43 में आ जाओ. टू परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट टू आर एट द मीन पोजीशन इन द सेम फेज द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर व्हिच द टू आर अगेन इन द फेज द मीन पोजीशन इज 43 में देखो 43 में बोला गया है दोनों का भाई लेंथ बोला गया है. ये बस फंडा तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ पाई जी स्क्वायर इसमें अप्लाई करेंगे और क्या है, बस बहुत ही सिंपल फंडा है. ठीक है, इन द सेम फेज द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर व्हिच द टू आर अगेन इन द सेम फेज. ठीक है, इसमें कैलकुलेट करो, इसमें जो आंसर आ जाएगा हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 3 व्हिच इज ऑप्शन 3 व्हिच इज 11. बस इसी को अप्लाई करना है और कुछ नहीं है. 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी अप्लाई करोगे और कुछ नहीं है. 121 लेंथ है और जी तो बोथ फॉर बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बस सब कुछ नहीं है. चलो नेक्स्ट केस में बोला गया, देखो नंबर 44 ये डाइपोल से रिलेटेड है. डाइपोल से इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा ये हम लोग सोचा भी नहीं था. माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस एल शोन इन द फिगर. तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. हम लोग सेंटर के वजह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो अगर ये एक्सियल पॉइंट में होता है कहीं पे भी मान लो ये 2 केपी हमारा होता है, फॉर्मूला 2 केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है. तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब हो जाएगा. मतलब हमारा आंसर होना है कितना, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब होता है. डाइपोल का क्वेश्चंस, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल वही क्वेश्चन आ गया यहां पे. हम लोग लास्ट ऑफलाइन क्लास में भी बोले थे डाइपोल से क्वेश्चन आने वाला है. डाइपोल से तो आ गया, इतना आसान आ जाएगा हमने सोचा नहीं था, पर ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड दे दिया गया है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीआर सर्किट है. ये भी बस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बड़ा चढ़ा कर दिया गया है, पर कुछ नहीं है. क्वेश्चन में हमको थ्रेशोल्ड सॉरी हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. दो टाइप का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, एक तो इसी से ये फ्रीक्वेंसी एक न्यू कैलकुलेट करना है और हमको एक और हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू नॉट से एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस न्यू नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज न्यू. अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स न्यू हो गया. देखो भाई फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा हो जाता है ना ओमेगा टी, ये तो हमारा ओमेगा टी होता है. ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है भाई, तो हो गया 100. तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो गया, मतलब 50 बाय पाई हो गया. तो फ्रीक्वेंसी तो मेरा 50 बाय है, मतलब न्यू का जो वैल्यू है ये 50 बाय पाई है. यहां पे मेरे को दिख रही है न्यू का वैल्यू 50 बाय पाई, न्यू का वैल्यू 50 बाय पाई कहां पे दिख रहा है. अच्छा, ये हो गया. और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, हमको न्यू नॉट भी कैलकुलेट करना है. न्यू नॉट मतलब 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी कर देंगे. ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी. तो हमको एफ का वैल्यू चाहिए, उसके बेसिस अगर देखा जाए न्यू यस ये 100 है ना. ठीक है, 2 पाई एफ हो गया 100 बस. ठीक है, 50 बाई 5. तो एक चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ पे
हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरा हमको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो तभी चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो न्यू का वैल्यू यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया है, न्यू 100 हर्ट्ज दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है, यहाँ पे एक ही चीज हमको मिल रहा है जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है 50/5 यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर दूसरा अगर ये कैलकुलेट ना भी करोगे तो तब भी चल जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2 होता है, अगर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो यही होता है हमारा 2π f, तो f हो जाएगा 1/2π√LC। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आने वाला है, सॉरी 1/2π√LC। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट में आ जाएंगे। देखो बोला गया न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 125 और 60 को द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियस। बस भाई रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है, मास नंबर दिया गया है, आर का वैल्यू क्या होता है, r0 e^1/3 होता है, आर का वैल्यू हो जाता है r0 e^1/3। तो इसमें कर देंगे e^1/3 के साथ प्रोपोर्शनल है, रेशियो ऑफ द हमको रेडियस निकालना है, तो r1/r2 क्या हो जाएगा भाई, ये a^1/a^2 √2^1/3 हो जाएगा। a^1 125 है, ये 64 है, तो मतलब ये 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, 5:4 हो जाएगा आंसर, है ना। बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये, हम लोग ऑलवेज वी हैव सेड दिस थिंग, अगर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है, नहीं तो अगर हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी का भी इम्पोर्टेंट, और मैं इसको बहुत एम्फासिस करके बोल दिया था, इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि r = r0 1 a^1/3। देखो इसी से क्वेश्चन आ गया, r = r0 मतलब जो न्यूक्लियर डायमेंशन होता है, इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। बाइंडिंग एनर्जी आ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा इससे कम है, इसीलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगता है, और कभी कभी कैलकुलेशन में हमारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और इसमें तो हमारा कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा था, इसको हम लोग बहुत एम्फसिस करके बोला गया जब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किए थे ऑनलाइन क्लास में, वी हैव सेड दैट इट विल कम फ्रॉम r = r0 1, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाएंगे, देखो बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शंस, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शंस के बेसिस में 60 डिग्री बोला गया, मतलब ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट में आकर के इसका वेलोसिटी कितना है, देखो हाईएस्ट पॉइंट में आकर के कोई तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी नहीं है, हमारा सिर्फ यू, हमारा जो यू है, और इधर मेरा यू कॉस थीटा है, यही मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये मेरा यू साइन थीटा है, तो ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे यू कॉस थीटा ही रहेगा सिर्फ, तो यू कॉस थीटा मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, यू का वैल्यू मेरा 10 है, तो 10 × cos 30 कर देंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें, मतलब हो गया 10 × ये हो गया 3/2, तो मतलब हो गया 5/3 का आंसर। नंबर 48 में आ जाओ, ये एक लॉजिक गेट से दिया गया है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आना ही था, ये बहुत बार बोला गया कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 48 का जो आंसर है देखो, अच्छा इसको थोड़ा सा चेक करना है मेरे को, जीरो देखो यहाँ पे अगर जीरो बैठाएंगे तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे मान लो मैं देखो इसको इसी को मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चेक करना है, नहीं तो 0 0 से चेक करेंगे, 1 1 से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 से मेरा ऑप्शन 1 है, यहाँ पे 0 0 से ऑप्शन 1 है, यहाँ पे दोनों पे 0 दिया गया है, और 1 1 में देखो यहाँ पे 0 है, 1 1 में यहाँ पे 1 है, 1 1 में 0 है, 1 1 में 1 है, ठीक है। तो हम लोग 0 0 से चेक करें और 1 1 से चेक करें, तभी हमारा आंसर आ जाएगा सीधा निकल के, और दूसरा कुछ चेक नहीं करना है, करके भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो 0 0 से चेक करेंगे, यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ पे जीरो दिया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो, ये तो 0 0 ही हो गया पहले, 0 0 के, और ये एंड गेट है, एंड गेट के बाद एक नॉट भी है, यहाँ पे ऐसे गोल करके दिया गया, मतलब नॉट भी है, 0 0 0 होता है, 0 क्या कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो ये इसमें 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक नॉट गेट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो इनपुट हो गया ये सेकेंड वाला एंड गेट का, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें 0 1 0 होता है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। तो पहला 0 0 था 1, मतलब 0 0 1, मतलब यहाँ पे ये हो सकता है पॉसिबल आंसर है 0 0 1 0 0 1, इसी में भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 के बीच में ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है, इसमें और इसमें आन दो, ये भटक दो बस। नंबर अभी 1 1 से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 1 में मेरा यहाँ पे 0 है, 1 1 में यहाँ पे 1 है, बार और किसी को देखने घबरा नहीं है, अगर घबरा जाओगी इतना बड़ा टेबल देख करके तब बस हो गया नीट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे 1 1 से, तो यहाँ पे 1 दिया, तो यहाँ पे 1 दिया, ये 1 1 हो गया, 1 1 का होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट
जीरो, और यहाँ पे वन देंगे तो वन का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वन दिया जीरो वन होता है जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा वन। तो देखो यहाँ पे वन और जीरो है, तो वन और जीरो को मिला के एंड गेट में मेरा हो जाएगा जीरो, वन और जीरो को मिला के एंड गेट में हो जाएगा जीरो, जो मेरा है ऑप्शन नंबर वन में ही है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, नंबर 49 में आ जाएंगे। देखो टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड 5 मिलीमीटर पर 8 मीटर पर सेकंड 0.0 टेंपरेचर पर 8 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल ऑफ द रे ऑफ लाइट ऑफ फॉर दिस टू मीडिया इज व्हाट। यहां पे तो कुछ नहीं है, हमको बस स्नेल्स लॉ से अप्लाई कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ से ही पता चल जाएगा यहां पे कितना आंसर होना। देखो ये 1.5 पे एक में बोला गया है 1.5, दूसरा में 2 बोला गया है, इसमें बस स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हमको यहां पे तो टैन इनवर्स होना है। एक चीज तो हमको समझ में आ रही है कि यहां पे टैन इनवर्स ही होगा, साइन इनवर्स में आंसर नहीं आएगा। यहां पे देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.750 समथिंग लाइक इट इज कमिंग, सो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर 49। ठीक है, अभी आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस ऑफ 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। 1000 टर्न्स है, 10 मीटर इसका रेडियस है, horizontal diameter 2 radian per second है, vertical component of the earth magnetic field is given, VV is given to us, बस इसमें से formula calculate कर दो, formula apply करके हमारा answer निकल जाएगा, और हमारा resistance of the coil दिया गया है, हमको induced current चाहिए, I equals to क्या होता है भाई, ये induced EMF divided by resistance होता है, तो induced EMF हमको calculate करना है और कुछ नहीं है, induced EMF हो जाएगा minus N according to Faraday and Lenz, d5 by dt, rate of change magnet को कल करके। ठीक है, इसका आंसर हमने अभी तक आंसर आई टू चेक का वैल्यू हो जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, फाइव का वैल्यू क्या होता है, फाइव होता है हमारा बीए कॉस थीटा, तो इसी को अप्लाई करके आपको आंसर निकलना चाहिए। तो हर एक देखो क्वेश्चंस जो पैटर्न है इसमें पूरा की पूरा अगर एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। फुल मार्क्स तो बहुत सारा लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, एक तो चीज मेरा कंफर्म लग रहा है, फुल मार्क्स बहुत सारा लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारा लोग यहाँ पे फुल मार्क्स लाने वाले। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल लेट अस सी द ओवरऑल पेपर फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, द नेक्स्ट टीचर्स आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टू पेपर्स, द इसके बाद शायद बायो होगा और उसके बाद केमिस्ट्री क्लास भी तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसको पूरा एक क्लास मतलब जो भी पेपर एनालिसिस होगा, पेपर एनालिसिस के बाद हम लोग थोड़ा कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितना होने वाला है। Chalo, fine that. I hope that everybody has enjoyed this class and we'll meet you again in the next session. Okay? Fine. Thank you very much. Thank you so much, sir. Our next teacher in row, Dr. RGD will discuss the chemistry paper. So Dr. RGD is here. Okay. All right. Okay. So now the chemistry session will be started. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay. Shall I start? Yes, sir. Yes. Okay. Sir, can you please make me host? Sure. Yeah. Okay. Good evening. Okay. Yes. Sir, it's live now, right? Yes, please start. Okay. Good evening, all. So, I hope you all have given a very good examination and the NEET 2022, okay? And hope your physics was well. So let's see how you have done in chemistry. So if I think in my overall perspective of the particular chemistry part, if I say the paper was not easy, I would say also, it was a moderate paper. And most of the questions, I would say 80 to 90% questions was completely from NCERT, but it was completely a conceptual. Okay, so if you have understood all the concepts, I think you are very good to go. Good to go. And I would expect that most of the students, those who have really worked hard throughout the 2 years, to mujhe lagta hai 170, 175 or maybe 180 out of 180 is not a big deal for them. Okay, so if let me start the paper, let me start the question paper and let's solve. Okay, and let's see how much you have done. Okay, chalo. Let's start.
Okay, so you can see here the paper, the chemistry section starts from question number 51, and the set which we are discussing here, that is set number 3. Okay, now starting from the first question itself, is that given your MnO4 minus has converted to Mn2 plus, and here surprisingly, although this process is a reduction. Yes, this process is a reduction. Okay, but here it is given the oxidation process. Okay, and here you can see the from zero, this oxygen from zero to minus two water. So this is a reduction process, but here the reduction potential is given. Now the question is asked that if MnO4 minus will liberate oxygen from water, that means here what is happening? Here the manganese is particularly from MnO4 minus to Mn2 plus, it will undergo a reduction. Whereas what you have to consider here, the water to the oxygen, that means the oxidation process of the water. That means this one has to be reduction. So if I calculate the E0 cell for this part, it will be 1.510 volt, and this one will be minus 1.223 volt, which will give me plus 2.87 volt. And yes, it is, since the E0 cell is positive, so kya hoga yahan pe? Ye wala process hoga. Agar mera E0 cell positive hota hai, to wo wala reaction favorable hota hai, which is seen here. So correct answer will be option number 3. Next question. The identify the incorrect statement from the following. Here, if I see the ionization enthalpy of the alkali metal decreases from top to bottom, and this is definitely, it's a correct statement. Lithium is the strongest reducing agent among the alkali metals. This is also a strongest statement. This is also a correct statement because reduction potential of lithium is the most negative. That means it has a higher tendency to get oxidized. That means it will behave as a very good reducing agent. Alkali metals react with water to form their corresponding hydroxide. This is also a correct statement. The oxidation number of potassium in KO2 is plus 4. This is an incorrect statement. Why? Because this oxygen is a superoxide. So here the O2 is in minus 1 oxidation state, whereas potassium is plus 1 oxidation state. So this one is the incorrect statement. 53. The identify the incorrect statement. In atom, all 5 3d orbitals are equal in free energy state. Definitely, this is a correct statement, because unless ligands are introduced in the free state, always d orbitals are in degenerate state. Next, the shapes of dxy, dyz, zxz orbitals are similar to each other. This is also correct, but the dx square minus y square and dz square are not similar to each other. Definitely, they are not similar to each other. So question and the option number 2 is going to be an incorrect statement here. Acha, 54. Gadolinium has low value of third ionization energy, ionization enthalpy. The reason is basically gadolinium, the third, once the 3 electron is done, the gadolinium is particularly your F7 system. It's a F7 system. So if the F7 system means it is a completely half-filled system. And half-filled systems, they will have maximum amount of exchange energy. Basically, this is given a twisted way that we know that conventionally that half-filled configurations are more stable. The reason, because they have a maximum amount of exchange energy. So here the correct answer will be the high value of the exchange energy. 55. The IUPAC name of the element with atomic number 119. One corresponds to an, and 9 corresponds to inium. So the correct answer will be an inium, right? An inium. 56. List one with list two, you have to match. So basically here, magnesium hydride definitely is an ionic hydride. We know that the alkali metals forms ionic hydrides. Then B2H6 is called the electron deficient hydrides. We know boron. Hydrogen fluoride is an electron-rich hydride, and germanium, since it comes in the carbon family,
सो ये वाला क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी A4B1C2D3. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, RMGX, Grignard reagent with carbon dioxide. Very simple question. Grignard reagents, R के पास ये minus वाला होगा जो carbon dioxide के ऊपर attack करेगा. And the carbon dioxide will be 0, O, O minus. And this minus will be stabilized by the corresponding magnesium and the halide. So the correct answer will be option number 3. And which actually undergoes hydrolysis to form the corresponding carboxylic acids. Okay, simple. Next question. 58. Wow, this is a very straightforward question and the knowledge-based question, right? So here, the correct answer will be antacids. We know cimetidine is a very good antacids. Antihistamines, which is the antihistamines here? The celadine is the antihistamine. Analgesics, definitely morphine is an analgesic. And the antimicrobial is salvarsan. So the correct answer will be A3, B4, C2, and D1. So this will be option number 4. Next. 59. The following statements is not correct about the diborane. The first option, the four terminal hydrogens and the boron atoms lie on the plane, right? This is a correct statement. Both borons are sp2 hybridized. Now this one is the incorrect statement here. This one is the incorrect statement here. Number 60, which is incorrect regarding the enzymes. Enzymes are polysaccharides. See, the first option is incorrect because enzymes are one single protein chain. Enzymes are always one or more single protein chain, but they are not a polysaccharides. So this one is definitely an incorrect statement. 61, given below the two statements, assertion and reason. In particular point defect, an ionic solid is electrically neutral even a few cations are missing from its unit cell. Now, definitely this is not possible because agar koi crystal se tumhara cation nikal jata hai, the crystal will be high in the negatively charge. So definitely for the point defect, always remember the ionic solid should remain neutral, but here the cations are missing. So this is an incorrect statement. Ionic solids, the Frenkel defect arises due to the dislocation of the cation from its lattice side to the interstitial side, maintaining the overall electric neutrality. And definitely, ye wala Frenkel defect ka ek bahut achha property hai. So, ye wala mera correct answer hai. So, correct answer will be your assertion is incorrect, but the reason is correct. The assertion is incorrect, but the reason is correct. That means option number 2. Next question. Now, this one is interesting. Which of the following PV graph represents the maximum work? Now, what we know, हमें क्या बताएं? PV graph में जो मेरा maximum area hold करेगा, because the work done by any process, that is basically area under the curve. अब ये चारों graph में जो मेरा option होगा, वो होगा जिसमें मेरा maximum area cover होगा under the graph. So, correct answer कौन सा होगा? Option number 4, because you can see it is forming a rectangular hyperbola, number 1, because it is isothermal process. Aur dusri baat kya hai, yahan pe mera AD under the curve zyada hai. So ye wala option correct answer hoga, jisme maximum work done is produced. Next one. This is interesting one. Given below the two statements, the primary aliphatic amine reacts with nitrous acid to give unstable diazonium salts. Primary aliphatic amine reacts with nitrous acid to give unstable diazonium salts. Now, definitely this one is my correct statement, because diazonium salts are not stable. But what they does, they actually form at low temperature. What they form, they actually form a dimer, forming para-para diazo compound. The two molecules of diazonium salt, they merge by their para position and they form para-para diazo salt. So definitely this is a correct statement. Now, primary aromatic amines
react with nitrous acid to form a diazonium salt, which are even stable above 300 degrees Celsius. Now, this is an incorrect statement. This is an incorrect statement. Why? Because we know that diazotization happens at 0 to 5 degrees Celsius temperature. So basically, 300 Kelvin, in 300 Kelvin, that is at 27 degrees Celsius, definitely it will be unstable and the reaction will be not forming. So this is an incorrect statement. So the correct answer will be option number A, where the statement one is correct, but the statement two is incorrect. Next question. आयोग अभी तक तुम लोग का अच्छा जा रहा है ओके 63 क्वेश्चंस सॉरी 13 क्वेश्चंस हो गया एंड आई थिंक दिस 13 क्वेश्चंस आर लिटिल बिट इजी सो आई थिंक अच्छा ही जा रहा है तुम लोगों का बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ओके आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नाउ यू कैन सी हियर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे साइनाइड का होगा मेरा -2 चार्ज टोटल ओके और सिल्वर का यहाँ पे होगा +1 सो इस टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज होगा मेरा -1 और ये वाला कॉम्प्लेक्स का मेरा टोटल होगा +1 चार्ज वाटर का कोई चार्ज नहीं होगा सो सिल्वर का क्या होगा मेरा +1 सो द करेक्ट आंसर विल बी डाई एक्वा सिल्वर 1 डॉट डाई सायानीडो आर्जेंटेड 1 सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे तुमको पहले चार्ज कैलकुलेट करना होगा फिर वहां से नेम तुम्हें निकालना होगा सो डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई सायानीडो आर्जेंटेड 1 अच्छा 65 वेरी सिंपल इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड नाउ वी नो एरोमेटिक कंपाउंड यू हैव 4n plus 2 pi electrons, Kekulé's rule. If you can calculate here, यहाँ पे मेरा n is equal to 0 बिठाओ, कितना होगा मेरा 2 electron. This is aromatic. ये वाला देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Although it contains 6 electrons, लेकिन ये वाला मेरा sp3 hybridized carbon है. So that's why this option becomes non-aromatic compound. So this is not an aromatic compound. यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrons are here. So definitely this is an aromatic compound. और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स सो डेफिनेटली दिस इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 व्हिच इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नेक्स्ट अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी था बट ये भी सिंपल वाला ही है इन कोआगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट द फ्लोकुलेटिंग ऑर्डर Power 3 given ion will be 3 plus greater than 2 plus greater than plus. Always remember this thing that kuch bhi ho jaye, negative ho ya positive ho so this does not matter. If your charge is higher, the flocculating power will be higher. Right? So definitely this is my correct statement. Whereas agar ye wala dekho, negative positive salt mein likha hai, ye wala ulta order diya hai. So this is my incorrect statement. This is my incorrect statement. So The correct answer will be statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect statement. Right. Next question. Achha, ye wala list. Lithium. Hame sab pata hai, lithium battery mein hota hai. Lithium battery jo mobile phone mein hota hai, lithium battery. So answer hoga electrochemical cell. A2. Sodium. Sodium coolant in the first bidder reactors. Definitely. Potassium hydroxide is a very good absorbent for the carbon dioxide and cesium used in the photoelectric cell. So correct answer kya hoga? A2B3C1D4. Answer wala option 2. Option 2. Next. ICl is more reactive than I2. ICl is more reactive than I2. It is a correct statement or incorrect statement. Again, ICl bond is weaker than II bond. ICl bond is weaker than II bond. See, ICl is more reactive than I2. Ye wala to correct statement ho gai. Kyunki ICl is an interhalogen compound. And we know interhalogen compounds are more reactive than the halogen compounds, right? So this is a correct statement. And what is the reason? If I don't look at the reason also, फिर भी हमें पता है कि क्योंकि ICl का बॉन्ड वीकर है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है
whereas in II there is no electronegativity difference, so ye wala bond stronger hoga. So definitely both are correct statement and it is also a correct explanation. That means option number 3, that assertion and reason are both are correct and the reason is a correct explanation for assertion A. Next. Among the following pair, which one will have maximum lone pair of electrons? Now, ye wala bahut achha trick hai. Bata deta hu, suno. Sulfur, 4, 6 electrons in the valence shell. And fluorine ke paas mera 4 hai. So, 6 minus 4, kitna hoga? 2. 2 matlab kitna pair? 1 pair. Sulfur ke paas 1 pair hai. Yahan pe batao, xenon ka mera 8 hai, aur fluorine 2 hai. So, -2, 6/2. Kitna pair hai mera? Iske paas 3 pair of electron hai. क्लोरीन के पास कितना है? 7 - 3, 4 इलेक्ट्रॉन है. मतलब इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पे देखो आयोडीन का 7 और 5, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आंसर विल बी ऑप्शन 2 XeF2. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. जनरली क्या आता है, जनरली तुम लोगों को फिनॉल का, नाइट्रोफिनॉल का कुछ वेरिएशन दे दिया जाता था और वहां से बोल दिया जाता था फाइंड द ऑर्डर. सो उसी कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है नाइट्रोफिनॉल का. देखते हैं क्या है. द स्टेटमेंट वन सेड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो इज प्रेजेंट. एंड डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज higher the presence of the electron withdrawing groups, higher the acidic character. Fine. Next statement. Orthophenol, orthonitrophenol, metanitrophenol and panitrophenol will have same acid strength. No, this is not, because the resonance effect increases with increase in distance. Always remember, orthonitrophenol, paranitrophenol will be the most acidic, then orthonitrophenol, then metanitrophenol, because in metanitrophenol only inductive effect applies. So this one is going to be by incorrect statement. So the correct option will be statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Dekho, 20 question discuss ho gaya. Abhi tak tough question koi nahi tha, but all the questions were little very, very, very conceptual. Aur agar NCERT kholo, to tum dekhoge, har line se ye wala question hai aur pura conceptual question hai. Pura conceptual question. So, ध्यान में रखना, नेक्स्ट ईयर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग रिपीट करने की सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. कोई भी एमसीक्यू रट्टा मर के मत जाओ, ओके, बिकॉज देयर विल बी नो कॉमन एमसीक्यूज, यू हैव सीन. सो ऑल क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस इज अ वेरी नाइस वन क्वेश्चन. Not a correct mathematical equation for Dalton's partial pressure. अब देखो, Dalton's partial pressure हमें क्या पता है? Is a total pressure with the mole fraction. So कुछ भी हो जाए यहाँ पे, अगर हमारे equation में partial pressure और total pressure ये दो बंदा है, वो वाला equation will always follow the Dalton's law of partial pressure. So definitely the first one is definitely correct statement. This is another expression for the Dalton's law of partial pressure. तीन वाला देखो. प्रेशर इज समेशन ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर. सो ये वाला भी मेरा करेक्ट आंसर है, ये वाला भी मेरा डाल्टन्स लॉ फॉलो करता है, और ये वाला तो बेसिकली इसका ही एक और वर्शन है. सो ये वाला करेक्ट है, लेकिन ये वाला मेरा इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज ये वाला तो राउल्ट्स लॉ है, ये वाला राउल्ट्स लॉ है. और अगर हम एक कॉम्पोनेंट ले, सो एक कॉम्पोनेंट का प्योर के साथ पार्शियल प्रेशर का रिलेशन है, लेकिन ये टोटल के साथ नहीं है. दिस इज बेसिकली द राउल्ट्स लॉ. So this is not the mathematical equation for the Dalton's law of partial pressure. Okay, next. 72. The boiling point of the state following hydrides, 16 elements increases in the order water less than sulfide, less than selenium, less than tellurium. Now this is an incorrect order, because हमें पता है group 16 का जो hydrides होते हैं उन लोगों का, उन लोगों में water has maximum boiling point due to the hydrogen bonding. So this is an incorrect order. Aur rest wala kya hota hai? Rest wala order hota hai molecular weight ki basis mein. So boiling statement 2 agar hum dekhe kya diya hai,
the boiling point of this hydride increase with increase in molar mass. So this is also not a correct statement. मुझे लगता है ये वाला तुम लोगों ने शायद थोड़ा confused हो गए थे. This statement is also is not a correct statement because the boiling point is hydride of the hydrides of group 16 elements are always judged by both molecular weight and hydrogen bonding. और यहाँ पे सिर्फ molar mass दे दिया है. So ये वाला भी correct statement नहीं है. Right? So a correct answer will be both statement 1 and statement 2 are incorrect. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Right? Chalo, aage badhte. One molar solution contains 0.5 moles of the solute. So, yahan pe kitna gram solvent hoga? It's bahut hi simple ye wala question hai. Ekho, molality kya hai? Molality matlab mole per kg. Matlab 1 kg mein kitna mole hai? Right? So, 0.5 mole, yahan pe 1 molar de diya hai. Matlab 0.5 mole kitne mein hai? 1000 gram mein hai 0.5 mole. That right? 1000 gram mein hai 0.5 mole. Correct? So, kitna wala solvent hoga? 0.5 multiplied by 1000 gram. Correct. So, answer will be 500 gram of solvent. Answer will be 500 gram of the solvent. Bahut simple question hai. Bahut simple question hai. Just formula bitao aur answer likho. Formula bitao aur answer likho. Next question. Choose the correct statement. Ab dekho. नीचे से शुरू करते हैं. यहां से डायमंड इज कोवेलेंट ग्राफाइट इज आयनिक. कभी नहीं, दोनों ही कोवेलेंट नेचर है. दोनों ही कोवेलेंट नेचर है. डायमंड एंड ग्राफाइट आर टू डायमेंशनल. दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज डायमंड एंड ग्राफाइट, डायमंड इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड ग्राफाइट इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर यूज एज लुब्रिकेंट्स. भाई कभी भी नहीं, बिकॉज ग्राफाइट यूज होता है लुब्रिकेंट्स में. राइट? और डायमंड यूज होता है गहने में, कांच काटने में, इसमें डायमंड यूज होता है. और बट योर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज डायमंड मेरा sp3 वाला है और ग्राफाइट मेरा sp2 वाला है. राइट? सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 75. अच्छा, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा देखो, यहाँ पे 50 ml ये एक स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर से. सो ये वाला जो पार्ट है, यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा मेरा 50 × 0.5 मतलब यहाँ पे 5 इतना मेरा मिलीमोलर, 50 × 0.5 मिलीमोलर तुम्हारा यहाँ पे 25 मिलीमोलर मेरा एसीएल यूज हुआ है. राइट? 25 मिलीमोलर यूज हुआ है. सो यहाँ पे देखो, इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो 2 मिलीमोलर एचसीएल को एक कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, मतलब 25 को कितना चाहिए? 12.5 मिलीमोलर चाहिए. राइट? 12.5 मिलीमोलर मेरा कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट मेरा कितना है? 95%. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 12.5 मिलीमोलर इज फॉर 100. दैट मींस 100 के 100, अगर मेरा 100 है, 100 कैल्शियम कार्बोनेट है, सो वो वाला मेरा होगा 12.5. सो अगर 95% है, सो कितना होगा मेरा? 12.5 × 100/95 एंड दिस विल कम बेटा 1.32 ग्राम. दिस विल कम बेटा 1.32 ग्राम. That means 1.32 gram of the 95% pure calcium carbonate हमें चाहिए ये वाला HCl solution को neutralize करने के लिए. Okay? So simple question, थोड़ा calculation है, मतलब but it can be done. थोड़ा time लग सकता था, but it is easy. 76. Which of the following is a suitable to synthesize chlorobenzene? देखो, पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि benzene में HCl ऐसे नहीं जाता है. दूसरे वाला में HCl heat करो तो वो अमोनियम आयन NH4+Cl- बन के बैठ जाएगा. ये वाला पार्ट मेरा NH4+Cl- बन के बैठ जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन ये वाला रिएक्शन होगा, ऑप्शन 3. व्हाई? बिकॉज ये वाला मेरा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. द क्लोरीन के साथ बेंजीन का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस APCl3.
which acts as a Lewis acid in this corresponding reaction. So this is called the aromatic electrophilic substitution. So correct answer hoga option number 3. Next, pH of the solution containing 50 ml of each sodium acetate or acetic acid. अब ये वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये वाला एसिड बफर का क्वेश्चन है. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हेंडरसन हासिल बैच वाला जो इक्वेशन है मेरा, वो वाला इक्वेशन डायरेक्ट लगाएंगे. सो क्या होगा मेरा, 4.57 प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या होगा मेरा बताओ, ऊपर मेरा वो योर सोडियम एसिडेट होगा, सो 0.1, और नीचे होगा मेरा एसिडिक एसिड 0.01. सो इसका अगर तुम कैलकुलेट करो तो ये आएगा 4.57 प्लस मेरा 1, ये 1 आएगा और ये वाला आएगा मेरा 5.57. सो करेक्ट आंसर विल बी 5.57, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 5.57. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब देखो, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बिकॉज एक हाइड्रोजन का मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन का मेरा 2 इलेक्ट्रॉन होगा. वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. सो H2 प्लस हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर तीन वाला देखे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, ये भी वाला करेक्ट है, बहुत बार क्लास में करा चुका हूं, बहुत बार. सो इट्स अ करेक्ट दिस वन. C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज C2 वाला जो है वो नाइट्रोजन के साथ सेम होगा और वहां पे मेरा ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे बुनिया है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, बट दिस O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि O2 इज अ डायमैग्नेटिक, मेरा पाई स्टैंड में O2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. सो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं तो फिर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा. सो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सिस्टम, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सिस्टम स्टिल. सो O2 आयन इज नॉट अ डायमैग्नेटिक सिस्टम, सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, 79, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग रेस्पेक्टिवली, इट इज अ डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रियूजेबल, नो दे आर नॉट रियूजेबल, दे आर नॉट रियूजेबल, सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Elastomers, definitely they held by the weak intermolecular forces. This is the correct. And fiber possesses high tensile strength. High tensile strength, जो हम nylon में nylon 6-6 हम जो use करते हैं ना, उसका tensile strength ज़्यादा होता है. So fibers possesses higher tensile strength. Right. So option number 2, the thermosetting polymers are reusable. This is a incorrect statement. Number 80. मैच द लिस्ट, साइनोहाइड्रिन, डेफिनेटली हमें पता है HCN अगर हम कार्बोनिन में ऐड करें तो साइनोहाइड्रिन होगा. एसिटल, डेफिनेटली अगर हम अल्कोहल को ऐड करें कार्बोनिल में तो एसिटल होगा. अगर हम अल्कोहल के साथ एमीन को ऐड करें तो मेरा शीप बेस होगा, और अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन को ऐड करें तो ऑक्सिम होगा. राइट, सो करेक्ट आंसर विल बी A4B3C2N1, सो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. So, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऑल रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द योर रिएक्शन विद द रिएजेंट्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी ने कर पढ़ा है तो इट्स वेरी नाइस. ओके, अच्छा, 81, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस because of the weaker association in aldehydes and ketone due to the dipole-dipole interaction. Now, this is a correct statement. This is a definitely correct statement because aldehydes and ketone are polar aprotic. So, they have a particular amount of dipole moment which is not present in the hydrocarbons. So, definitely, their molecular association will be due to weak dipole-dipole interactions. So, this is my correct statement. Statement 2, the boiling point of the aldehydes and the ketones are lower than alcohols of similar molecular masses due to the absence of hydrogen bonding. Now, definitely, alcohols always have higher boiling point
your higher boiling point than aldehydes and ketone. And we know also that acetone ka mera boiling point lower hai the mera corresponding alcohol se, kyunki alcohol mein mera hydrogen bonding hota hai. Aur aldehyde ketone mein, since it is a polar aprotic solvent, so usme hydrogen bonding nahi hota hai, right? So this is also a correct statement. So correct answer will be both statement 1 and 2 are the correct statement. Both statement 1 and 2 are the correct statement. Right. Next. Achha. The given graph represents the kinetics of the reaction. Ab dekho yahan pe ek twist hai. Kya twist hai mera? X ke saath Y, agar hum plot kiya yahan pe, so kya hai? X constant hai. That means the rate of change of X, Y is constant with the change in X. तो X में मुझे ऐसा चीज बिठाना होगा, Y पे मुझे ऐसा चीज बिठाना होगा जो X के साथ अगर चेंज करूं तो कांस्टेंट है. और स्ट्रेट अवे अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज़ the power order is 0, so concentration to the power 0, that is equal to 1, means mera rate time ke saath ya concentration ke saath constant rehta hai, right? So zero order ke liye kya hoga mera rate aur concentration, aur rate time bhi ho sakta hai. Lekin agar hum dekhe yahan pe, agar first order reaction ke liye kya hota hai, jo mera t half hai, T half का अगर हम expression देखे, so है ln 2 by k, that is the half life of the first order reaction is not depends on the concentration of the first order reaction. That means the correct answer will be option number A. देखो zero order में मेरा rate versus concentration जो correct है, does not depend, so वो वाला constant रहेगा मेरा weight concentration के साथ, और T half भी मेरा नहीं depend करता, so T half will be remain also constant with the change in concentration of the reactant, right? So correct answer will be for the question number 82, option number 1. Okay, I hope abhi tab ja acha ja raha hai sab logo ko, chinta mat karo, don't worry, acha hi hua hoga, and I know, I trust my students very well, acha hai, come on, keep it up, let's move on. Okay, the incorrect statement regarding the chirality, right? Chirality means the carbon which contains asymmetric center, and jisko mera jo char jo substituent hai wo char substituent different hoga. So aur chiral molecule jo hai mera yahan pe pehla wala dekho, enantiomers are superimposable mirror image. No, this is an incorrect statement. Kyun? Kyunki enantiomers kya hota hai, ye dono haath hamara ye enantiomers hai which are mirror image to each other. और अगर हम इसको सुपरइंपोज करें तो हमें क्या मिलेगा, दे आर नॉन सुपरइंपोजेबल मिरर इमेज. सो दिस इज माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट इनांशियोमर्स आर सुपरइंपोजेबल मिरर इमेजेस, बिकॉज़ इनांशियोमर्स आर नॉन सुपरइंपोजेबल मिरर इमेजेस. रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये वाला भी मेरा करेक्ट है. SN1 रिएक्शन 1:1 बोथ इनांशियोमर्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मेरा जो कार्बोकेटायन होता है उसके दोनों तरफ से अटैकिंग पॉसिबल है, दोनों तरफ से मेरा अटैकिंग पॉसिबल है, सो 50-50 होगा, प्लस और माइनस 50-50 होगा, सो वो भी रेसिमिक फॉर्म करेगा. और SN2 में मेरा क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, सो ये वाला भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. 84 देखो, द जेल्डल मेथड कैन बी यूज्ड ऑफ नाइट्रोजन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. अब हमें क्या पता है, जेल्डल मेथड में हमें क्या होता है, हमें एक एमीन कंपाउंड को, हम एक एमीन कंपाउंड को निकालते हैं जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं. सो इन चारों कंपाउंड में जो एमीन वाला जो ग्रुप है वो ये कंपाउंड 1 में है. ओके, सो दिस वन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड डायरेक्टली, बिकॉज ये वाला हम डायरेक्टली HCl के साथ टाइट्रेट करके कितना ये वाला कंपाउंड है हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं. सो 84 ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. 85 एट
298 केल्विन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का 3-4, जिंक का माइनस, आयरन का माइनस और सिल्वर का प्लस। अगर हम यहाँ पे देखें आयरन और जिंक का देखें तो ये बोथ माइनस है, नो। कॉपर का भी देखें तो कॉपर और जिंक का अगर हम देखें, कॉपर जिंक Zn2+ एंड कॉपर प्लस, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कॉपर आयरन, आयरन कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉपर और सिल्वर को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या होगा मेरा 0.80, सिल्वर को क्या हो रहा है, सिल्वर से सिल्वर प्लस हो रहा है, सो ये में यह होगा 0.80 और मेरा 0.34, सो ये वाला होगा मेरा करेक्ट आंसर। कॉपर मेरा प्लस 2 से 0 होगा, सो दैट इज कॉपर इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, राइट, एंड माय सिल्वर इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये मेरा 0 से मेरा प्लस 1 होगा, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज नॉट हैपनिंग। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो एक चीज देख लो, यहाँ पे इट विल बी दिखाई देता है, यहाँ पे कॉपर मेरा 220, सो ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 और ये मेरा 0.80 है, तो ये माइनस 0.80 होगा, सो ये वाला होगा मेरा माइनस 0.46, सो माइनस मतलब ये वाला नेगेटिव है, सो ये वाला मेरा नॉट फेवरेबल है। और बाकियों का अगर तुम कैलकुलेट करो, मेरा E0 सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा बाकियों का, एंड ये वाला का मेरा नेगेटिव हो रहा है, जो इज नॉट फेवरेबल, सो दिस रिएक्शन विल नॉट ऑकर। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। 86, नाउ दिस वन इज ऑल्सो लिटिल वेरी इंफॉर्मेटिव वन, अगर तुम लोगों को पता है तो कर पाओगे, इफ यू डोंट I think you should skip this question, okay? If you don't know, because ये direct formula based है, और अगर तुम 10 years करोगे, so ये वाला question है वहाँ पे भर भर के है, so if you practice, you would have done this one, okay? चलो देखते हैं इसका correct answer क्या है मेरा, 86, अब देखो यहाँ पे hematite मेरा Fe2O3 है मेरा hematite, magnetite क्या है मेरा, magnetite है मेरा Fe3O4, right? So देखो कौन सा वाला है A3B1, चलो ये दोनों में है, नेक्स्ट करते हैं कैलामाइन, कैलामाइन मेरा जिंक का ओर को हम बोलते हैं कैलामाइन ओर, सो जिंक कार्बोनेट इज माय कैलामाइन ओर, और कैनोलाइट, कैनोलाइट इज माय सिल्वर योर एल्युमिनियम ओर, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in presence of dilute in which followed by heating. Now, ye wala question hai tumhara cross aldol ka question. Ye wala question hai cross aldol ka question. Right? So, ye tumhe karke dekhna hoga. Don't worry, ye wala, main correct answer abhi tum logo ko de raha hu. Correct answer hoga option number 4. Aur iska jo calculation hai, jo possible products hai, mechanism hai, ye wala main बाद में डीपीपी ग्रुप में दे रहा हूं तुम लोगों को सॉल्व करके, ओके? और अगर तुम ये करके देखो सो तुम्हें ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, लेकिन ये वाला हमें नहीं मिलेगा, ये वाला हमें नहीं मिलेगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, the option number 4 will be my correct answer. Next, in Lucas test, the primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent. Now this is a correct statement, this is a correct statement. Next, the primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity. No, this is a wrong statement. Q, tertiary alcohols are most reactive in the Lucas reagent. Kyunki Lucas reagent SN1 mechanism follow karta hai. Aur tertiary alcohol SN1 ko faster deta hai. So correct answer hoga, tertiary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity, not primary alcohol. So mera option statement wala 2
इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर वन. ओके चलो लास्ट में है अभी हम लास्ट 11 क्वेश्चंस. शायद अच्छा जा रहा है तुम लोगों को, कोई बात नहीं. ओके टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा. अभी भी बायोलॉजी है. ओके टेंशन मत करो, अभी भी बायोलॉजी है, यू कैन डू दिस. गुड. इफ रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज हीलियम प्लस इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट विल द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस. क्या पता है हमें? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम बोर थ्योरी वाला. R is proportional to R is proportional to n square by z. मतलब मेरा R1 by R2 क्या होगा? मेरा Z2 by Z1 multiplied by N1 square by N2 square. अच्छा R1 हमें पता है 0.58, R2 हमें निकालना है यहाँ पे. Z2 क्या है मेरा? लिथियम का Z2 है मेरा 3 और हीलियम का Z2 है मेरा 1, 2 multiplied by 2 square. यहाँ पे लिथियम हीलियम का क्या दिया है मेरा? हीलियम का सेकंड दिया है, तो 2 to the power 2, 4. और मेरा लिथियम क्या क्या दिया है? 3 वाला दे दिया, थर्ड बोर. सो 3 3 9. सो अगर इसको तुम कैलकुलेट करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 158.7. सो द करेक्ट आंसर विल बी, अगेन आई एम सेइंग 158.7. नेक्स्ट, सॉरी 158.7 पिकोमीटर, एक्सट्रीमली सॉरी 158.7 पिकोमीटर. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 158.7 पिकोमीटर. अच्छा 10 लीटर ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग 64 ग्राम ऑक्सीजन 27 एज्यूमिंग ऑक्सीजन आइडियली, प्रेशर क्या होगा? ये PV = nRT वाला क्वेश्चन है. PV = nRT वाला क्वेश्चन है. हमें क्या बताया यहाँ पे? प्रेशर इज इक्वल टू W/m RT/V. So, यहाँ पे हम मिठाए W कितना है मेरा? 64 है. ऑक्सीजन का मेरा 32 है, मल्टीप्लाइड बाई R क्या है 0.0831. टेम्परेचर 27, मतलब 300 डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 10 डालेंगे. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा मेरा 4.9 बार आएगा मेरा आंसर. 90 द आंसर विल बी 4.9 बार. करेक्ट. डायरेक्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन. 91 Find the EMF of the cell given following reaction. Now, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाए तो क्या होगा? 10.5 माइनस 0.059/2, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ मेरा क्या होगा? निकेल 2 प्लस 0.001 डिवाइड बाय 0.001 स्क्वायर, निकेल बाय सिल्वर स्क्वायर. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये वाला आंसर आएगा अराउंड 10.4 समथिंग. और देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसके पास नहीं है. सो मेरा ये प्रेडिक्शन है, अगर तो ये वाला आई थिंक कुछ शायद मिसप्रिंट हुआ होगा. सो अगर कुछ हो जाए ये वाला क्वेश्चन कैंसल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. ओके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. शायद ये वाला ई सेल यहाँ पे 10 ये गलत प्रिंटेड हुआ है. ओके सो ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्रिंटेड सही नहीं है. ओके सो कोई भी वरी मत करो, अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है आई थिंक तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा. अगर किसी ने छोड़ दिया है तो फाइन. ओके नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. क्या करेंगे हम? नंबरिंग करेंगे, जैसे मैंने सिखाया तुम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5. प्रायोरिटी किसको हम देंगे? जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है. सो ये मदर कंपाउंड मेरा क्या है? अल्कोहल है. राइट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1-bromo-5-chloro-BCM. 1-bromo-5-chloro-4-methyl-hexan-5-6-hexan-3-ol. 1-bromo-5-chloro-4-methyl हेक्सन 3 ऑल. करेक्ट ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, और न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम द KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडेट. राइट. हियर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन इज फॉर्म. देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पे,
I माइनस से कितना जा रहा है, ये आई ओ थ्री माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस वन से मेरा जा रहा है प्लस फाइव, माइनस वन से जा रहा है मेरा प्लस फाइव, मतलब यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, छह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब देखते हैं हम KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेंट स्टेट है मेरा सेवन प्लस, सेवन प्लस। सो अगर यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो मैंगनीज का यहाँ पे क्या होगा, मैंगनीज का होगा सिक्स बाई टू, मतलब यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, मैंगनीज का यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, राइट। और थ्री मतलब सेवन से अगर हम थ्री इलेक्ट्रॉन को डाल दे सेवन के अंदर, सो आंसर होगा ऑप्शन वाला थ्री, क्योंकि हमें पता है और भी कि MnO4 माइनस से MnO2 फॉर्मेशन होता है, जिस यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेरा प्लस फोर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, वेयर मैंगनीज चेंजेस दिस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम प्लस सेवन टू प्लस फोर, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट तुमको वैल्यू पुट करना है और उससे पहले हमें केसी का एक्सप्रेशन निकालना होगा यहाँ पे। सो क्या है हमारा केसी इज इक्वल टू क्या पता है यहाँ पे ओ थ्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओ टू क्यूब, राइट। अच्छा केसी का वैल्यू हमें पता है थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टी नाइन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री स्क्वायर, जो हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू क्यूब, मतलब 0.040 होल क्यूब। तो अगर हम तुम यहां से कैलकुलेट करो स्क्वायर रूट करके ये करके, सो मेरा आंसर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री, 4.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, 4.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32, राइट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक जो स्क्वायर रूट वाला ट्रिक मैंने क्लास में बताया था, अगर तुम उसको फॉलो करो तो आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। ओके, यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट, चलो, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, सेल एज इज गिवन 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर एंड द डेंसिटी दे दिया है तुम्हारा 8.92 ग्राम पर सीसी। ना यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं, ओके, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हम डायरेक्टली बिठा सकते हैं, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब एन ए। यहाँ पे हमें एफ सी सी के लिए जेड पता है 4, डी दे दिया है, ए भी दे दिया है, और पता है हम एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10³। अगर यहाँ से कैलकुलेट करे, ये वाला वैल्यू बिठा के कैलकुलेट करे, और अगर हम वैल्यू ना भी बिठाए, सपोज तुम लोगों ने बहुत सारे अगर कॉपर का न्यूमेरिकल किया होगा, तो सब लोगों को पता है कॉपर का एटॉमिक मास होता है मेरा 63, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63। सो इफ यू डोंट डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी 63। बट क्या क्या होता है, कभी कभी वो लोग न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज कर देते हैं, सो बेटर यू शुड डू इट, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज 63.1 यूनिट फॉर द कॉपर। नेक्स्ट, चलो लास्ट पांच क्वेश्चंस बाकी है, अभी देखते हैं। द पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो पार्टिकुलर मैटर तो डेफिनेटली इसके प्रेजेंस में तो होता ही है, लेकिन ओजोन के प्रेजेंस में भी होता है, ओजोन के प्रेजेंस में भी होता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड पता है हम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स है। सो एयर में जो कंपाउंड सल्फर वाला जो कंपाउंड्स होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस भी होता है, और वहां पे क्या होता है मेरा सल्फर एनहांस भी होता है, सल्फर का क्वांटिटी एनहांस होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी और डी तीनों के प्रेजेंस में ही होता है, सो आंसर विल बी ए बी डी बोथ, ऑप्शन नंबर फोर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर। 97, सीक्वेंस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। अब देखो ये वाला साइनाइड है, क्या पता है क्या ये रिएक्शन, मैंने बहुत बार बताया था तुम लोगों को क्लास में, साइनाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करो तो हमें एसिड मिलता है, अगर साइनाइड को हम रिड्यूस करो तो मेरा मिलता है CH2NH2। अगर CH2NH को हम डायजोटाइज करके फिर पानी लगाए, सो ये वाला मेरा बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक मतलब एलिफेटिक काइंड ऑफ, एलिफेटिक डज नॉट फॉर्म डायजोनियम आयन और एमाइड,
तो ये दोनों ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. और यहाँ पे क्या होगा, मेरा सिर्फ पानी यहाँ पे लगा दिया है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, क्योंकि हमें पता है जो मेरा एलिफेटिक एमीन्स होता है, अगर हम उसको डायजोटाइजेशन करें सो वो हमें एल्कोहल देता है, एल्कोहल देता है. एंड एरोमेटिक एमीन्स अंडरगोज डायजोटाइजेशन, ओके, एंड दे फॉर्म बेंजीन, दे फॉर्म बेंजीन, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल. नेक्स्ट, द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ ओ थ्री followed by zinc water gives formaldehyde and 2-methylpropanol as the product. अब मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को, पहले सब मॉलिक्यूल को लिख लो, ओके, पहले मॉलिक्यूल को लिख लो, फिर ऑक्सीजन को हटाना, पहले मॉलिक्यूल को लिखते हैं. टू मिथाइल प्रोपानल लिखते, हम लिखते हैं, चलो 2-methylpropanol, यहाँ पे हम मिथाइल लगा देते हैं, यहाँ पे प्रोपानल सी डबल बॉन्डेड हो एच लगा देते हैं, यहाँ पे एच लगा देते हैं और यहाँ पे सी एच सी लगा देते हैं. सो 1-2-2-methylpropanol और फॉर्मेल्डिहाइड लगा देते हैं यहाँ पे. चलो फॉर्मेल्डिहाइड लगा दिया यहाँ पे बच्चों. सो ये दोनों को हम निकाल देते हैं, तो क्या होगा मेरा CH3CH CH double bond CH2 CH3. इसका करेक्ट नाम क्या होगा, 1-2-3-4 मतलब 3-methyl-but-1-in. करेक्ट आंसर होगा 3-methyl-but-1-in, ओके. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए, दे दिया है, मतलब मेरा ए वाला दे दिया है 0.1 मोलर और 0.001 वाला ए बचा हुआ है 5 मिनट के बाद, मतलब टाइम दे दिया है मेरा 5 मिनट और ए माइनस एक्स मेरा दे दिया है 0.001. सो अगर हम डायरेक्टली जो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन है वहां पर डायरेक्टली अगर हम बिठा है तो हमें मिलेगा के इज इक्वल टू 1/t log of a by a minus x, right? So यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5 log, sorry, यहाँ पे 2.303 होगा. So 2.303 log of 0.1 divided by 0.001. So अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो इसका कैलकुलेशन वाला आंसर आएगा 0.9212. The correct answer will be 0.9212. और नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नीट 2022 केमिस्ट्री पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले दिया है. ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सभी क्वेश्चन में निकल का मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो मेरा यहाँ पे मेटल का कोई वेरिएशन कुछ नहीं है तो उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे. लेकिन एक चीज अगर तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हर कॉम्प्लेक्स में वॉटर एड हो रहा है, सी में कोई पानी नहीं है, बी में, ए में 2 पानी है और बी में 4 पानी है. नाउ वाटर इज अ वीक फिल्ड लिगैंड वेयर एज इथिलीन डायमीन इज नाइट्रोजन बेस्ड कंटेनिंग हार्ट सेंटर व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगैंड. मतलब अगर हम ईएन को डाले अंदर, ईएन को डाले अंदर, जितना ईएन को डालेंगे उतना मेरा लिगैंड, लिगैंड के प्रेजेंस में T2G और EG का गैप बढ़ता जाएगा, T2G और EG का गैप बढ़ता जाएगा, मतलब मेरा डेल्टा ई विल इंक्रीज, डेल्टा ई विल इंक्रीज. और अगर मेरा डेल्टा ई इंक्रीज होता है तो मेरा लैम्डा क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज होगा, राइट. सो लैम्डा डिक्रीज होगा मतलब वो वाला क्या जाएगा, वो वाला मेरा कलर रीजन में नहीं जाए, बाहर जाएगा, कलर रीजन के बाहर जाएगा. सो मेरा अगर जितना मेरा ई ज्यादा होगा सो वो कलर रीजन में जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी सी का, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है सो इसका सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होगा नंबर वन. नंबर टू में क्या होगा, ए, यहाँ पे 2 ईएन है, 2 पानी है, सो इसका थोड़ा कम होगा सी से और बी का सबसे कम होगा इन तीनों में से. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी. सो अभी तक मैंने पूरा सारे 50 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट, आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, बट द ओवरऑल क्वेश्चन वाज अ कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो I would expect many students will get 180 out of 180, definitely 180 out of 180. और अगर 180 भी ना हो, अगर एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दो, so definitely no one should score below 170. 170 तो होना ही चाहिए यहाँ पे, अगर तुम लोगों ने सही से 2 साल से मेहनत करके प्रिपेयर किया है, because all questions are
were completely conceptual questions, and it is very nice to see this kind of a standard question in NEET 2022, right? So from my side, thank you. Best of luck to all of you from for the biology part, okay? Aur dekhenge baad mein kitna hua hai kiska, to sab log touch mein rehna and start studying and stay safe. Thank you. Thank you from my side. Thank you, Devajyoti sir. Thank you, Team PrepMed. Sir, you are not audible, sir. Okay. Thank you, Ajit sir, for this wonderful session. And now we'll start the biology session. And I think you got a nice idea. And आपके सारे पेपर का जो answers keys है वो भी आपको मिल चुका है अभी. ठीक है, तो हम लोग अभी बायोलॉजी के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसके पहले. और मेरे पेपर के बारे में दो तीन चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं. सबसे पहले तो बात यह है, आप लोगों को जैसे मैं हमेशा क्लास में बताता था, प्रीपमेट के जितने सारे क्लास है उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि सारे जितने क्वेश्चन है वो आपके क्लास में हम लोग कराए हैं ऑलरेडी. सारे जितने क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कराए हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरीवन, प्लीज डू फॉलो द क्लासेस जो आपके अपकमिंग बैचेस है. ठीक है, उन सभी को मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हमारे बैच से ही है. ठीक है, और आज के पेपर का मेरे से फीडबैक मांगोगे तो मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पर, क्या ये हमारे ये जो पेपर है, ये जो पूरे आपके बायोलॉजी के पेपर है, इनमें बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही सेगमेंट इजी है. ठीक है, मगर बात यह है कि थोड़ा सा पेपर, जैसे आपको बताता हूं मैं, क्या हमारे जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी में बहुत ही माइन्यूटली क्वेश्चन, मतलब फ्रेमिंग होता है सेंटेंस को माइन्यूटली फ्रेम करके क्वेश्चन सेट हुआ है. चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात मत करूंगा यहाँ पर, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है, अभी 10 बज चुका है. तो मेरा प्लान है एक घंटे या फिर 1.5 आवर्स के अंदर ये खत्म करना. सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो ओल्ड ट्रीज है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ज़ाइलम जो ओल्ड ट्रीज में आते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन ये है क्या उसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है सेकेंडरी ज़ाइलम में, इसके पीछे रीजन क्या है. तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऑप्शन ए, सिक्रीशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द लुमेन ऑफ द वेसल्स. ठीक है, जो कि आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जो आपके ज़ाइलम होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके कुछ ऐसे चीजें जमा होता है जैसे कि टैनिन, रेजिन, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम में ये स्टोर होता है, तो वो भी सेंट्रल, देखिए यहाँ पर कैच वर्ड सेंट्रल है, तो ये भी मतलब ये दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट. ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सी डी ए में देखते हैं. सुबरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस आउटर लेयर, ये आउटर लेयर में कुछ नहीं होता, जो भी होता है सेंट्रल लेयर में होता है, क्योंकि हार्डवुड आप डेफिनेटली आप रीड कर चुके हो, हार्डवुड में उसमें आपके सेंट्रल जो ज़ाइलम्स होते हैं उसमें होता है. डिपोजिशन ऑफ द टैनिन गम रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर्स, वे फेस द सेम थिंग, पेरिफेरी में कुछ नहीं होगा, तो इसलिए गलत है ये. प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड फंक्शनली एक्टिव ज़ाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल सेल, ये तो पूरा ही गलत ऑप्शन है. तो ए एंड बी इज द करेक्ट वन, एंड दैट्स व्हाई ए एंड बी इज द आंसर, फाइनल आंसर की. सारे आंसर्स में डबल चेक किया हूं, सो डोंट वरी, जो भी आंसर मैं बताऊंगा यहाँ पर सारे आंसर की 100% फुल प्रूफ है. ठीक है, 100%. ठीक है, क्योंकि मैं डबल चेक करके मैं आंसर आपके लिए लाया हूं यहाँ पर. 102, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, यू क्रोमाटिन सबको मालूम है, यू क्रोमाटिन लूज होता है एंड हेटरोक्रोमाटिन आपके ज्यादा कलर लेता है एंड ज्यादा डेंस भी होता है. तो यू क्रोमाटिन इज द लूजली पैक क्रोमाटिन, ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, ये ट्रू है. हेटरोक्रोमाटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हेटरो जो आपके ऐसे पैक टाइप के होते हैं वो क्या, उसमें आपके कैसे राइबोसोम्स अटैच हो सकता है, तो वो राइबोसोम्स या फिर आपके जो बाकी या फिर इसके जो पहले वाला प्रोसेस है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ये सब होना उतना इजी नहीं होगा. जो चीज स्ट्रेट होता है यू क्रोमाटिन, उसमें ये सब इजी होता है. तो दैट्स वाई हेटरोक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाएगा. हिस्टर ऑक्टेमर जो होता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज होता है एंड डीएनए नेगेटिव होता है, तो रैपिंग नॉर्मल है और ये ट्रू स्टेटमेंट है. हिस्टोन ए रीच इन लाइसिन आर्जिनिन, ये पिछले साल नीट में भी एक क्वेश्चन आया था, सेपरेट क्वेश्चन आया था, इस साल तो ऑप्शन में स्टेटमेंट डाल दिया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि बेसिक अमाइन एसिड है. अ टिपिकल न्यूक्लियोसम कंटेन 400 नहीं होता, 200 के आसपास होता है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कितना सही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए सही है,
ऑप्शन आपके सी से ही है एंड ऑप्शन डी. सो आंसर होगा ए सी डी. क्वेश्चन नंबर 102. सबसे पहले मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन सेट है ये S5 सेट के, सॉरी नॉट S5, या हमारे, लेट मी चेक द कौन सा सेट का पेपर है. ठीक है, आप लोग से ही ये पेपर हम लोग ने लिया. ठीक है, यहाँ पर सेट S3 का सेट है. ठीक है, ये S3 का सेट है बेटा. तो S3 का सारे जो बायोलॉजी 100 क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा. आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कैलकुलेट करो स्कोर. और कैलकुलेट करने में आप घबराओ मत, क्योंकि देखिए जो हो चुका है हो चुका है. ठीक है, अभी आपको आपको एसेस करना जरूरी है क्या इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट अवॉइड द टाइम. टाइम तो आएगा ही उसके टाइम पे. तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन इफ यू चेक एंड इफ यू गेट एन राइट एंड करेक्ट आइडिया क्या मुझे कितना स्कोर मिल सकता है. 103 इसके आंसर देखिए, इसमें ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है. मैं क्लास में बहुत बार ये कंसेप्ट कराया हूं आपको, चाहे इल्यूशन का कंसेप्ट हो चाहे जो भी है. चलो देखते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट. ऑप्शन ए क्या है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स द ब्लू कलर. ये ब्लू नहीं होता है, ऑरेंज होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन इट इज एक्सपोज टू द यूवी रे, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इथिडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रे एक साथ देने से आपके ऑरेंज कलर आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी क्या बता रहा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड एल्यूशन. इज ट्रू है, मैंने ऑलरेडी बताया ये चीज, ये पूरे प्रोसेस का नाम ही एल्यूशन होता है. एंड द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड, वो भी सही है. तो फॉल्स स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है, यहाँ पर फॉल्स है द फर्स्ट वन. इसमें ब्लू का कोई बात नहीं है, ये ऑरेंज का बात है. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आर्थो जो आपके पॉड्स है उनके एक्सोस्केलेटन, उनके गिजर्ड के अंदर, उनके जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर एक चीज होता है जो कि आपके होमोपॉलीसेक्राइड से बने होता है, उनका नाम होता है काइटिन. बहुत एक पॉलीसेक्राइड है और क्वेश्चन बहुत कॉमन है, याद रखना. बहुत बार आ चुका है क्लास में, तो हम लोग बहुत बार बता चुके हैं इसके बारे में. मेरा मैं तो श्योर हूँ प्रेपमेंट के सारे बच्चे आज की जो पेपर है आप लोग पक्का इसमें, आई एम श्योर जितने क्लास में हम कराए हैं कुछ तो मुझे भी मतलब सुनने में मिल रहा है कि आप लोग लगभग 350 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है. 360 आउट ऑफ 360 सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ. तो देखते कौन इस साल में लाते हैं, पिछले साल तो दो बच्चे ने लाया था, इस साल देखते कितने बच्चे 360 आउट ऑफ 360 लाते हैं इस साल में. चलो 105 के बाद देखते हैं. 105 जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड आयरन. तो ये हमेशा याद रखना, बोरॉन की जो चीज होता है ये बोरॉन आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. MCQs बहुत पॉपुलर है बोरॉन का, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एक ही ऑप्शन से जब पोलन जर्मिनेशन में. तो आप देख सकते हो ये C2 हो जाएगा. तो जब मैं चेक कर रहा था मैं देख रहा था ऑप्शन ए एंड डी, मतलब जिसको 50-50 भी करना है तो ए एंड डी के बीच में 50-50 है. तब देखिए इसके नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज में हम लोग क्या करें. ठीक है, तो देखिए मैंगनीज जो है ये वाटर आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आता है, सबको मालूम है. तो A4 भी आपको मतलब पक्का है, तो A4 पक्का है. ठीक है, A4 पक्का है एंड B3 C3 पक्का है, ये दो पक्का है. ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है आयरन मतलब किसके साथ शूट करेगा. याद रखना आयरन विल बी बेस्ट टू गो विद द कैटलिस्ट इंजन, कैटलिस्ट का एक्टिवेटर होता है आयरन. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपके डी के साथ वन होगा. ठीक है, राइट साइड में वन होगा लिस्ट टू में. और एक चीज याद रखना आप लोग, ये जो पार्ट देख रहे हो मैग्नीशियम, ये आपके रेस्पिरेटरी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि हेक्सोकाइनेज, वहां पर सी सैक्रोनाइटिस, बहुत सारे ऐसे एंजाइम है जिनके एक्टिवेटर में आपके मैग्नीशियम आते हैं. तो दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पक्का आएगा एंड आपके बी का हो जाएगा 3. और मेरे हाँ ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर की जो होगा, जो करेक्ट आंसर की है दैट इज 4 हो जाएगा 105 में. मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ जितने सारे आंसर मैं आज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये फुल्ली फाइनली करेक्ट है, क्योंकि ये मैं डबल चेक किया हूँ और उसके बाद ही आपके साथ ये चीज मैं शेयर कर रहा हूँ. 106 डीएनए पॉलीमर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, और आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, लेट मी ओपन द चैट सेक्शन. ठीक है, मैं आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं चैट सेक्शन से देख लूंगा. ठीक है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो, सो यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन, मैं चैट सेक्शन से आपका आंसर कर दूंगा. ठीक है, यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन. ठीक है, मैं चैट को फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. ओके, सो डीएनए पॉलीमर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, देखिए डीएनए पॉलीमर्फिज्म एक ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको मालूम है कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट होता है, तो उस हिसाब से जीनेटिक मैपिंग भी करेक्ट आंसर होगा एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आंसर वो भी करेक्ट ही होगा. बहुत बच्चे हैं जो जीन मैपिंग को छोड़ के जाएगा, मगर जीन मैपिंग आंसर में इंक्लूड होगा, क्योंकि जीन मैपिंग कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं अभी तो एक्सप्लेन करने को उतना टाइम नहीं है, मगर कर सकते हैं. ठीक है, याद रखना है, और एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है. जितने मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी में आप ओपन करके देखोगे तो सही मतलब यही चीज आपको एनसीईआरटी में आएगा. ठीक है, ओके,
अच्छा कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर प्रीवियस क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करने क्यों करूँ, ये तो वीडियोस है ना, आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को, प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. ओके 107 में गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो डेफिनेटली ये बात इथिलीन के बारे में हो रहा है, एंड हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस कोई मतलब नहीं है, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन करते हैं आपके डाइकोटिलेडन जो वीड्स होते हैं उनको कील करने में, 240 ऑक्सिन का एक वैरायटी वो हेल्प करते हैं, स्पीड अप द मल्टिंग प्रोसेस जो कि जिब्रेलिन का फंक्शन है वो हेल्प करते हैं. सो ऑप्शन डी जो होगा आपके रूट हेयर फॉर्मेशन करके, ये कभी कभी रूट से बहुत ज्यादा रूट हेयर फॉर्मेशन होने से अच्छा क्या होता है, क्या ज्यादा एब्जॉर्प्टिव सर्फेस मिलता है, यानी कि पानी एब्जॉर्ब करने का सर्फेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जो कि इथिलिन का फंक्शन होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस साल में मेरे एक चीज नोट किया, प्लांट हार्मोन चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो प्लांट हार्मोन बहुत ही फेवरेट था इस साल जो भी टीचर सेट किए हैं, जो नहीं एक्चुअली 3-4-5 टीचर तो बिल्कुल होता है, तो प्लांट हार्मोन इस साल में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब जहां से क्वेश्चन थोड़ा सा माइन्यूटली पूछा है, इजी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा है, चारों के चार क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बीच बीच में रीड बिटवीन लाइंस करना होगा तभी आपको आंसर मिलेगा. चलो तो ये ऑप्शन 4 होगा, मैंने बता दिया. 108 के देखते हैं आंसर क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन 108, देखिए 108 में ये आपके फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, हैच स्लैक पाथवे यानी कि C4 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे क्लास में बहुत बार एक्सप्लेन करता हूँ. C4 का बात ये होता है कि बाहर से CO2 घुसता है, यानी कि यू नो जो आपके स्टोमाटा होता है उसके थ्रू, तो स्टोमाटा के सबसे पहले जो एनकाउंटर जिसके साथ करते हैं वो मेसोफिल, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज अ बंडल शीट सेल. तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जिसके साथ पहले हम लोग एनकाउंटर करते हैं, हम लोग नहीं C4 प्लांट्स, तो CO2 जिसके साथ पहले एनकाउंटर करते हैं वहां पर आपको क्या चीज रहता है, दैट इज अ पेप्टेज एंजाइम रहता है, ठीक है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इन फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, जो कि बिल्कुल सही है और मेसोफिल में ही मिलता है सबसे पहले. सेकंड ये बता रहे स्टेटमेंट नंबर 2, मेसोफिल ऑफ द C4 प्लांट, इसमें आपके रूबिस्को नहीं होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रूबिस्को उसके अंदर रहता है जो कि बंडल शीट सेल है उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो बाद में जाएगा वहां पर केल्विन साइकिल होगा, केल्विन साइकिल मेसोफिल में नहीं होता है, केल्विन साइकिल बंडल शीट में होता है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, ऑब्वियसली ऑप्शन 3 हो जाएगा आपके फाइनल आंसर की. ये हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेशन, कोएक्सटिंक्शन, ये सब आप इविल क्वार्टलेट नाम की एक चीज है जो आपको शायद याद है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोग डिस्कशन किए थे. प्रेपमेंट के सारे बच्चे आई एम श्योर जो आपको आंसर कर पाओगे, और बाकी सारे बच्चे भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही प्रोमिनेंट एक टॉपिक है, इविल क्वार्टलेट उसमें आता है, एनसीईआरटी के टॉपिक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस आपके फाइनल आंसर हो जाएगा. 110 का देखिए, ये भी एक प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन है, जो कि आपके क्यूकम्बर के प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगा, क्यूकरबिटेसी फैमिली में आता ही है, तो उसमें एक हार्मोन हम लोग डालना जरूरी है, दैट इज इथिलीन. इथिलीन से सेकंड सवाल है और सेम आंसर होगा, इथिलीन डालने से क्या होता है, फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली पूरा प्लांट का यील्डिंग जो यील्ड होता है, टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो भी हाई हो जाता है, तो दैट इज ऑब्वियसली यू नो दैट्स आंसर. 111 में आपको देखना है क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टराइजेस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर होता है, मान लीजिए ये मम्मी का क्रोमोसोम है, ये पापा का क्रोमोसोम है, तो दोनों का जो एक्सचेंज पॉइंट होता है आपको मालूम है उसका नाम क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी के वो एक लैंडमार्क होता है बेटा, जहां पर एक्सचेंज होता है लगभग उसी के बगल में आपको ये चीज दिख जाएगा, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. तो क्वेश्चन वही पूछा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां दिखता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहां पर दिखता है जहां पर आपके साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा, टर्मिनलाइजेशन से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं दिखता है कभी, वो क्रॉसओवर पॉइंट पर अच्छा दिखता है, वो दूसरा क्वेश्चन है. और साइनोट्रिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, ये सब आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर यही होगा 111. 112 इजी क्वेश्चन है, जो कि आपके माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो भी है ये आपके आर्टिफिशियल्स में आते हैं, ठीक है, तो ये आपके इनविट्रो एक्सिटूज हो जाएगा. मगर आपको याद रखना नेशनल पार्क जो होता है वो जिस मिट्टी पे उसी मिट्टी में हम लोग नेशनल पार्क तैयार करते हैं, उसी, ऐसे नहीं कि एनिमल को दूसरी किसी जगह पे लेके जाते हैं और उसको केज करते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होता है. तो नेशनल पार्क इज द फाइनल आंसर, जो कि आपके इनसीटू में आता है, यहाँ पर नॉट पूछा है तो इनसीटू आंसर करना होगा, नेशनल पार्क इनसीटू होता है, बाकी सब एक्सिटू होता है. चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके 153 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है आपको, ठीक है, नाइट्रो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट पे डालना है, तो आपको एलनस जो प्लांट होता है उसके साथ एक बैक्टीरिया को डालना होगा, तो बैक्टीरिया का नाम होता है फ्रेंकिया, याद रखना क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, एलनस के साथ आपके फ्रेंकिया होता है. एलनस इतने इंपॉर्टेंट क्यों की है, क्योंकि एलनस जो होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स भी होते हैं, मगर ये लेगूम नहीं है, जैसे कि हम लोग को मालूम है जनरली क्या होता है फैबिसी में, हमारे जो लेग्यूमिनेसिस में अब है ये आपके नोड्यूल मिलता है, मगर एलनस एक ऐसे है जो नॉन आपके
लेग्यूम है उसमें भी आपके फ्रेंकिया मिलता है, याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द प्रीडेशंस. देखिए प्रीडेशंस में क्या होता है, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, कभी नहीं होता है. जब कोई खाता है, जो खाता है उसको तो बेनिफिट होता है, जिसको खाता है उनका नुकसान होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्वियसली फॉल्स. एंड बाकी जो आपके तीन स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट होगा. ठीक है, बाकी तीन स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा. और ये आप रीड करके भी देख सकते हो, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, इसमें डाइवर्सिटी मेंटेन होता है, इसमें एक्सटिंक्शन का चांसेस होता है, मतलब जिसको आप लगातार खा रहे हो उसका एक्सटिंक्शन होने का बिल्कुल चांस है. तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट वन होगा, क्योंकि बोथ नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, बोथ नेगेटिव नहीं होगा, कोई एक नेगेटिव होता है. 115 देखिए, ये आपके 15 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अभी बायोलॉजी का. ठीक है, मैं आपके नेक्स्ट 40 मिनट्स में खत्म कर दूंगा सेशन, डोंट वरी. मुझे मालूम है आप लोग ऑलरेडी बहुत थके हो, क्योंकि दिन भर एग्जाम चले हैं और फिर आपके ट्रांसपोर्ट ये सब है एंड स्ट्रेस भी होता है आपके. सो आई वोंट टेक टाइम, बट आपको कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ मतलब पूछना चाहते हो तो यू प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको आंसर बिल्कुल करा दूंगा. जो भी आपके आंसर है, जो भी आपके कंफ्यूजन है, सर ये आंसर क्यों हुआ. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रिमूव द पार्टिकल मैटेरियल. तो आपको याद है कि एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा पिक्चर भी है, जिसमें आपके पार्टिकल मैटर के बाहर में ऐसे नेगेटिव का कोटिंग आता है एंड देन फाइनली वो सब नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन से. एंड आप क्या करते हो, जो पॉजिटिव आपकी इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट कराते हो एंड वो प्रेसिपिटेट कर जाता है. तो फाइनल आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसी मैकेनिज्म में काम करता है. कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होगा, क्योंकि कैटालिसिस होता है, ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, सल्फर कंपाउंड ये सब चीज रिमूव करने में हेल्प करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये नहीं होगा. एसटीपी दैट इज अ स्विच प्लांट ट्रीटमेंट, इसका कोई बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में. इंसिनरेटर तो ऐसे नहीं होगा, इंसिनरेटर मतलब जो हम बर्न कराते हैं किसी चीज को, तो वो आंसर होता है, मतलब उसका कंसेप्ट होता है इंसुलेटर. तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. 116 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत एनसीईआरटी का बहुत ही गहराई से ये क्वेश्चन पूछा है. बहुत ही लाइंस जो था उसको पिक किया है और फाइनली क्वेश्चन को फ्रेम किया है. तो ये देखिए आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है, फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर. तो आपको देख के लग सकता है कि फाउल होगा, तो शायद ये गलत है. नहीं बेटा, ये सही है. तो आपको याद रखना होगा बीटल्स एंड फ्लाइज जो होता है, ठीक है, इन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको फाउल ऑर्डर देना जरूरी है. अच्छे ऑर्डर नहीं, फाउल ऑर्डर देना जरूरी है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. मॉथ्स एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट. मोस्ट डोमिनेंट होता है बी, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मिलता है आपको वो बी मिलता है. ठीक है, बी मिलता है, बी सबसे ज्यादा होता है, जो कि पॉलिनेशन के काम में सबसे मतलब महत्वपूर्ण है. तो फॉल्स यही है, और क्योंकि आपको इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है. पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन बाई वाटर कॉमन है, ये बता रहे हैं, रेयर बता रहे हैं. रेयर नहीं बेटा, क्योंकि आपके पॉलिनेशन ये रेयर है. हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये रेयर है, क्योंकि देखिए पॉलिनेशन बाई वाटर तो उतना ज्यादा तो नहीं होता है. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादा तो बाकी सब होता है. तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट. एंड पॉलिनेशन बाई विंड एबायोटिक पॉलिनेशन जितना होता है, यानी कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर्स. कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, सबसे ज्यादा हेल्प आपके विंड वही करते हैं. तो आंसर ये सही है, विंड ये भी सही स्टेटमेंट है. गलत हो जाएगा आपके 116 का ऑप्शन नंबर 2, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देखिए ये वाला चीज, दैट इज अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डजंट शो एनी प्लास्टिसिटी. शायद आपको मालूम है प्लास्टिसिटी मतलब होता है जिंदगी में किसी टाइम इसका शेप एक प्रकार का है, दूसरे टाइम में दूसरे प्रकार का शेप है. तो ये आपके प्लांट ग्रोथ जो आपके चैप्टर है उसका क्वेश्चन है. तो बटर कैप जो होता है, कॉटन जो होता है, कोरिएंडर जो होता है, उनमें आपको प्लास्टिसिटी दिखता है टाइम टू टाइम. इनके शेप साइज ये सब चेंज होता है डिपेंडिंग अपन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपन द एनवायरमेंट. मगर जो मेज होता है, इनके आपके जो कंडीशन है वो सेम टू सेम रह जाता है, ये इसका कोई चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है. ओके, अबाउट व्हाट परसेंटेज आपकी यूटिलाइज होता है लैक्टिक एसिड में. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज टू जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है आपके 686 नहीं मिलता है कैलोरी, इसमें लगभग 50 के आसपास किलो कैलोरी मिलता है. तो आपको देखिए पूरा जब बर्न होता है तब 686 मिलता है आपको मालूम है. तो सिंपली आप परसेंटेज करोगे तो मिल जाएगा. यू कैन डू लाइक आपको 50 मिला है तो 50/686 एंड इनटू 100 करोगे तो आप देखोगे लगभग 7% के आसपास आंसर आ रहे हैं एंड लेस देन 7% के आसपास आंसर आ रहे हैं. तो 7% नियर द एनी ऑप्शन जो कि 7% के आसपास होगा वही फाइनल आंसर होगा. ठीक है, अभी 119 गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्लास में बहुत बड़ी चीज बता चुका हूँ. गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपके कोई भी एक ट्री है उनके आपको मालूम है लेयर्स होते हैं या पेरीफेरल लेयर्स होते हैं, उनको आप हटा दोगे तो आपको मालूम है पेरीफेरी में फ्लोएम होता है, सेंटर में जाइलम होता है. तो फ्लोएम तो आप जब कोई एक बेल्ट, कोई एक पर्टिकुलर बेल्ट मान लीजिए एक टिश्यू को स्ट्रैप कर दिया, इतना पार्ट ऑफ टिश्यू को अपने स्ट्रैप करके उठा दिया. तो ये सर्कल में सोचिए, बेल्ट के टाइप का सोचिए सर्कल में.
तो जब उसमें क्या होता है तब आपके फ्लोएम ओपन हो जाता है, तो फ्लोएम ओपन होने की वजह से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके जो ग्लूकोज है उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बाहर निकल के आते हैं, एंड दैट्स व्हाई फूड, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि फ्लोएम में सच में फूड जा रहा है क्योंकि वो ग्लूकोज निकल के आ रहे हैं व्हेन वी आर व्हेन आई एम स्ट्रिपिंग द आउटर लेयर ऑफ द बर्क. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है. ओके नेक्स्ट वन, ये सवाल यहाँ पर पूछा डाइडेल्फस स्टैमेन के बारे में. डाइडेल्फस स्टैमेन जो होता है आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ये 9+1 से काम करता है, 9 एक जगह में 9 है दूसरी जगह 1 है. आपके सिलेबस में तीन ही फैमिली है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपके फैबेसी फैमिली, दूसरे आपके सोलोनेसी फैमिली और तीसरे आपके दैट इज अ लिलियसी फैमिली. तो ये जो सवाल है डाइडेल्फस, ये आपके 9+1 वाला सवाल है, तो ये आपके फैबेसी फैमिली का क्वेश्चन है, तो पाइसम सैटिकम एक ही ऑप्शन है, तो बाकी की एलियम सेपल लिलियसी, सोलनम सोलनेसी, कॉल्चिकम या लिलियसी होगा. तो देखिए किसी को मालूम ही नहीं होगा तो बच्चे ये सोच सकते सर एलियम सेपा एंड कॉल्चिकम तो सेम फैमिली का होगा, तो 50-50 यहाँ पर मतलब आंसर होगा तो 2 और 4 के बीच में ही होगा. जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टाइम हम लोग को गेस करना होता है, अभी तो नहीं है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, तो उस टाइम ये सब टेक्निक हेल्प करता है. हम लोग क्लास में आपको ये चीज सिखाते हैं और आई एम श्योर जो आप लोग ये अप्लाई करने के बाद आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला है. कल तो मिल जाएगा सारे, मुझे जानकारी मिल जाएगा. आज के लिए जो पाइसम सैटिफम अभी तक आंसर यही करो, आई थिंक आपका अच्छा जा रहा है ना, कमेंट करो. ठीक है, कमेंट करने से मुझे भी ये दिख जाएगा. ठीक है, क्या आपके कैसे चल रहा है पेपर. नेक्स्ट देखिए, ये आपके 1-1 के बारे में बात कर रहा हूँ. कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी का मतलब कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए बेटा प्लीज. ठीक है, 1-1 में देखिए, 1-1 में क्या हो रहा है. ये The following statements about the vascular bundle. तो ये botany का question है, vascular bundle xylem phloem होता है. Option number 1 ने क्या बताया, xylem and phloem alternate manner में different radius में होता है. Different radius बताना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि xylem and phloem के देखिए phloem आपके कोई radius पे नहीं रहता है. Phloem actually क्या होता है, patchy phloem होता है. Phloem का patch होता है xylem के बगल में. So that's why it is not that much accurate answer. और सबसे बड़ा बात है आपके option A को include करके देखिए आपके कोई ये वाला जो ऑप्शन है जो कि सबसे सही है उसमें ऑप्शन ए इंक्लूड भी नहीं है. एंड तो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ऑप्शन ए इंक्लूड नहीं होगा फाइनल आंसर की में. कॉन्जॉइंट क्लोज वास्कुलर बंडल जो होता है उसमें कैम्बियम नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि क्लोज है तो आपको मालूम है ये क्लोज में आपके कैम्बियम नहीं होता है. ओपन में कैम्बियम मतलब वही चीज लिखा है यहाँ पर. वास्कुलर बंडल डाइकोटिलेडोनस स्टेम जो होता है उसमें आपका एंडर्क में होता है. आपको मालूम है एंडर्क किसको बोलते हैं, एग्जर्क क्योंकि बोलते हैं. प्रोटोजाइलम जब अंदर में होता है तो एंडर्क होता है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है तो एग्जर्क होता है, जो कि रूट के केस पे होता है. स्टेम के केस में अंदर होता है प्रोटोजाइलम, एंडर्क होता है. सही स्टेटमेंट. द मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 बंडल्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, मोनोकॉटन के केस में, रूट के केस में वहां पर बंडल्स का नंबर ज्यादा होता है, 6 तो मिनिमम होगा. तो आपके फाइनल आंसर की हो जाएगा बी सी डी एंड ई, ये आपके फाइनल आंसर की हो जाएगा. 1-1-2 को देखते हैं. 1 और 2 में हम देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिविजन. माइटोसिस में कभी मम्मी का क्रोमोजोम पापा का क्रोमोजोम का पेयरिंग होने का जरूरत ही है नहीं, तो क्यों होगा. तो मगर हमेशा आपको याद रखना है बाकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है उसको भी रीड करना है. कॉइलिंग कंडेंसेशन क्रोमेटिड बिल्कुल होगा माइटोसिस में. स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर अटैचमेंट बिल्कुल होगा. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियल दो साइड में वो भी होता है क्योंकि सेंट्रियल का ही मूवमेंट होता है इसमें, मैंने बताया था लाइव क्लास में. क्रोमोजोम का मूवमेंट नहीं होता है जैसे कि मियोसिस में होता है. यहाँ पर सेंट्रियल स्प्लिट करते हैं, हाफ सेंट्रियल एक पोल में जाता है, दूसरे सेकंड हाफ सेंट्रियल और एक पोल पे जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो फाइनल जो गलत स्टेटमेंट था वही आंसर है एक्चुअली, दैट इज अ 121 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर. 123 का देखते हैं क्वेश्चन. 123 में आप देख सकते हो दो आपका स्टेटमेंट है. क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर जो कि क्लोज फ्लावर होता है, तो क्लोज फ्लावर में क्या होता है बेटा आपको याद रखना है, क्या ऑप्शन स्टेटमेंट 1 बताया क्या ये ऑटोगैमस. बिल्कुल ऑटोगैमस में कोई क्लोज है तो उसी क्लोज के अंदर जो मेल एंड फीमेल जो आपके सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट है वो फर्टिलाइज करेगा. सो इट्स ऑब्वियसली ऑटोगैमी. एंड एक चीज याद रखना होगा, डिसएडवांटेज क्या है इसमें, कोई क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस नहीं है. यानी कि इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन जाके क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि फ्लावर क्लोज है. तो दो स्टेटमेंट, दोनों के दो स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 124 क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पर, थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में. साइट्रस जो होता है ये आपके याद रखना, साइट्रस जो होता है ये आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन में आता है. ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन में जो आपके चीज आता है आपको मालूम है, एक होता है थॉर्न, एक होता है पिकल. ठीक है, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में ये चीज आता है, ये आपको हमेशा याद रखना साइट्रस के केस में. बोगनविलिया में ये लीफ के मॉडिफिकेशन में आते हैं, तो दैट्स वाई ये करेक्ट तो कभी नहीं होगा. लीफ यहाँ पर पूछा है तो लीफ के लिए बोगनविलिया करेक्ट है, मगर साइट्रस करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है क्योंकि साइट्रस जो है ये आपके स्टेम के केस पे आते हैं.
नेक्स्ट एक्सिलरी बर्ड आपको देखना होगा. एक्सिलरी बर्ड जो होता है फ्रॉम द स्लेंडर एंड द स्पाइरली कॉइल टेंड्रिल्स इन द क्यूकम्बर एंड द पंपकिन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपके. मान लीजिए एक्सिला है, इसमें एक्सिलरी बर्ड है. ये बर्ड आपके इस प्रकार का कुछ तैयार करेगा जिसका नाम हो जाएगा आपके कॉइल टेंड्रिल्स. और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टेम जो होता है ओपनशिया के केस पे, जो ओपनशिया होता है जो आपके ज़ेरोफाइटिक प्लांट में ओपनशिया स्टेम होता है, लीफ लाइक फ्लैशी होता है, तो वो आपके याद रखना होगा. ये भी सही स्टेटमेंट है. राइजोफोरा जो होता है, जो आपके यू नो जहां पर आपके सॉल्टी या फिर हेलोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं, सॉल्टी बताना नहीं चाहिए, हेलोफाइट्स बताना चाहिए रादर, उसी एरिया में आपको ये राइजोफोरा मिलता है जहां पर मिट्टी से ऊपर आते हैं टैप रूट जो होता है, और उसका नाम हो जाता है आपके यू नो दैट समथिंग इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर. सो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा. ऑप्शन ई देखिए, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपको मालूम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपके चैप्टर वन है क्लास ट्वेल्थ में, उसमें एक चैप्टर है दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो वहां पर क्लियर कट लिखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ये सब चीज बहुत जरूरी है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. एंड यू नो बी सी डी ई इज द फाइनल आंसर. की XO आपके ग्रास ऊपर में XO होता है, उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है और दूसरे आपके ओ होता है. मंकी के केस में ड्रोसोफिला पूरा ह्यूमन का टाइप होता है, बर्ड में ZZZW होता है, तो ये बाकी तीनों तो नहीं हो गए. XO इज द वेरी 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 आई मीन रिजर्व. XO का आंसर होगा तो आपको ग्रास ऊपर मार्क करना है. हाइड्रोकोलाइड का आंसर देखिए, हाइड्रोकोलाइड कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है. कुछ बच्चे बता रहे हैं सर हाइड्रोकोलाइड सिर्फ ये की होगा, वो आंसर की में ये दिया है. जो भी आंसर की है इस दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के. देखिए ये एनसीईआरटी में बेटा क्लियर कट लिखा है हाइड्रोकोलाइड, आपके दो दो जगह पे आपके हाइड्रोकोलाइड लिखा है. तो कारागरनिन जो है, कारागरनिन दिस कारागरनिन इज आर फॉर रेड. तो देखिए यहाँ पर जो आपके कारागरनिन है ये रोडोफाइशियन एल्गी से ही सिर्फ मिलता है, तो रोडोफाइशियन एल्गी विल बी द फाइनल आंसर की. रोडोफाइशियन एल्गी विल बी द फाइनल आंसर की. कुछ बच्चे ने एल्जिन सोच के फियोफाइशियन मार्क किया है जो कि गलत है. एल्जिन फियोफाइशियन में मिलता है सही है, मगर यहाँ पर मेंशन कर चुका है कि कारागरनिन कहाँ से मिलता है, ठीक है. आप हाइड्रोकोलाइड वाट को सिर्फ रीड करके आंसर नहीं कर सकते, आपको कारागरनिन भी रीड करना होगा. आप जब कारागरनिन को रीड कर रहे हैं, कारागरनिन को रीड कर रहे हैं, तो कारागरनिन आपको सिर्फ, अब मैंने बताया था क्लास में इस आर को हमेशा मैं ज्यादा मतलब ये कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, क्योंकि ये रेड एल्गी से ही मिलता है. आंसर होगा रेड एल्गी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्टिक वो मालूम है जो चीज जब पानी दोनों, ये प्लांट का सेल है मान लीजिए, प्लांट का सेल्स के बीच बीच में जब पानी जाते हैं ये एपोप्लास्टिक होता है. वो उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हेल्प करता है, जैसे सेल वॉल. इसमें सेल मेम्ब्रेन कभी भी हेल्प कर भी नहीं सकता, हेल्प करता भी नहीं है, ठीक है. और इसमें एक ही बैरियर आ सकता है, दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप. अदरवाइज एपोप्लास्ट बहुत अच्छे से जा सकता है. तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैट इज द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का बात ही नहीं आता है. पूरे जो आपके ट्रांसफर होता है, दैट ये ट्रांसफर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के साथ होता है, एक ही आई मीन यू नो एक ही चीज इसको हेल्प करता है, दैट इज अ सेल वॉल. यहाँ पर साइटोप्लाज्म वाला कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग कैसे हेल्प कर सकता है, नहीं हेल्प कर सकते. तो एपिप्लास्टिक जो होगा वो सिर्फ सिर्फ सेल वॉल से होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है. ओके ओके, सो द नेक्स्ट वन ये गलत है बेटा, ठीक है. मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट है. एपोप्लास्ट इज अ कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट. एपोप्लास्ट जो है ये वाटर मूवमेंट में कोई बैरियर नहीं देता, बिल्कुल सही है. क्योंकि आपके देखिए एक बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट मिल चुका है, तो ये और नॉट में बहुत ज्यादा रॉन्ग मिल चुका है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग तो है, मगर क्योंकि कैस्पियन स्ट्रिप की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा तो बैरियर मतलब करते हैं, थोड़ा सा तो उसको बैरियर करते हैं. बट एनीवेज इट इज ट्रू मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस थ्रू द इंटर सेलुलर स्पेस, मैं ऑलरेडी ड्रॉइंग किया हूँ, वो ट्रू है. एंड द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का बात कभी भी इसमें नहीं आएगा आपके एपोप्लास्ट में, वो सिम्प्लास्ट का बात है. तो आंसर हो जाएगा 121 का वन आंसर हो जाएगा. 128 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये एक आपके बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आपके एक एजर्शन है, एक रीजन है. एजर्शन में बताया है कि पीसीआर जो है ये हम डीएनए को नंबर में इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डीएनए का नंबर इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग पीसीआर करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. और दूसरा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो होता है वो सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए यूज करते हैं, वो भी सही है. तो दो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है. मगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब जब एक्सप्लेनेशन करते हैं then बता रहे क्या बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो आर को देखिए आप ऐसे क्वेश्चन करोगे,
ampicillin resistance gene is used as selectable marker to check the transformation because PCR जो होता है amplification में आता है, तो ये because का meaning नहीं होता है. तो ये आपके assertion type के जो question होता है उनको करने का तरीका है. जब आप because add करते हो reason के बाद assertion जो sentence read करते हो उस time में because add करो. ये because add करने के बाद भी sentence meaningful नहीं हो रहा है तो obviously ये true तो हो सकता है, independently true हो सकता है, मगर correct explanation नहीं होगा. तो ये आपके 121 हो जाएगा. 129 पे आप देखिए ये क्वेश्चन, 129 फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या उन लोग सोच रहे हैं क्या ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है या रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है. ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है. फोटोसिंथेसिस में आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट पिक्चर है, दैट इज अ लुमेन यानी कि थायलाकॉइड के अंदर. उससे आपके जो प्रोटॉन होता है वो बाहर निकल के आता है, ठीक है, थ्रू द एटीपीएस. ये मालूम है आपको. तो देखिए जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन थायलाकॉइड से निकल के स्ट्रोमा में आ रही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और NADP टू NADPH2 ये भी होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि आपको मालूम है वहां आपका होता है ना कम्प्लेक्स जो आपका फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2. तो फोटोसिस्टम 2 में ये बात होना जरूरी है कि आपके पीएस जो NADH NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है. और वो जो कन्वर्शन होता है वो कन्वर्शन थोड़ा सा स्ट्रोमा के बगल में होता है. ये मान लीजिए कोई थायलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उसके भी दो साइड होगा ऑब्वियसली, एक इनर साइड एक आउटर साइड. आउटर साइड की तरफ ये NADP टू NADPH2 मिलता है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि स्ट्रोमल साइड की तरफ, ठीक है. तो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कुछ नहीं होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर जरूरी है, ये चीज याद रखना. द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, ये डेफिनेटली दे आर सिग्निफाइंग टू विच फैमिली, यू नो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फैबिसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली. तो गुलमोहर आते हैं, कैशिया आता है, मस्टर्ड बिल्कुल नहीं आता है, डाटूरा नहीं आता, चिली भी नहीं आता. तो आंसर हो जाएगा गुलमोहर कैशिया. बी एंड सी विल बी द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये मैंने कितने तक डिस्कशन किया आपके 130 होगी ना, ओके 131 से करना होगा डिस्कशन. 131 आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों ही आपके मेंडल रिलेटेड, मेंडल का स्टेटमेंट है. मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू. और वहां पर जितना कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया सारे यहाँ पर मेंशन है, सीड शेप, कलर, पॉट साइज, ये सभी भी ट्रू है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दिस इज अ फाइनली. बहुत सिंपल स्ट्रेट कॉर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने डाल दिया क्वेश्चन और सही भी है. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन है, कितने मॉलिक्यूल एटीपी मिलता है. तो आपको मालूम है ग्लाइकोलाइसिस में ये एक चीज है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है और एक जगह आके वो 3 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है. उसके बाद दो स्टेप होता है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है. एंड जब इसी वजह से यह दो मॉलिक्यूल आता है, एक DHAP एक 3 PGLD, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज दुगना हो जाएगा. तो यहाँ पर दो ATP जो तैयार हो रहा था सबस्ट्रेट लेवल में वो 4 हो जाएगा और यहाँ पर पहले दो ATP यूज होता है. तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 4 - 2 = 2. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपके जो दो स्टेटमेंट दिया है डिकम्पोजिशन के ऊपर, डिकम्पोजिशन जो होता है वो माइक्रोब्स करता है. डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच डेट्रिटस डिग्रेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो कि बिल्कुल सही है. मगर ऑप्शन बी जो है, डिकम्पोजिशन जब लिग्निन एंड काइटिन होता है तब स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है. तो लिग्निन एंड काइटिन से फास्ट नहीं होता, स्लो होता है. तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन एक करेक्ट होगा बट सेकंड वन रॉन्ग हो जाएगा. 134 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए आपको मालूम है द फर्स्ट प्रोसेस जो होता है आपके जब भी ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, द फर्स्ट थिंग इज दैट आपके जो अमीनो एसिड होता है उनके साथ tRNA का ऐड होना. तो इसका नाम होता है tRNA चार्जिंग या tRNA एक्टिवेशन. तो बहुत बच्चे ये आंसर किया है कि tRNA इज एक्टिवेटेड, ये पार्ट तो सही है. मगर इनके जो दूसरा पार्ट है, लार्जर मॉलिक्यूल कभी mRNA के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, जो स्मॉलर यूनिट होता है वो आपके सबसे पहले ऐड होता है mRNA के साथ. इसके वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है. कुछ बच्चे सोच समझ के वो tRNA चार्जिंग सोच के ऑप्शन 2 को मार्क किया था, मगर ऑप्शन 3 फाइनल आंसर होगा, क्योंकि स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम ऐड होता है आपके mRNA से. ये सबसे बड़ा सच है एंड ये सबसे पहले आपको सबसे पहले भी होता है, तो ये आपको याद रखना होगा. ऑलराइट, समझ में आया. 135 ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. करेक्टली मैच क्या करता है, तो पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टाइल. पोरफायरा आपके मालूम है GG यानी कि ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, PP यानी कि पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पोरफायरा इस सबसे मिलता है. और फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गी, तो आपको मालूम ये भी ट्रू है. वॉल्बॉक्स स्टार्च ट्रू है. एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन ये भी ट्रू है. यूलोथ्रिक्स मैरिटल ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इसमें भी स्टार्च होते हैं. ये यूलोथ्रिक्स इज आल्सो यू नो दे आर आल्सो क्लोरोफाइशियन ग्रीन एल्गी, तो ऑब्वियसली यही आपके
मैनिटल नहीं होगा और ये गलत है, मैनिटल आपका तो ब्राउन एल्गी से मैनिटल होता है तो ये गलत है। 136 बताइए आप लोग आंसर, 136 क्या होगा, आप लोग ने क्या आंसर किया 136 का? 136 जो होता है मेंडल्स का थ्योरी है, जो जो स्टेटमेंट वन है ना वो सही स्टेटमेंट है, जो आपके रीजन है वो आपके फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बताया कि क्लोजली रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। सो क्लोजली रिलेटेड जो जीन है ये बता रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड होगा तो थोड़ा सा वो लिंकेज टाइप के हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कैसे करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज करेक्ट एंड बट जो सेकेंड है ये आपके नॉट करेक्ट हो जाएगा रीजन जो होगा। ये देखिए आपके फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा है, तो फॉल्स फ्रूट में एक पार्ट है थैलेमस सी, तो सबको मालूम है फॉल्स फ्रूट में सबसे पॉपुलर वही दो है एप्पल एंड पियर, तो वो थैलेमस हो जाएगा इनका आंसर। 138 में एनसीईआरटी की लाइन है, फॉस्फोरस साइकिल में आपके रॉक जो होता है उनके वेदरिंग होना जरूरी है, क्योंकि रॉक में बहुत ही फॉस्फोरस सॉल्ट रहता है जो कि मिलना जरूरी है, वेदरिंग ऑफ रॉक आपके 138 का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपके 139 में देखिए सीएनजी का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सीएनजी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डीजल से चीप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विच मतलब ये बिल्कुल सही है, और इट कैनॉट बी एडल्टरेट लाइक डीजल, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे कि डीजल में कुछ एडल्टरेशन कर सकते हो, खराब कर सकते हो, ठीक है, मिलावट कर सकते हो, सीएनजी में मिलावट नहीं कर सकते, ये भी ट्रू है। ठीक है, और सीएनजी बहुत अच्छा बर्न भी करते हैं, कंप्लीटली फाइनली बाइंड बर्न करता है, ये भी अच्छा चीज है। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, द डीजल इंजन इज नाउ यूज इन सीएनजी बसेस, सीएनजी बसेस में डीजल इंजन नहीं होता है एंड मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन लो, ये नहीं होता है, सीएनजी का सेपरेट सिस्टम होता है, सीएनजी का जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी होता है उसके लिए भी सेपरेट पाइप होता है, सब कुछ होता है, इसीलिए सीएनजी का कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे जो एरियाज होते हैं जो ट्रांसफर हो रहा है सीएनजी उसमें पाइप से ही आना होता है। बट एनीवेज यहां पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑब्वियसली द फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर फोर, द सेम डीजल इंजन जो कभी उसमें नहीं यूज होता है सीएनजी बस में। अच्छा, ये वाला बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 140 का, 40 का, इसमें आपके C4 का क्वेश्चन है, C4 में ये लोग पूछ रहे हैं क्या टू इंक्रीज द, मतलब क्यों क्यों C4 मतलब इतना हाई, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल्स ऑफ C4, तो जो वास्कुलर बंडल होता है उसके बाहर में जो लार्ज C4 मिलता है उनका मेन काम होता है, याद रखना, केल्विन साइकिल को ऑपरेट करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब चीज जो होता है पेपकेस का फंक्शन है, जैसे कि हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट कर जाना, ये सब पेपकेस का फंक्शन है, पर यहाँ पर क्वेश्चन जो कि मेसोफिल टिश्यूज में होता है, मगर यहाँ पर सीधे सीधे जो चीज पूछा है दैट इज अ केल्विन साइकिल, जो कि अंदर में होता है वास्कुलर बंडल में होता है, तो उसमें आपको याद रखना होगा उसमें क्लोरोप्लास्टिड इंक्रीज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और केल्विन साइकिल करता है इसके थ्रू, दैट इज अ यू नो C4 प्लांट्स में ट्रांसपोजन। बहुत बच्चे बता रहे हैं सर ये वाला इंस्टीट्यूट में वो दिया, वो वाला इंस्टीट्यूट में ये दिया, मैं आप क्लियर कट बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है, आप उस जीन साइलेंसिंग वाला टॉपिक में जाओ, वहाँ पर ट्रांसपोजन क्लियरली लिखा है, ट्रांसपोजन कैन हेल्प इन जीन साइलेंसिंग, तो इसमें और दोहरा ही है क्या, ये ऑब्वियसली जीन साइलेंसिंग आंसर होगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोम AD, ये मैं क्लास में बार बार मेंशन करता हूँ, आपके एनसीईआरटी में ये जो एग्जाम्पल लिखा है वो आपके एक पिक्चर जो है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट उनके पिक्चर में लिखा है, ये एग्जाम्पल मैं बार बार मेंशन करता था, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, इसमें सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से आपको हिसाब करना है, क्या मेटासेंट्रिक मतलब मालूम है आपको पूरा सेंटर में होना चाहिए, एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा ही नीचे, सब मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर, टेलोसेंट्रिक मतलब एकदम एंड में, तो आप देखोगे तो आंसर आपको मैच कर जाएगा ऑप्शन 3 के साथ, ए हो जाएगा 3, ठीक है, जो सेंट्रोमियर मिडिल में आता है, बी जो होता है ठीक है वो 1 होता है, बी जो होता है ये 1 होता है, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड जो होता है, क्लोज टू द एंड एकदम एंड में नहीं, क्लोज टू द एंड आपके 1 हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक जो होता है, सब मेटासेंट्रिक ये आपको याद रखना है, सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर में नहीं है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है सब मेटासेंट्रिक, और टेलोसेंट्रिक जो है ठीक है, टेलोसेंट्रिक जो है एकदम एंड में आपके सेंट्रोमियर होता है टेलोसेंट्रिक में, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 144 में आपको देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लेसिथिन जो होता है आपके सेल मेम्ब्रेन में बिल्कुल होता है, मगर वो ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फॉस्फोलिपिड है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट गलत है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर सी बॉन्ड्स, देखिए मोर हो जाएगा तो सैचुरेटेड नहीं होता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है, इसी वजह से ये भी गलत है। जो आपके जिंजली ऑयल है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट जो बता रहे हैं, तो इसीलिए ऑयल होता है। देखिए आपको जिंजली ऑयल मालूम भी नहीं तो कोई बात नहीं, आपको ये कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, विंटर में जो ऑयल रहता है ये डेफिनेटली आपके
उनके स्टेट ऑयल है, ठीक है, और विंटर में आप देखते हो जो चीज आपके हार्ड हो जाता है वो तो लिपिड हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जिंजली ऑयल जो होगा ये आपके विंटर में ऑयल रहता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्ट करने में बहुत ही लो मेल्ट कर जाता है, हेंस रिमेंस एज ऑयल इन द विंटर. ओके, नेक्स्ट, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है. When fatty acid is esterified with the glycerol, that is called monoglycerol, ये भी सही है, तो correct answer हो जाएगा C, D and E. Addition more solutes in the given solution. आपको ये PDF मिल जाएगा बेटा, don't worry, ये जो पूरा PDF है आपको मिल जाएगा, you can, you will be able to see that PDF. So addition of more solutes in the given solution will, आपको एक reaction मालूम है, psi W is equal to psi P plus psi S. याद रखना, जितने हम solute डालते हैं उतना psi S जो होता है वो आपके नेगेटिव होता है, और टोटल रिएक्शन भी कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा, तो साई डब्ल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा. 146, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इनके साथ आपका ऑप्शन 4 मैच करता है, जो स्पायरोगायरा है. आपको मालूम है स्पायरोगायरा क्या चीज होता है, स्पायरोगायरा एक डोमिनेंट हैप्लॉयड यू नो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स इनके प्रेजेंट है, क्योंकि जितने लोअर क्लास होता है ना प्लांट में गैमेटोफाइट प्रोमिनेंट होता है, जितना थोड़ा सा ऊपर पे जा रहे तो इतना आपके जो क्या बताऊं उसको, यू नो जितना हायर क्लास में जाता है उतना आपके जो स्पोरोफाइट होता है वो इंप्रूव करता है जितना हायर क्लास में जाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना. आपके ए इसमें आपका ऑप्शन 4 होगा, स्पायरोगायरा आपके ए जो होगा 2 के साथ मैच कर रहा है, डोमिनेंट हैप्लॉयड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है स्पायरोगायरा. ऑप्शन जो आपके बी है, ठीक है, अब फर्न के साथ आपको मैच होगा, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग with a reduced gametophyte. Yes, obviously. Fern के साथ ये word हमेशा याद रखना, prothallus word fern के लिए reserve है. Word जब भी आप use करोगे prothallus तो fern के लिए ही use करना. आपके funaria जो है, funaria याद रखना, ये हम लोग bryophytes के case में use करते हैं funaria. तो bryophytes में क्या होता है, partially dependent multicellular sporophytes हो जाता है, आपको मालूम है, क्योंकि इसमें आपके dependent sporophyte, आपको मालूम है जो gametophyte होता है उनमें chlorophyll रहता है, तो वो खुद के खाना बना सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है, मगर जो नीचे में होता है स्पोरोफाइट वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है इस केस में, याद रखना, क्योंकि खुद खाना बना नहीं सकते. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 146 का 4 हो जाएगा फाइनल आंसर. 147 में हो जाएगा, बता रहे किसी एक का अच्छा होगा किसी एक का नुकसान, तो प्रिडेशन हो जाएगा ऑब्वियसली. ये तो मैंने आपको 148 में बताया था आपको व्हाट इज पैलिंड्रोम, तो मैंने बताया था पैलिंड्रोम जो होता है ये आपके गैथ टीसी, ये सीक्वेंस याद रख लो अभी फिलहाल, तो गैथ टीसी 5 to 3 prime, 3 prime to 5 prime, दैट इज अ CTTAAG, ठीक है. 149 में जो होगा, द जेनेटिसिस्ट यूज्ड ब्लाइंड अप्रोच टू सीक्वेंशियली सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद उनके हम लोग क्या करेंगे, दैट इज द असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट फंक्शन टू द पर्टिकुलर सेगमेंट्स देखेंगे, सो ऑब्वियसली इट इज सीक्वेंस एनोटेशन इज द आंसर. 150, ठीक है, बाकी 50 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे. एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड शो मोर, ठीक है, इसको देखते हैं, जो स्प्रिंग वुड का एनाटॉमी है, ओके, देखिए दो टाइप के वुड होता है, एक स्प्रिंग होता है एक ऑटम होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग वुड के केस में क्या होता है, कैम्बियम एक्टिविटी हाई होता है, तो आपके पूरे जो टिश्यू प्लांट टिश्यू इसका ग्रोथ अच्छा होता है. इट इज कॉल्ड आर्ली वुड स्प्रिंग में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द स्प्रिंग वुड सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स एंड नैरो वेसल्स, तो स्प्रिंग वुड जो तैयार करता है वो नैरो वेसल बिल्कुल नहीं करेगा, वो रादर बड़ा वेसल करेगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है. अच्छा, ऑप्शन सी इट इज लाइटर इन कलर, बिल्कुल सही है, जो लाइट कुछ ही दिन के लिए आया वो लाइट ही होगा. द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद द ऑटम वुड शोज ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल, बिल्कुल सही, एक स्प्रिंग वुड एक ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड ऑटम वुड. तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी के अलावा, ठीक है, बी के अलावा ऑप्शन ए, रुक जाओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी में इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस ज़ाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, जो कि गलत है, मैं ऑलरेडी बताया ये वाइड वेसल्स के लिए होता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है. नेक्स्ट वन 151 में क्या बता रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू Following the spermatogenesis but do not hold true for oogenesis. तो इसमें आपको याद रखना होगा, ये true है, differentiation of the gamete occurs after the completion of the necromiosis.
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो गैमेट का होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस, पूरा मियोसिस जब कंप्लीट होता है तभी आपके डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डिफरेंशिएशन मतलब पूरे मियोसिस खत्म होगा तभी आपके जो नेक्स्ट जो टेल एडिशन होगा स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ में, वो चीज पॉसिबल है. ओके, द नेक्स्ट वन इज लाइक बी, जो आपको देखना है मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल प्रोपोगेशन. हाँ, ये हो सकता है क्योंकि देखिए कोई आपके जेनेटिकल जो आपके ये ऑर्गन है यू नो दैट सबके जो आपको याद भी रखना है दैट इज जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर ये क्या चल रहा है, पूरे बॉडी आपके डिप्लॉयड है, और टेस्टिस के अंदर जिस सेल में ये काम होगा वो तो हैप्लॉयड है ना. ओके, तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा बी डी. ई में क्या है, इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी. कौन सा वाला चीज, पूजनेसिस. हाँ बिल्कुल, पूजनेसिस आपके प्यूबर्टी में, ये आपको प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ था पूजनेसिस, ये आपको याद रखना है. ओके, 152 में क्या है, आपके फिर से वही आपके जो आपके स्टेटमेंट चीज एंड जो आपके यू नो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू. स्टेटमेंट वन क्या है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो ये तो बिल्कुल ही फैटी एसिड एंड जो आपके ग्लिसरॉल है बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब क्या बताए कैन नॉट बी. हाँ, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड डायरेक्ट कभी भी ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब नहीं होता है. एंड ऑप्शन टू, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज जो लैक्टियल होता है वो भी आपके कुछ हद तक यही चीज है, यानी कि दैट इज यू नो जो कुछ हद तक इनके भी जो तरीके है या फिर काम करने के जो तरीके है वो भी सेम टू सेम ही है. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, क्योंकि लैक्टियल में भी बहुत फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अब्सॉर्ब होता है. सो फाइनल आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ब्रीडिंग क्रॉप्स जो होता है आपको याद रखना है, उसमें विटामिन डालने का नाम बायो फोर्टिफिकेशन होता है, ये बहुत बार मैं मेंशन किया था. अच्छा, इकोलाई में याद रखना जो यहाँ पर पूछा है, इफ द ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी आपके ग्रोथ, व्हाट विल बी द आउटकम. ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज डालेंगे तो क्या आउटकम होगा, याद रखना ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड. ठीक है, क्योंकि लैक्टोज डालने से क्या होता है ना, लैक्टोज डालने से याद रखना चाहे आप कितना ग्लूकोज डालो लैक्टोज डालने से स्टॉप कर जाता है. मैंने क्लास में ये चीज बार बार मेंशन किया था, चाहे जितना ग्लूकोज आप डाल लो लैक्टोज डालने से प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. तो बाकी जो आपके प्रोसेस या फिर बाकी जो पार्ट ऑफ द लैक ऑपरेटर है वो कंटिन्यू नहीं होगा. 156 बताओ. ओके, 156 में देखिए व्हाट इज द एडजेसेंट बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है कार्टिलेज, सबको मालूम है दोनों वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज होता है सबको मालूम है, और वो किस प्रकार का कार्टिलेज वो भी सबको मालूम है. दैट इज अभी ऑप्शन 156, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज. ओके, और यस ट्रू स्टेटमेंट है. एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स, ये गलत है. रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी 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 का अटैक करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत है. दैट्स व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट वन, एट विच एज ओजेनेसिस स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्यूबर्टी से ओजेनेसिस स्टार्ट होता है. ठीक है, ओजेनेसिस जो होता है ये प्यूबर्टी से, ओजेनेसिस जो होता है ये आपके मम्मी के कोख में आप जब थे कोई भी लड़की, उस टाइम से ही स्टार्ट होता है ओजेनेसिस. ठीक है, 25th वीक में. तो आंसर हो जाएगा इसका डी. ठीक है, सो आई थिंक यू आर एंजॉयिंग द सेशन. एंड और भी आपके जो चीज है 158 से अभी बाकी है, तो विल कंटिन्यू. और ज्यादा टाइम मुझे जरूरत नहीं है, मुझे और 10 मिनट हो जाएगा तो आपको पूरा आंसर की मैं बता दूंगा. देखो, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होता है विद रेफरेंस टू द माइटोसिस, याद रखना इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर. तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोसोम, ये आंसर होगा. स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द सेंट्रोसोम, ये माइटोसिस के केस में बता रहे हैं, बट ये काइनेटोकोर में अटैच होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. ओके, ये इनकरेक्ट है. इनसीटू कंजर्वेशन जो होगा इसमें क्या आता है, इनसीटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्ट द कंजर्वेटिव द होल इकोसिस्टम, वही होता है जहां पर है वहां पर ही उसमें एक बैरियर डाल दो, बैरियर डाल के उसको प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि बाकी जो सारे चीज है दैट इज द आपके एंडेंजर्ड ये सब स्पीसीज को प्रिवेंट कर मतलब प्रोटेक्ट करना, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. अच्छा, ये बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड में याद रखना आपके जो खाना होता है ग्लूकोज डेक्सट्रीन अप टू माल्टोज तक होगा, मगर उसके बाद नहीं होगा. तो ऑब्वियसली डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड आपके
मुंह में नहीं हो सकता है. 161 the given below again the two statements जो आपको देखना है, ये आपके जो दो statements है, osteoporosis characterized by the decreased bone mineral mass, increased chances of fracture. तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा, क्या जो ऑस्टियो आपके पोरोसिस है जिसमें बोन डेंसिटी जो होता है, ठीक है, बोन डेंसिटी जो होता है, बोन मास जो होता है, ठीक है, और फ्रैक्चर के चांसेस ये सब ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये ट्रू है. एंड कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. इंक्रीज लेवल में कभी नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन, तब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है जो कि बोन को डिस्ट्रॉय करता है, और जिसकी वजह से आपके एस्ट्रोजन कम होने से कभी भी ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा. So the correct statement is A correct, but B is not correct. 162 में क्या देखो, 162 जो आपको दो स्टेटमेंट है, क्वागुलम इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, तो आपको मतलब थ्रोम्बिन से आपके क्वागुलम बनता है. एंड नंबर टू है, स्प्लीन इज द ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी, वो भी ट्रू है, ठीक है. तो अच्छा, फर्स्ट वन क्या, क्वागुलम इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नहीं, ये फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन का नेटवर्क है, थ्रोम्बिन का नहीं, ठीक है, ये कहा गया थ्रोम्बिन, हाँ ये फाइब्रिन होगा, फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन का नेटवर्क होता है तो आपके क्वागुलम हो जाता है. तो ऑप्शन ए जो होगा, मतलब ये स्टेटमेंट वन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे क्लास के क्वेश्चन है, बहुत बार मैं बताया था आपको. माइकोप्लाज्मा आपको देखना है, बहुत ही फेवरेट बैक्टीरिया है टीचर लोग का, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है. मैंने क्लास में बहुत बार ये चीज मेंशन किया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियर कट मेंशन किया इस चीज को. तो माइकोप्लाज्मा आपके कोई इसमें, और इसका साइज बहुत छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, हम लोग ये मानते हैं दुनिया सबसे छोटा बैक्टीरिया. तो माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन वन माइक्रोन फिल्टर साइज, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है. और इन्होंने बताया कि माइक्रोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, ये गलत हो जाएगा. तो एक ट्रू एक फॉल्स, ऑब्वियसली 163 जो होगा वो वन हो जाएगा, ठीक है. 164 में देखिए, टेग्विना ऑफ कॉकरोच, टेग्विना मतलब आपके दो प्रकार का, आपको मालूम है कॉकरोच का जो बॉडी होता है, ठीक है, उनमें आपके प्रोथोरक्स, मेसोथोरक्स एंड मेटाफोरक्स तीनों होता है. तो इनमें आपको मालूम है कि यहाँ से आपके ये सब चीज तैयार होता है, ठीक है, दैट इज यू नो दिस वन एंड दिस वन, यानी कि विंग्स तैयार होता है. तो इसी उस विंग्स में आपको याद रखना, एक है टेग्विना, ठीक है, एक है टेग्विना जो कि कवर करता है, याद रखना टेग्विना सबसे मोटा वाला जो है, जो एलिट्रा टेग्विना, वो दूसरे को कवर करते हैं जो कि हाइंड विंग्स है, उसका ही नाम है, यू नो कैन टेल मी उसका नाम क्या है, दिस कॉल्ड मेसोथोरक्स में होता है. तो मेसोथोरक्स से वो चीज तैयार होता है, मेटा नहीं, ठीक है. मेटाथोरक्स में आपके वो जो लास्ट वाला जो छोटा टाइप का विंग है उसका डेवलप होता है, जो बड़ा वाला विंग है उसका मेसोथोरक्स ही डेवलप होता है. ओके, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ये आपके दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, वन इज लेवल एजम्पशन, अदर इज रीजन. मैं जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से बेटा, क्योंकि ताकि आपको एक ज्यादा टाइम तक वेट करना ना हो, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करोगे और फिर मुझे आंसर मतलब आपका स्कोर बताओगे. सो यू टेल मी एजम्पशन, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है. जो आपके नेक्स्ट है, दैट इज द रीजन, रीजन में क्या है यहाँ पर, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रा, ठीक है. तो इसके पीछे हम फिर से वो सेम टेक्निक, रीजन टू एजम्पशन जाएंगे तो बिकॉज मार के जाएंगे, यानी कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रल वर्टिब्रेट्स बिकॉज द वर्टिब्रल आर ऑन कॉर्डेट एकॉर्ड, बिकॉज द वर्टिब्रल्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है. तो देखिए स्टेटमेंट वाइज तो दोनों ही सही है, मगर ये मैच नहीं कर रहा है, जो लॉजिक इन्होंने बता रही है लॉजिक मैच नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इज द करेक्ट. एक बार अच्छा मुझे और एक बार रिवाइज करने दीजिए क्वेश्चन को. वर्टिब्रेट्स आर, हाँ ये सही होगा, क्योंकि बिकॉज मैच कर रहे हैं यहाँ पर, नोटोकॉर्ड इज रिपोर्टेड बाई द वर्टिब्रल कॉलम इन द वर्टिब्रेट्स बिकॉज ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, हाँ ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. तो दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन थ्री होगा फाइनल आंसर की. ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है वो पिलेट के फॉर्म में कहाँ से आता है, पैवो से आता है, पैवो क्रिस्टल जो के बर्ड है उसमें आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो पिलेट के फॉर्म पे आता है, ठीक है. ये हाइड्रेशन लिंक रिएक्शन, ये हाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस माल्टोज. माल्टोज जो होता है
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द माल्टोज? हाँ, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा तो होगा ये चीज ऑब्वियसली, दो मॉलिक्यूल C6H12O6 ये होता है, कंडेंसेशन कराएगा तो बीच में एक पानी का वाटर मिले, मतलब निकल जाएगा, तो इसको दो दिए गुना करके वाटर माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट. ओके, रिगार्डिंग म्योसिस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से वाला स्टेटमेंट म्योसिस के हिसाब से रॉन्ग है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन occurs in the meiosis 2. ठीक है, सेकेंड रेप्लीकेशन occurs in S phase of replication, को भी S phase में होता है, नहीं है replication, देखिए देखिए what they are saying, replication occurs in the S phase of meiosis 2. करेक्ट पूछा है गलत पूछा है? रुकिए, देर आर टू स्टेजेस, meiosis 1 meiosis 2, करेक्ट. अच्छा, ये चीज आपको याद रखना होगा, meiosis 2 में, मैंने क्लास में बहुत बार मेंशन किया था, इंटरकाइनेसिस नाम की एक चीज होता है, इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस क्या होता है? व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? आपको याद रखना होगा, इंटरकाइनेसिस जो होता है, इंटरकाइनेसिस दोनों मियोसिस के बीच में, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक चीज होती है इंटरकाइनेसिस, जहां पर आपके रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए नहीं होता है. अदरवाइज वो जो सारे चीज आप कर रहे हो ना, हाफ कर रहे हो डीएनए को, वो चीज मेंटेन नहीं होगा, फिर से डबल कर देगा, तो दैट्स वाई मियोसिस 2 में हम लोग वो जो डुप्लीकेशन होता है वो नहीं करते हैं, ठीक है, इंटर, उसको इसी का नाम होता है इंटरकाइनेसिस. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सबको मालूम है, मैं क्लास में भी बहुत बार मेंशन किया हूँ ये चीज, 100 ml ब्लड जब जाते हैं टिश्यू के बैगल से तो 5 ml का ट्रांसफर करा देते हैं, समझ में आपको, 5 ml का ट्रांसफर करा देगा. अच्छा, दिस वन टेल मी, दिस इज टेल मी, इट इज अ, फिर से दो स्टेटमेंट, एक है रिलीज ऑफ स्पर्म इन टू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल कॉल्ड स्पर्मिएशन. अच्छा ओके, ये तो सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन टू देखते हैं, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपके यहाँ पर हम देख सकते हैं. अच्छा, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, तो यहाँ पर बता रहे इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म करने में स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है, स्पर्मियोजेनेसिस इज ओनली द लास्ट स्टेप, जहां पर आपको क्लियर कट एक आइडिया है क्या स्पर्मेटिड से मुझे स्पर्मेटोजोआ चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है आपके दिस वन आपको बताना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, आपको मतलब ये चीज पूरा रेडी करना होगा, किंगडम फाइलम, ठीक है, ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर इन द हायरार्कियल डायरेक्शन इनकेस ऑफ एनिमल हायरार्की में सबसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग क्यों कदर कर रहे हैं, असेंडिंग करना होगा, सबसे ऊपर में किंगडम होना चाहिए. मगर यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन ऐसे ही है, क्या आपको उसी दिख से करना होगा डिसेंडिंग एक्चुअली. अच्छा, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. सबको मालूम है ट्राइकोडर्मा जो पॉलिस्पोरम है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, उससे हम लोग एक चीज तैयार किए हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस नेम जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, साइक्लोस्पोरिन है, और ट्राइकोस्पोरिन पॉलिस्पोरम ऐसे साइक्लोस्पोरिन ए बना के हम लोग को हेल्प करते हैं ओटी प्रोसेस में. लिपिड लूप में कोई मेडिसिन नहीं होता, मैं पिछले क्लास में बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा. देखिए ये वाला जो एमसीक्यू है 1.1 2.2 हैप्लॉइड सेल होगा तो 1.1, डिप्लॉइड सेल होगा तो 2.2 होगा, ये मैंने क्लास में बहुत बार मेंशन किया, और हैप्लॉइड सेल में बेस्ट पेयर तो ऑब्वियसली 3.3 इंटू 10^9, बहुत बच्चे ने आंसर किया 6.6, बिल्कुल देखिए 6.6 क्यों होगा, क्योंकि 6.6 में होने के लिए ये 1.1 2.2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये 6.6 नहीं होता, हो सकता है ये डेट्रीवोर्स, एक जो कोई चीज के ऊपर एक्ट करते हैं डेट्रीवोर्स, तो इसको सबसे पहले छोटे छोटे, मतलब क्या होगा ये आपके फ्रेगमेंटेशन, इसका नाम क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. ओके, याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ह्यूमिफिकेशन भी आंसर करते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेगमेंटेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? देखिए कार्टिलेज ऑब्वियसली, ब्लड, एडिपोस सब कनेक्टिव है, न्यूरोग्लिया तो न्यूरॉन है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू है, तो कनेक्टिव नहीं होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द डिजीज? तो देखिए मायास्थेनिया ग्रेविस जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है, और ये वॉकिंग पैरालिसिस स्केलेटल मसल का होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, ठीक है, वो आपके डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है मसल का एंड जेनेटिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है. आर्थराइटिस आपको जो होता है इन्फ्लेम जॉइंट, तो ये एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मायास्थेनिया ग्रेविस के केस में जेनेटिक डिसऑर्डर से ज्यादा ये ऑटो इम्यून होता है, ठीक है,
और आपके जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है ये आपके मैक्सिमम केस में जेनेटिक होता है, ठीक है, ये कॉमन पहले सोचना चाहिए हम लोग को। और टीटेनी में हाई कैल्शियम ब्लड में नहीं होता है, लो कैल्शियम ब्लड में होगा, तो करेक्ट यही हो जाएगा, दैट इज आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट। 178 आपको जो आंसर करना है, दैट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज करेक्ट। तो ये इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर इज प्रेजेंट, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर इज प्रेजेंट। देखिए आरईआर ऐसे तो कुछ नाम नहीं दे सकते प्रोकैरियोट के लिए भी, तो मतलब नहीं दे सकते प्रोकैरियोट में, कैसे हम आरईआर बता सकते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ACR जो होगा दैट्स में लिपिड सिंथेसिस होगा, बिल्कुल ACR में आपके लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस ये सब चीज होता है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये सब होता है। RER जो होता है, हैज राइबोसोम अटैच टू द ईयर, सही स्टेटमेंट है। जब राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तब होता है जब ये राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर सिट करता है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वन इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोकैरियोट में RER हो ही नहीं सकता है। इन द जीन थेरेपी जिसमें हम ADA डाले थे, तो ADA आपको मालूम है लिम्फोसाइट के बारे में ये सब करने के लिए हम लोग डाले थे, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हम लोग लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, ठीक है, तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन करके हम लोग इसी फंडा पे यूज किए थे, दैट इज एक्चुअली यू नो मतलब एक्चुअली जीन थेरेपी है, इसका नाम देता हूँ जीन थेरेपी, ठीक है। So lymphocytes from the patient's blood are grown in the culture outside the body. नहीं नहीं नहीं, blood are grown in the culture outside the body, ये सही statement नहीं है, rather आपको जो करना है यहाँ पर बाकी statement देखते हैं, ठीक है, बाकी statement देखते हैं। Because पूछा है, because पूछा है क्या periodic infusion of genetically engineered lymphocyte क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एक चीज बताना होगा, पीरियडिकल इसलिए करना होगा क्योंकि इमोर्टल तो नहीं है ना ये, हमेशा ये जिंदा नहीं रहेगा, कब तो ये किस टाइम जो होगा जो जब ये मर जाएगा, तो इमोर्टल नहीं कर सकते हम लोग इसको, इसीलिए मतलब ये इमोर्टल तो नहीं है, तो दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट क्या बताओ ऑप्शन जो मैच करता है क्वेश्चन के फ्लो के साथ, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपकी ये वाला। वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 180, तो 180 में आप देखिए, अच्छा ये वाला किया हूँ मैंने, ये वाला दिस वन दिस टू ये तो किया हो, अच्छा ये वाला मेंशन नहीं किया, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनो सप्रेशन के लिए, इन्होंने कर दिया आपको, अच्छा ये हो गया था ना, हाँ लिपेज लुप भी मैं कर दिया था आपको। ओके नेक्स्ट वन इज दिस वन, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, तो उसमें आप देख सकते हो इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन, तो मीन कैरेक्टर नहीं होगा, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मतलब चीजें जा रहे हैं, तो देयर इज अ डायरेक्शनल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि आपको मालूम है ना वो जो बिस्टन बेटलुरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ था ना, मौत मौत के विंग ब्लैक हो गया था, तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज की तरफ सारे शिफ्टिंग हो रहा था, व्हाइट टू ब्लैक में शिफ्टिंग हो रहा था, तो डायरेक्शनल होता है। 181 में आपको याद रखना होगा स्टेटमेंट नंबर वन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कट द डीएनए एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोम साइट, हाँ ये भी आपको मालूम है, जहां पर पैलिंड्रोम उसके ही थोड़ा सा बगल में रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कट करता है, जो कि सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट सही है, दोनों के दो स्टेटमेंट सही है। 181 हो गया। 182 is very simple question. Drosophila में 8 आपके क्रोमोजोम है, ठीक है, आपके सॉरी एक क्वेश्चन है, इफ 8 ड्रोसोफिला लैब में अभी सॉरी वो 4 है एक्चुअली इसमें ड्रोसोफिला में 2n = 4, तो देखिए ड्रोसोफिला में 8 ड्रोसोफिला इन लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, 8 ड्रोसोफिला इन लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग दिस वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ऑफ ये 8/80, ऑब्वियसली 8/80 इज द आंसर, ठीक है, 8 का डेथ हुआ है 80 के मतलब बीच में, तो 80 डेथ जो हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट, सो इफ 8 ड्रोसोफिला इन द लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80, कोई एक लैबोरेटरी में 80 था उसमें 8 का डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली 8/80 होगा, दैट इज इन द डेथ रेट, दैट इज द 0.1, 8/80 दैट इज 0.1। ओके ये क्या होगा, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक में क्रॉप एंड गिजर्ड होगा, तो बर्ड्स में ये चीज होता है, ठीक है, तो बर्ड्स में होता है कैटल, ये आपके क्या है, दैट इज कातला तो नहीं होगा, कातला में कभी क्रॉप नहीं होता है, ठीक है, अच्छा और ये जो बाकी सब चीज है इसमें सारे में नहीं है, तो याद रखना पैवो यानी कि जो बर्ड्स है, ठीक है, सिटाक्यूला वो भी एक बर्ड है उसमें भी हो सकता है, एंड कॉर्वस, ये तीनों बर्ड्स में आपके क्रॉप एंड गिजर्ड
बिल्कुल हो सकता है, ये ही करेक्ट आंसर है। 184 में आपको देखना है एक्चुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो बाकी ये जेम्यूल, बर्ड, ये जूस पोर, ये सब सेक्सुअल है। पेनिस और सबसे बड़े बात है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कॉनिडिया आता है, सबको मालूम है कॉनिडिया एसेक्सुअल होता है, याद रखना, ठीक है। ये जूस पोर भी आपके एसेक्सुअल ही होता है, मगर आपको पेनिसिलियम के साथ कनेक्ट कराना होगा, तो पेनिसिलियम आपके कॉनिडिया आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। तो सब कुछ ये करता है, जैसे कि टेम्परेचर, कॉन्डक्टिंग पार्ट, कॉन्डक्टिंग पार्ट एक ऐसे पार्ट है जहां पर सिर्फ गैस का कैरी होता है, वहां पर एक्सचेंज बगल वाला वेसल के साथ कुछ नहीं होता है। तो टेम्परेचर इनहेल्ड इज ब्रॉट टू द बॉडी, ब्रॉट टू द बॉडी बाई टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्डक्टिंग जोन में क्या होता है बेटा, वो आपको याद रखना, बगल में म्यूकोसल कोटिंग होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे एयर का ना ह्यूमिडिफिकेशन होता है। आप देखते हो ना जब हम वो हॉस्पिटल्स में एयर ऑक्सीजन देते हैं तो थोड़ा सा पानी ही जाता है उसके साथ, यू कैन सी। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कूलिंग कराना, तो ये हो रहा है अभी यहाँ पर। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। प्रोवाइड द सर्फेस ऑफ सर्फेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू, तो बता रहे रेस्पिरेटरी कॉन्डक्टिंग जोन में कोई एक्सचेंज तो होता ही नहीं है, तो कैसे लिख सकते, यही सबसे गलत है क्योंकि कॉन्डक्टिंग जोन है। ओके, एंड यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मतलब इनकरेक्ट पूछा है। इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जो इनहेल्ड एयर है उससे फॉरेन पार्टिकल को मतलब फॉरेन पार्टिकल को मतलब इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, कुछ हद तक ये काम करते हैं, उसमें सिलिया विलिया होता है ना, तो सिलिया को हटा देता है, सिलिया जो फॉरेन पार्टिकल होगा उससे वो सिलिया वो फॉरेन पार्टिकल को सिलिया के साथ हटा देगा, तो ये भी याद रखना है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, ये कॉन्डक्टिंग सारे कॉन्डक्टिंग जोन का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये याद रखना होगा क्योंकि टू नहीं होगा, टू आपके रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन। लास्ट 15 क्वेश्चन वो आज डिस्कशन करेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है लास्ट 15 का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इन्होंने डाला है एक एवोल्यूशन का क्वेश्चन, होमोलॉजी इंडिकेट्स अ कॉमन एंसेस्ट्री, ये बिल्कुल सही है, कोई एक चीज दोनों को एक पर्टिकुलर सारे दो एनिमल है दोनों का ही सेम ऑर्गन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस, और उल्टा चीज यानी कि दोनों डिफरेंट ऑर्गन है उनका सेम पर्पस मॉडिफिकेशन, पर्पस सेम हो जाएगा उस हिसाब से मॉडिफिकेशन होगा पर्पस सेम करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। तो यू कैन सी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन जो होता है, पेंगुइन एक बर्ड होता है, तो कैसे बर्ड्स और डॉल्फिन जो कि आपका मैमल है दोनों का चीजें कैसे सेम होता है, हो सकता है, तो दोनों का ऑरिजिन सेम बिल्कुल नहीं होता है। डॉल्फिन का डॉल्फिन के जो विंग्स होते हैं, ठीक है, आई मीन डॉल्फिन के जो फ्लिपर और इसके जो फ्लिपर है दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि एक बर्ड है दूसरे आपके यू नो मैमल है, ठीक है, एनालोगस होगा ये, होमोलोगस नहीं होगा। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होगा, कन्वर्जेंट, बिल्कुल मैंने बताया जैसे आपके एनालोगस मतलब सारे डिफरेंट ऑरिजिन मतलब काम एक पर्टिकुलर, तो एनालोगस ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही है क्योंकि स्वीट पोटैटो एक आपके रूट है, ठीक है, एंड जहां तक आपके पोटैटो स्टेम है, मगर दोनों का फंक्शन है क्या, दैट इज अ स्टोरेज, स्टोर करता है, स्टोरिंग में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, दैट्स व्हाई पर्पस सेम हो गया, तो ये आपके एनालॉजी सारे सही है। गलत आपको चुनना था, तो आपके 186 का बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 187 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्या बता रहे हैं, ज्यादा होने से बोन रिजॉर्प्शन होता है, बोन रिजॉर्प्शन मतलब आपको जानना जरूरी है, आई थिंक यू नो कि ये जो आपके बोन्स है, तो इसी बोन से आपको कैल्शियम को हटा के लेके जाना है ब्लड में, तो बोन से ब्लड में जो कैल्शियम लेके जाता है उसी का नाम है पैराथायरॉयड, बोन वीक हो जाता है जिसकी वजह से, तो यू नो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है और ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, नहीं इंक्रीज हो रहा है, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब, हाँ ये भी सही है क्योंकि ब्लड में इन लोग का पर्पस है ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना, तो ऑब्वियसली रीअब्सॉर्प्शन करेगा, बिल्कुल रीअब्सॉर्प्शन करेगा और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। डिक्रीजेस बाय रेनल ट्यूब, नॉट द इफेक्ट, नॉट द इफेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट द इफेक्ट, हाँ ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है। डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ब्लड पैराथायराइड का हमेशा पर्पस होता है क्या, ब्लड लेवल में कैल्शियम इंक्रीज कराना, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, दो फॉल्स तो मिल जाती है। अब हम लोग को क्या मार्क करना है, सिर्फ फॉल्स मार्क करना है ना, इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ पैराथायराइड का कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट्स इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. सो आई वुड से दैट द बेस्ट आंसर इज द बी एंड डी एंड ई. हां वही है, और वही आपको आंसर करना है, हम लोग वही आंसर मतलब ये आंसर करेक्ट है. देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनैप्स. ठीक है, दोनों चीज अलग होता है. साइनैप्सिस जो कि सेल डिवीजन मियोसिस में होता है, साइनैप्स जो होता है ये न्यूरॉन्स के केस में दोनों न्यूरॉन के बीच में होता है. केमिकल साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बिल्कुल सही है, चाहे एड्रेनालिन हो न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे आपके एसिटाइल कोलिन हो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ओके नेक्स्ट है, ये ट्रू है. इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत ही आपको मैंने बहुत बार मेंशन भी किया था. ठीक है, आपको ये चीज मेंशन किया था. इलेक्ट्रिकल जो साइनैप्स होता है उनमें क्या होता है ना, कुछ केमिकल नहीं रहता, दोनों सेल बहुत ही बगल बगल में होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ये ट्रू हो जाएगा. द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में प्री एंड पोस्ट बहुत क्लोज रहता है. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. अच्छा ऑप्शन बी ये गलत है, मैं कैसे लिख दिया, ये तो गलत है. ठीक है, ये गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स फास्टर होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर एंड अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. हाँ वो तो बिल्कुल हो सकता है. तो फॉल्स ढूंढना था, ऑप्शन टू हो गया आपके फॉल्स 188 का. लास्ट 10 क्वेश्चन है आपके. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर आपके मैचिंग करना है डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का सवाल है, तो ऑब्वियसली डायफ्राम जो होता है ये ब्लॉक करते हैं. ठीक है, वो आपके सर्विक्स के ऊपर हो जाता है, तो उसके वो ब्लॉकिंग करता है सर्विक्स में, मतलब तो सर्विक्स में है और स्पर्म के जाने में ब्लॉक करता है. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ये आपको याद रखना होगा, ये आपके मेनली फंक्शन क्या करते हैं, ओव्यूलेशन जो होता है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कराता है, तो बिल्कुल सही है, यही है. इंट्रायूटराइन जो डिवाइस है, ठीक है, इंट्रायूटराइन डिवाइस आपको याद रखना होगा, ये मैंने बताया था लाइव क्लास में बहुत सारे वे में काम करता है. तो इंट्रायूटराइन डिवाइस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, इंट्रायूटराइन डिवाइस में यूट्रस के अंदर फेगोसाइटोसिस करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब एक इंट्रायूटराइन डिवाइस डाल देते हो तो वो पूरे यूट्रस का जो एनवायरमेंट है उसको होस्टाइल बना देते हैं, उनको इम्यून बना देते हैं, और क्या होता है हमेशा वहां पर स्पर्म आता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये कॉमन मैकेनिज्म है, तो सही है. लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, यानी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है, आपके याद रखना होगा, व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, दैट इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब आपके बच्चे होता है तो बच्चे होने के बाद क्या होता है, वो मिल्किंग के टाइम के, यानी कि जब लैक्टेशन हो रहा है उस टाइम में आपके मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल उस टाइम पे हाई होता है, तो बाकी सब जो FSH LH होता है लो हो जाता है उस टाइम पे. ओके देखिए नेक्स्ट जो सवाल है दैट इज ऑल अबाउट यू नो दिस वन, द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अच्छा ये PDF मिल जाएगा, बहुत बच्चे पूछ रहा था सर मुझे PDF चाहिए. बेटा PDF मिल जाएगा, मैंने बार बार मेंशन कर रहा हूँ, तो PDF आपको मिल जाएगा. ये PDF आपके हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा. ये PDF आप सबसे पहले तो हम लोग डालेंगे हमारे जितने टेलीग्राम चैनल है उसमें डालेंगे, तो टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिलेगा, हमारे वेबसाइट में भी मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके नेक्स्ट देखिए 190 जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये इनकरेक्ट बताना होगा. देखिए एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स एक दैट इज द फर्स्ट एनकाउंटर, ये गलत है. एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है कोई भी चीज जब आपके बॉडी में दूसरे बार घुस रहा है तो आपके बॉडी उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा छोड़ देता है, जैसे कि आपके मम्मी पापा भी करते हैं ना. मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आपको तो समझाते हैं, अब नहीं समझते हो तो दूसरे बार सेम काम करते हो तो वो एनेमनेस्टिक हो जाता है, तो वही सेम टू सेम थिंग है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये बिल्कुल बिल्कुल गलत. यहाँ पर क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है ना. मेमोरी ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. अच्छा यहाँ पर क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है तो एनेमनेस्टिक. अच्छा जस्ट वेट कर जाओ, लास्ट तक देखना. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ट्रू है. ठीक है, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है मेरे ख्याल से ये फर्स्ट एनकाउंटर करना नहीं चाहिए. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी गलत है. अच्छा देखिए इस केस में देखिए, मतलब 190 में जो भी आंसर करोगे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 190 क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एंड. नो, ये क्वेश्चन रीड करने में गलत कर रहा था. ये ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स क्या बता रहे हैं, जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था उसमें जो मेमोरी है उसको यूज कर रहे हैं, वो तो सच है, वही यूज कर रहे हैं सेकंड टाइम में.
तो ये नहीं बता रहे कि एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स है या सेकंड वाला, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स सेकंड वाला रिस्पॉन्स है, ये सच है, मगर ये बता रहे कि ये सेकंड वाला किसके रिस्पॉन्स को यूज कर रहे, मतलब किसको मेमोरी को यूज कर रहे, वो मेमोरी जो यूज कर रहे हो फर्स्ट में जो एनकाउंटर हुआ था, मैं फर्स्ट में विजिट किया था, जो मेरा याददाश्त है उसी चीज के, उसी चीज को यूज करके सेकंड टाइम जो काम कर रहा हूं उसका नाम है एनामनेस्टिक। तो सेंटेंस का फ्रेमिंग वाइज तो ऑप्शन वन ठीक है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। 191 ह्यूमन इंसुलिन जो होता है इसके, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत किया है, करना भी नेचुरल है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ा नहीं, आप लोग को ये क्वेश्चन का सिर्फ रीड करना जरूरी है। देखिए आप एक क्वेश्चन का अच्छे से रीड करोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड इंसुलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अच्छे से देखिए, आपको इंसुलिन के बारे में पूछा नहीं है, यहाँ पर दो तीन ऑप्शन है जहां पर आपके वो पीक इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोसेस करना जरूरी है, ये सब पूछा है, वो जरूरी नहीं है। ये लोग पूछे हैं कि जितने आपके ह्यूमन इंसुलिन जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोड्यूस इंसुलिन है उसके बारे में रिलेटेड ऑप्शन को टिक करिए, तो बाकी सबको टिक करके कोई मतलब नहीं है। तो आप देखोगे तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर है, सेपरेटली अल्फा बीटा चेन प्रोड्यूस होते, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सेपरेट हम लोग का कोड मालूम है तो क्यों अलग से प्रिपेयर करेंगे, सेपरेट प्रोड्यूस करते फिर जुड़ देते हैं उसको, ये सच है, और ये वाला सच है, ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है यही सच है, सिर्फ ऑप्शन बी जो है दैट इज ऑनली एक ऐसे ऑप्शन है जो कि करेक्ट भी है एंड इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंसुलिन, क्योंकि बाकी आप सोच सकते हो सर डी क्यों नहीं है, क्यों ए नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें ना ए एंड डी में इंसुलिन प्रोड्यूस, मतलब ये इंसुलिन रिलेटेड स्टेटमेंट है, मगर यहाँ पर पूछा है, अच्छे से देखिए, जेनेटिकली करेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, आपको रीड करना जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में कभी एलर्जिक रिएक्शन या ये जो बीफ से पॉक से मिलता है इंसुलिन सब सही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे टाइप के, वो कलेक्ट करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना जरूरी है। 191 हो गया, 1 या आपके 92 इज वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लाइकोजन क्या होता है ये सब देखिए सबको मालूम है, ग्लाइकोजन जो होता है ठीक है ये आपके स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है, ए फोर जो आपके ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन आपके होता है यू नो एंटीबॉडी, आपको मालूम है गामा ग्लोब्यूलिन होता है एंटीबॉडी, तो ऑब्वियसली इट विल बी द आंसर गामा ग्लोब्यूलिन और एंटीबॉडी। और जो आपके ऑप्शन सी होता है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जो होता है ये आपके हॉर्मोन्स में आता है, ठीक है, और जो थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, जो आपके स्टेरॉइड्स होता है जो आपके थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, वो आपके बायो कैटलिस्ट आता है, क्योंकि थ्रोम्बिन आपको मालूम है वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो बायो कैटलिस्ट हुआ, तो ऑप्शन ऑब्वियसली आपके टू, आपके जो है ये आपके टू आंसर हो जाएगा, मतलब 192 का टू आंसर हो जाएगा। 193 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो कौन से वाला चीज क्लोनिंग वेक्टर में नहीं हो, मतलब नहीं होता, डिजायर्ड नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, ये तो सच है, ये हो ही सकता है, रिकॉग्निशन साइट ज्यादा नॉट डिजायरेबल पूछा है, क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब एक ऐसे ही जगह है जहां पर आपकी ये कट कर सकते, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सकता है, ठीक है, तो ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉपी पर बहुत सारे जीन ऐड करना पड़ सकता है, तो आप लोग को ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट वहां पर जरूरी है ताकि हम लोग ज्यादा जीन वहां पर ऐड कर सकें, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी चाहिए, मार्कर जीन भी चाहिए, सब सही है, मगर ये सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट कोई मतलब फेवर्ड नहीं है, हम लोग हमेशा चाहते हैं क्या थोड़ा सा क्लोनिंग वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा हो ताकि हम लोग बहुत सारे हमारे मर्जी में जीन ऐड कर सकें। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे, देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके लाया हूँ आपके लिए, 15 था उस, वो ग्रो कर रहा है 14 के मीडियम में, फर्स्ट 20 मिनट, सेकंड 20 मिनट एंड थर्ड 20 मिनट में, ठीक है, तो यू कैन सी फर्स्ट 20 मिनट में क्या हुआ, ये 15 से 15 14 एक कॉपी, 15 14 दूसरा कॉपी हो गया है, ठीक है, सेकंड फिर अब 40 मिनट के बाद ये इसको कॉपी करोगे तो ये 15 क्या हो जाएगा, 15 14 14 15 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 से क्या हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से एक 15 तो 15 14 हो जाएगा, फिर दूसरा 14 से 14 14 हो जाएगा, अब फाइनल राउंड जब चल रहा है यानी कि दिस वन, इसमें आप देखोगे तो यू कैन अगेन कैलकुलेट इन दिस वे, ये जो 15 14 है इसमें 15 को देखेंगे तो 15 14 मिल गया, ये 14 से देखेंगे तो 14 14 मिल गया, ये 14 14 को कॉपी करेंगे तो दो कॉपी मिल जाएगा, और ये 15 को कॉपी मतलब कॉपी करेंगे 14 के विद द हेल्प रेप्लिकेट करेंगे तो 15 14 मिल जाएगा, ठीक है, ये 14 को कॉपी करेंगे तो एक और एक 14 14 मिल जाएगा, और ये 14 14 को कंप्लीट करेगा तो अगेन दो कॉपी मिल जाएगा ना, एक कॉपी करने से दो, तो आप ऐड करोगे पूरे ये 14 फ्री जो सिर्फ 14 14 से बने हैं, इसको 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 तो 6 मिलता है, तो पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था 10 से, तो 10 × 6 द आंसर विल बी 60, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके दैट इज ऑल अबाउट दिस वन, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस वन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन,
काफी सारे बच्चे ऑप्शन फोर किए थे, ये फोर नहीं होगा क्योंकि देखिए जो वॉल्व ओपनिंग होता है, मैंने बताया था क्लास में भी, फर्स्ट जो आपके लगभग 70% ब्लड हो तो पैसिव चला जाता है, उसके लिए एट्रिया का कंट्रैक्शन जरूरी नहीं है। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, आपके जो सारे चीज डायस्टोल होता है, यानी कि एट्रियम भी खुला है, ठीक है, मतलब सारी चीज खुला है, एट्रियम से वेंट्रिकल में भी आ रहे हैं, फिलिंग हो रहा है, और उधर से मतलब जो आपके SVC, IVC, पल्मोनरी वेन, इस सब में भी फिलिंग हो रहा है, दैट इज अ जॉइंट डायस्टोल, एट्रिया ही डायस्टोल, आपके वेंट्रिकल भी डायस्टोल, यही होता है जॉइंट डायस्टोल। तो उस कंडीशन में याद रखना है, जो जब ब्लड आ रहे हैं, यू नो लाइक जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, उसमें 70% ब्लड आपके लगभग 70% ब्लड जो होता है वो आपके पैसिवली चला आता है, उसके लिए कोई कंट्रैक्शन का जरूरत ही नहीं है। जो लास्ट 30% ब्लड होता है एट्रिया में, उसको लेके आने के लिए कंट्रैक्शन करना होता है। तो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इसका वन आंसर होगा, ठीक है। एंड आई थिंक लास्ट 5 क्वेश्चन है हमारे। ओके, दिस वन, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये आपके क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये आपके मेनली क्वेश्चन है, आपके क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पर बता रहे हैं, ए एंड सी के बीच में 5% डिस्टेंस है, बी एंड सी के बीच में 15% डिस्टेंस है, बी एंड डी के बीच में 9%, ए एंड बी के बीच में 20%, सी एंड डी के बीच में 24%, ए एंड डी के, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या बताना है, सीक्वेंस बताना होगा। देखिए ये आपको पॉइंट मार्क करना, सबसे पहले आप देखिए ए एंड सी के बीच में 5%, तो बहुत ही नजदीक होगा ये, क्योंकि आपको मालूम है कंसेप्ट ये है, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो होता है वो एग्जैक्टली सेम फिगर होता है जो वैल्यूज होता है डिस्टेंस, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाता है, ज्यादा डिस्टेंस होता है तो ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है, कम डिस्टेंस होता है तो कम क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि वो बगल बगल में है ना। तो ऑब्वियसली ए एंड सी ये 5% हो गया, ठीक है, ए एंड सी, फिर बता रहे बी एंड सी के बीच में 15, बी एंड सी के, तो बी मान लीजिए मैं सी से इतना दूर में एक बी ड्रॉ किया जिसके बीच में 15 है, तो फिर बता रहे ए एंड डी के बीच में 19, डी मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, डी यहाँ पर बताया बी एंड डी के बीच में 9, यानी कि बी इससे भी 9 से आपके हो जाएगा डी, तो ये 15 था, यह 5 था, यह 9 था। अब देखिए बता रहे ए एंड डी के बीच में क्या कितना हो जाएगा, 5 × 15 × 9 = 29, वही बता रहे ए एंड डी के बीच में 29% मतलब 29 यूनिट डिस्टेंस, वही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा ए सी बी डी, अपने आपको मैंने करके दिखाया कि कैसे यू हो रहा है। अच्छा 197 देखिए ये क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा के मतलब ऑप्शन मेंशन करके इस बार और एक भी क्वेश्चन कराया है इस बार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके मोनेरा में आता है, जो कि गलत है क्योंकि प्रोटिस्टा पे आता है, तो गलत है। माइकोप्लाज्मा जो आता है उसमें आपके सेल वॉल नहीं होता है, बिल्कुल सही है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके मोनेरा में आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बैक्टीरिया आपके एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक है, बैक्टीरिया आपके हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक एक्सक्लूसिवली, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ क्यों। ऐसे नहीं कि बैक्टीरिया सिर्फ हेटरोट्रॉपिक है, कभी कभी बैक्टीरिया खाना खुद के खाना खुद तैयार भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया साइनोबैक्टीरिया के केस पे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, ये फुल्ली परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो फुल्ली परफेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज यू नो करेक्ट बताना होगा ना, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम सेलवल, सेलवल इसमें नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा में सेलवल नहीं होता है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में सेलवल नहीं होता है, तो ये गलत, ए गलत, डी गलत में बताया, तो सी इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो बेटा, मैं आंसर कर दूंगा बिल्कुल। ये देखिए आपके 190, ये 190 बहुत बच्चे ने कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बेटा, आपके एनसीईआरटी फॉलो करिए, पार्टिकुलर मटेरियल PM2.5 जो है ये कभी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से नहीं जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव करते हैं चार्ज को, फिर प्लस जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें अट्रैक्ट करते हैं, तो मगर जिसके साइज 2.5 से छोटा है, यानी कि PM2.5 या फिर PM2.5 उससे छोटा, या फिर खुद PM2.5 पार्टिकुलर मटेरियल का साइज, वो उसको आप इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर से भी अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट ही होगा, और ये तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्क्रबर जो होता है थर्मल प्लांट में वो डस्ट पार्टिकल, स्क्रबर इज ओनली फॉर यू नो SO2 CO2 ये सब के लिए, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, याद रखना। अच्छा और कहां पर है, अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड का क्वेश्चन है, सबको मालूम है ये, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे तो ये क्वेश्चन ऐसे वर्बली कर लेगा, ठीक है, करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर ब्लाइंड आपके फीमेल है, फीमेल कलर ब्लाइंड है, ठीक है, तो आपको मालूम हो चुका है कलर ब्लाइंड फीमेल है, मैरीज अ मैन, देखिए फीमेल कलर ब्लाइंड तभी हो सकता है जब उसका दोनों कॉपी एक्स क्रोमोसोम ही खराब है, ठीक है, हीमोफिलिया जीन का सॉरी कलर ब्लाइंड जीन का दोनों कॉपी ही खराब है, तभी से कोई फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकता है, तो उनका मैरी हो रहा है, उनका शादी हो रहा है किसी से, एक मैन जिसका मदर वाज कलर ब्लाइंड,
तो जिसका मम्मी कलर ब्लाइंड था, ठीक है, तो जो मैन होगा उनके मम्मी कलर ब्लाइंड था, तो मैन के अंदर एक्स एंड वाई होता है, तो एक्स एंड वाई से एक्स किसके पास से मिलता है, वाई किसके पास से मिलता है, वाई आपको पेरेंट मतलब पापा के पास से मिलता है, एक्स मम्मी के पास से मिलता है। अब देखिए मम्मी में क्या बात है, मम्मी में आपको मम्मी में कलर, मम्मी भी कलर ब्लाइंड था, तो ऑब्वियसली ये भी खराबी होगा ना, मम्मी भी कलर ब्लाइंड था तो एक ही एक्स क्रोमोसोम मिला है मतलब जो बेटे को, तो वो भी खराबी होगा, तो सारे यहाँ पर खराब है, तो इसके कॉम्बिनेशन करेंगे तो करने का तो देखने की कोई बात ही नहीं है, सारे के सारे 100% जो होगा कलर ब्लाइंड ही होगा, मम्मी जो मम्मी एक्स मम्मी में क्या है, दो कॉपी खराब है, पापा में एक्स है वो भी खराब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंड। ठीक है, प्रोजेनी जो होगा, प्रोजेनी मतलब क्या है, इन दोनों का जब बच्चे होगा एक, तो देखिए चाहे मेल या फीमेल जो भी होगा वो तो एक्स क्रोमोसोम, सारे एक्स क्रोमोसोम का कॉपी खराब है। देखिए आपके ये जीन ट्रांसफर होता है एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, मम्मी के दो कॉपी होता है वो खराब है, पापा का एक ही क्रोमोसोम एक ही कॉपी मिल सकता है पापा से वो भी खराब है, तो इनका जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो सारे खराब ही होगा, तो ये 100% हो जाएगा आंसर। अच्छा ये चीज तो सिंपल है, आपके टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स में आप देख सकते हो, ब्रोंकियोल्स में आपके सिलियाटेड एपिथेलियम होता है, गॉबलेट एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है, आपको मालूम है गॉबलेट के नाम इसलिए गॉबलेट होता है क्योंकि गॉबलेट जो चीज होता है यू नो उसमें आपके रिवर्स वाइन ग्लास की तरह होता है, और ये सिंगल सेल सिंगल ग्लैंड होता है ये भी, तो आंसर हो जाएगा आपके ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा आपके 3, बी का हो जाएगा आपका 3 ग्लैंडुलर सेल, सी का आपका हो जाएगा 1 टेंडन जो होता है, टेंडन आपको बताया था मैंने, टेंडन एंड लिगामेंट में क्या होता है फाइबर का अरेंजमेंट बहुत रेगुलर होता है, ओके, एंड ऑप्शन डी जो होता है ये 2 होता है, ऑप्शन डी जो होता है एडिपोज टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक यू गॉट अ नाइस आइडिया, मेरे मुझे ये पूरे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे एक चीज मैं सबको फिर से बताऊंगा, जितने बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करोगे सबके लिए एक ही मैसेज होगा, व्हाट इज माय, कुछ मैं मैसेज बताऊंगा आपको कुछ इस साल के बच्चे के लिए, कुछ नेक्स्ट साल के बच्चे के लिए, मेरे मैसेजेस बहुत क्लियर है, NEET 2022 जो है ये जो पेपर है NEET 2022, ठीक है, इसमें आपको फिर से एनसीईआरटी रॉक्स, ठीक है, फिर से एनसीईआरटी रॉक, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे सवाल पूछे, बायो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स बात करेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री बात करेंगे, तो फिजिक्स जो पेपर था इस साल वो थोड़ा सा आपके ईजियर था, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में, ठीक है, और केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा बायो जो है थोड़ा सा पेपर लेंदी, ठीक है, बायो पेपर थोड़ा सा लेंदी है, फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इजी भी है, लेंदी भी बिल्कुल नहीं है, केमिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट सेम, मगर ऑन द टफर साइड, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा टफ पेपर था ये केमिस्ट्री वाला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, ठीक है, और मेरे ख्याल से तो इस हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ जब लोग पूछ रहे थे कट ऑफ, ठीक है, मैं भी बहुत सारे बच्चे से बात किया, जितने सारे मैं प्रीपेंटल के बच्चे हैं पूरे इंडिया में सारे से बात किया, कट ऑफ जो होगा पिछले साल की तरह ही होगा, क्योंकि ये पिछले साल में आपके फिजिक्स डिफिकल्ट हुआ था, बायो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहा था, केमिस्ट्री भी थोड़ा सा टफ था, तो इस साल में भी आपको जो कट ऑफ होगा ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक सेम, ठीक है, लाइक प्रीवियस ईयर, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में था वैसे ही होगा, ठीक है, सेम एज प्रीवियस ईयर, तो ये आप मैं आपको वही बताना चाहता हूं, तो कोई भी बच्चे जिसका आपके 600 के आसपास मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग द स्कोर मोर देन 600 यू आर सिक्योर्ड, आप हमारे ये पूरे वीडियो देखना एंड तक, और एंड में मैं बता रहा हूं जो भी बच्चे 600 मिल रहे हैं वो सिक्योर्ड हो, एंड यू नो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इस साल, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, और बाकी जो है वो हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर आपको बता देंगे क्या जो रेंजेस होगा स्कोर का, यानी कि 550 टू आपके 650 हो, 550 टू 560 में कितना रैंक हो सकता है, 560 टू 570 में रैंक कितना हो सकता है, ठीक है, 570 टू यू नो 580 में कितना रैंक हो सकता है, ये हम लोग बाद में ये डिक्लेयर करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है, पूरे ये रिवाइज मतलब पूरे ये चीज को आप कैलकुलेट करिए, पीडीएफ भी हम लोग आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, आई थिंक यू नो द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, सारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, प्रेपमेड का जितना टेलीग्राम चैनल है, इट इज अ प्रेपमेड नीट
biology by Dr. Debojyoti. ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए. ठीक है, इसमें एमसीक्यू हम लोग डालते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हो, इसमें आप कुछ क्वेश्चन भी दे सकते हो, तो हम उसका आंसर करते हैं हमेशा. ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडे सेशन. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और विश यू ऑल द बेस्ट सबके रैंक के लिए. हम लोग तो बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए. सो लेट्स सी, एंड आज के लिए यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ ये सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.